तो हेलो एवरीवन दिस इज दिव्यांशी वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरु जी बच्चों सुबह के दस बज चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग और हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं ये आप लोग को ना सबसे मतलब पहले से ही पता था कि हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं एक बार चेक कर लीजिएगा सर वॉइस क्लियर uh, है ना जी हाँ, तो देखिए बच्चों हमारी क्लास ये आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी कल शाम को हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था कि भाई कैसे कैसे हम लोग क्लासेस को करेंगे ओके तो आज सुबह दस बजे हम लोग करेंगे पूरा बच्चों कंप्लीट प्रोज तो प्रोज में हम लोग हर एक क्वेश्चन की बात करें तो हर एक चीज को कवर करेंगे कुछ भी प्रोज में आपका फिर बचेगा नहीं ये मान के चलिएगा ठीक है तो हम लोग ना अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भाई मैम हमारी क्लास में मतलब हमारे जब पेपर हमारे सामने आएगा तो उसमें प्रोज से हमें क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे है ना किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे तो देखिए एक बार थोड़ी सी देर में हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि बच्चों ये जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक है है ना फर्स्ट फ्लाइट बुक में ये जो आपका प्रोज पार्ट है है ना तो प्रोज में बच्चों टोटल पंद्रह नंबर का आएगा आपकी परीक्षा में अब आप देखिए पंद्रह नंबर बहुत ही मायने रखते हैं है ना तो पंद्रह नंबर का आएगा जिसमें क्या क्या आएगा बच्चों देखिए टू एम सी क्यूज बेस्ड ऑन गिवेन एक्सट्रैक्ट मतलब एक एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड करके क्या आएगा बच्चों दो एम आएंगे कितने नंबर के होंगे दो नंबर के होंगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग जान लेंगे और ये जरूरी भी है ठीक है फिर उसके बाद बच्चों क्या है कि थ्री एम बेस्ड ऑन लेसन आएंगे मतलब लेसन से बेस्ड आपको थ्री एम देखने को मिलेंगे तो तीन नंबर हो गए ठीक है तीन नंबर हो गए फिर उसके बाद बात करेंगे बच्चों की टू शॉर्ट आंसर आएगा, आएगा आपके प्रोज से ठीक है प्रोज में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको दो शॉर्ट आंसर करना होगा आपकी परीक्षा में चार दिए जाएंगे उनमें से कोई भी आपको तो दो हो गए तीन -तीन तीन -तीन तो टोटल कितना नंबर हो गया छह नंबर ठीक है फिर उसके बाद बात करें कि बच्चों वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा मतलब एक आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर करना होगा कोई भी दो आएंगे एक करना होगा तो लॉन्ग आंसर भी कितने नंबर का होगा चार नंबर का तो आपने देखा कि यस मैम प्रोज में हमारा टोटल नंबर कितना हो गया पंद्रह नंबर हो गया ठीक है हाँ और ये पंद्रह नंबर हो गया और एक चीज बच्चों आपको हम स्टार्टिंग में ही बता दें कि आखिर हम लोग क्लास में क्या क्या करने वाले हैं क्या क्या करने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए बच्चों ठीक है तो इसमें देखिए ये आप देख सकते हैं बच्चों कि हम लोग ना आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं मतलब

जो है मैम ने स्टार्ट किया है तो आप सभी भी बच्चों साथ देंगे ठीक है साथ क्या कि मतलब हमने इसलिए पहले बता दिया कि बच्चों हम लोग ये ये क्लास में करेंगे प्रज कंप्लीट प्रोज का मतलब है कि फिर आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा इससे कुछ भी है ना कि अगर एम आएंगे तो उनको करेंगे एक्सट्रेक्ट बेस आएंगे तो उनको करेंगे रही बात शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर तो उनको भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों कंप्लीट करेंगे ठीक है तो अब हम लोग ना अपने इस पर आ गए हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यस मैम इतनी, इतनी इतनी ये सारी चीजें आएंगी अब बात कर लेते हैं बच्चों तो क्या सबसे पहले करना है हम लोगों को कि एमसीक्यूज करना है सबसे पहले हम लोग सारे इंपॉर्टेंट एम करेंगे फिर जस्ट उसके बाद बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर करेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग ना लॉन्ग आंसर करेंगे ठीक है हाँ तो और एक चीज़ कि देखिए आप एक कॉपी पेन उठा करके साथ में लेकर के बैठिएगा जितने हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को करेंगे उनको आप नोट करिएगा और स्टार्टिंग में डाल लीजिएगा कॉपी में पेज पर कि कंप्लीट प्रोज कंप्लीट प्रोज का मतलब कि प्रोज से भाई आपको इतना इतना पढ़ना है ठीक है और जो भी हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे बच्चों उनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक लॉन्ग आंसर करने के बाद हमको उसी में शॉर्ट भी देखने को मिल जाते हैं तो इस तरीके से हम लोग ना क्लास को करेंगे ओके तो बच्चे एक बार ना हम लोग स्टार्ट करने से पहले क्या कर देते हैं कि आप सभी शेयर कर दीजिए ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हाँ मैम बिल्कुल सही समय पर हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट कर लिया है और पूरे जोश के साथ में अंत भी करेंगे ठीक है अंत भी करेंगे उसी जोस के साथ में बच्चों उसके बाद क्या है हाँ ये सारे चैप्टर आपको क्लियर है कि भाई प्रोज में इतने ये चैप्टर हैं और इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग करेंगे ठीक है हाँ और ना आप इसका इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बिकॉज बच्चों यहाँ से सामने राइटर के नेम भी लिखे हुए हैं तो एक नंबर आपका पक्का ये मान के चलिए ठीक हाँ तो अब ये सारे चैप्टर हैं इन्हीं से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे तो देखिए आपके टोटल चैप्टर जितने भी हैं तो वन बाय वन करके हम लोग एमसीक्यूज करेंगे तो पहला हमारा चैप्टर क्या है आप सभी जानते हैं लेटर टू गॉड बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी ठीक है पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने फटाफट जवाब दीजिएगा और हम अर्थ भी बताते चलेंगे आप सभी को आप सभी को अर्थ बताते चलेंगे देखिए बच्चों वेयर वॉज लैंचोज हाउस लोकेटेड लैं का जो घर था वो कहा स्थित था है ना लोकेटेड मतलब क्या है कि स्थित था तो लैंचो का जो घर था वो कहां पर स्थित था बच्चों फटाफट देखिए ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल या बात करें कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए माउंटेन या ऑन द हिल या फिर ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए प्लेट्यू क्या होगा सही जवाब आप सभी को क्लियर है भाई इसका सही जवाब क्या होगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी के शिखर पर उसका घर स्थित था एक जो है क्वेश्चन आपको लैं से मिलने ही मिलने वाला है ठीक है हाँ तो सही जवाब क्या होगा बच्चों ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लोहिल यहां तक कोई भी समस्या नहीं है आप सभी को ठीक है और बच्चों प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चों को पता चल जाए कि हमारी जो है क्लास स्टार्ट हो गई और हम लोग पूरा प्रोज यहां पर करने वाले हैं कंप्लीट ठीक है अगला क्वेश्चन आपके आपके सामने है, आपके सामने है है बच्चों बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन थिंग वर विजिबल फ्रॉम द हिल कौन सी चीजें उस पहाड़ी से दिखाई दे रही थी ना विच थिंग मतलब कौन कौन सी चीजें थिंग्स वर विजिबल विजिबल मतलब होता है बच्चों दिखाई दे रही थी फ्रॉम द हिल उस पहाड़ी से मतलब जहां पर का घर स्थित था वहां से कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही थी भाई तो देखिए द रिवर द फ्लावर द फील्ड ऑफ कॉर्न या बोले तो ऑल ऑफ दीज है ना इनमें से सभी मतलब सारी चीजें और जैसे मतलब देखिए हम लोगों ने पहले भी ये सारी चीजें पढ़ रखी है मतलब तो देखिए जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं अब लास्ट में क्या करना है आपको रिवीजन करना है मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है अगर आप ध्यान से पूरी क्लास को सुनते हैं देखते हैं नोट करते हैं बच्चों तो ये मान के चलिए कि टोटल अगर पंद्रह नंबर का प्रोज आता है तो उनमें से आप मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आराम से कर लेंगे कोई भी समस्या नहीं होगी आपको तो यहाँ पर बताइए कि उसकी पहाड़ी से मतलब जहां पर उसका घर था कौन कौन सी चीजें दिखाई देती थी तो रिवर भी दिखाई देती थी बच्चों है ना नदियां भी दिखाई देती थी फ्लावर्स भी दिखते थे वहां से क्या होता था कि दिखते थे ठीक है फील्ड ऑफ कॉर्न और जो कॉर्न मत, का मतलब क्या होता है कि जो फ, आ, पकी हुई फसल थी बच्चों उसके खेत भी दिखाई देते थे फील्ड दिखाई देते थे ठीक है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मोस्टली बच्चे जो है इसका सही जवाब कर रहे होंगे बच्चों ठीक है जल्दी जल्दी दीजिए आंसर कि भाई इसका क्या होगा अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई तो ये सारी चीजें दिखाई देती थी ठीक है हम्म

तो अगर इनको ध्यान से सुनते हैं जब आप कभी शॉर्ट आंसर भी लिखेंगे ना तो ये सारी चीजें आपके माइंड में ना सेट हो जाएंगी बच्चों और आप एक शॉर्ट आंसर भी अच्छे से लिख सकते हैं ठीक है वॉट वॉज लेंचोज वाइफ प्रिपेयरिंग क्या बना रही थी भाई उस टाइम पे वो क्या बना रही थी सपर ब्रेकफास्ट लंच या फिर ब्रंच तो क्या बना रही थी बच्चों सपर बना रही थी रात का समय था बारिश बहुत तेज होने लगी थी उस टाइम पे वो क्या बना रही थी सपर सपर यानी रात का भोजन यहाँ पर बात करें ठीक है तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे ये चीज आप जो है ध्यान में रखिएगा ओके फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है फोर्थ नंबर क्या है बच्चों? विथ वॉट द रेन ड्रॉप हैड बीन कंपेयर्ड किसके साथ में जो रेन ड्रॉप थी उनको किससे वो कंपेयर कर रहा था भाई भाई किससे कर रहा था कि भाई ये हमारे लिए बारिश की बूंदे नहीं है क्वेश्चन आ सकता है लेकिन एक चीज हम यहाँ पर आपको बताएंगे बच्चों की जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आंसर इसमें लिख लिया है कि सिल्वर और न्यू क्वाइन है ना इनसे कंपेयर करता है तो परीक्षा में आपको कोई एक चीज देखने को मिलेगी या तो बोलेगा सिल्वर क्वाइन या फिर बोलेगा न्यू क्वाइन है ना दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिल सकते तो क्या होगा बच्चों कि सही जवाब होगा कि किससे कंपेयर करता है सिल्वर और न्यू क्वाइन कोई भी डाउट नहीं है फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है सही जवाब क्या होगा कि उसने रेन ड्रॉप को कंपेयर किया बच्चों सिल्वर एंड और न्यू क्वाइन दोनों मिल सकते हैं आपको ठीक है अगला पांचवा नंबर है बच्चों की हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज अब इसी चैप्टर में हम लोगों ने भाई पढ़ा था कि जो पोस्ट मास्टर था जब लैंचो ने फर्स्ट लेटर लिखा था गॉड के लिए तो वो पोस्ट मास्टर को मिलता है तो उसने कितने मतलब पैसे एब, वो कलेक्ट करने में एबल था है ना कितने भाई कर पाता है उसके लिए हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज अब बताइए भाई उसके लिए पूरे हंड्रेड पैसोज को कलेक्ट करने में समर्थ हो जाता है या फिर सेवेंटी पैसोज या वन थाउजेंड या फिर नेल सही जवाब क्या होगा भाई कि लेंचो जो है उसने जब पत्र लिखा था गॉड के लिए तो उसे कितने पैसों की जरूरत कितने पैसों की थी हंड्रेड पैसोज की थी लेकिन जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ता है पहले तो हंसते हैं वहाँ के कर्मचारी और फिर कितने जो है एबल होते हैं कलेक्ट करने के लिए तो सेवेंटी पैसोज ओके बच्चों अगर परीक्षा में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में भाई पूछा क्या है ठीक है क्वेश्चन में पूछा क्या है ये आपको देखना है तो सेवेंटी पैसोज जो है वो कलेक्ट करता है ठीक है बच्चों हाँ यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है आप सभी को जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा और देखिएगा कि आपका भाई कितना तैयार है आपने पहले पढ़ रखा है आप रिवीजन करिए क्योंकि लास्ट समय में क्या होता है कि हमें चीजों को रिवाइज करना है बच्चों और मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं आप एक बार ध्यान से पूरी क्लास को देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि हर एक बच्चा बुद्धिमान होता है ठीक है हाँ फिर आगे बात करें बच्चों की देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है वोट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड क्या पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था मतलब नष्ट हो गया था कुछ भी नहीं बचा था तो क्या बच्चों द कॉर्न फील्ड हिज विलेज या द हाउस नैन ऑफ दीज इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है परीक्षा में तो टोटली totally, यानी पूरी तरीके से क्या डिस्ट्रॉय हो गया था द कॉर्न फील्ड ठीक है रेयर सा पढ़ रखा है बच्चों तो ये जो क्वेश्चन बन के आएंगे ना आप आसानी से का जो है आंसर कर लेंगे बच्चों ठीक है क्योंकि ये पहला चैप्टर है और अभी आपको लग रहा होगा मैम अभी के ही सारे क्वेश्चन आ रहे तो हम लोग वन बाय वन करके सारे चैप्टर के इंपोर्टेंट एम्स करेंगे ठीक है कुछ हम लोग इनको करने के बाद फिर आगे देखेंगे द कॉर्न फील्ड क्या होगा बच्चों द कॉर्न फील्ड ओके और मैंने आपको दिखाया ही कि भाई कितनी हम लोग आज की क्लास में कितने क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ अब लेंचो की जो सोल थी है ना, उसकी जो आत्मा थी जो उसका मन था वो किससे भर गया था भाई फिल्ड मतलब क्या हो गया था कि मतलब किस चीज से पूरा भर गया था वो क्या हो गया था तो देखिए बच्चों खुशी से भर गया था से या, या चेयरफुलनेस से तो सही जवाब क्या होगा कि जब मूसलाधार बारिश हुई तो उसके कारण क्या हुआ था कि लैंचो एकदम उदासी से भर गया था मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर सैडनेस हो जाएगा है ना वो दुखी हो गया था पूरी तरीके से क्योंकि वो एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था कि भाई बारिश होगी और उसकी फसल अच्छी होगी है ना और वो अपने परिवार का पालन पोषण भी काफी अच्छे तरीके से कर पाएगा तो इन सारी ये सारी चीजें मतलब ये सारी उम्मीदें थी उसके अंदर तो इसलिए जो है जब लेकिन ऐसी बारिश होती है कि उसका सब कुछ क्या हो जाता है नष्ट हो जाती है उसकी फसल तो वो बहुत दुखी हो जाता है अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों विच थिंग वॉज वर्थ दैन द प्लेग ऑफ लोकस्ट है ना तो इसमें इस चैप्टर में बताया गया था कि विच थिंग्स विच थिंग मतलब मतलब कौन सी चीज जो है है वर्स वर्स मतलब होता है खराब है ना बुरी ऐसे तो देन द प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब जैसे जो लोकस्ट वो होता है ना प्रभाव जैसे जो टिड्डियों का दल होता है उससे इसने ये कंपेयर किया कि भाई कौन सी चीज है जो इससे भी क्या होती है प्लेग ऑफ लोकस्ट से भी वर्स होती है मतलब खराब होती है तो उसने क्या बताया इसमें चैप्टर में क्या बताया गया बच्चों द स्टॉम द थंडर द हेल स्टॉम या फिर द हेड ऑफ द लोकस्ट तो इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि प्लेग ऑफ लोकस्ट को किस चीज़ से भी वो बताया गया है मतलब खराब बताया गया तो द हेल स्टॉम यहाँ पर इस तरीके का इसका मतलब होगा बच्चों की उसने मतलब लैं ने ये चीज बोली थी कि अगर टिड्डियों का दल उसकी फसल में बैठ जाता तो कहीं ना कहीं उसकी फसल रह जाती मतलब बच जाती लेकिन इस मूसलाधार बारिश ने तो क्या कर दिया पूरी तरीके से फसल को नष्ट कर दिया मतलब कुछ भी नहीं बचा ठीक है कुछ भी नहीं बचा था तो समझ में आया आपको कि मूसलाधार बारिश जो है उससे क्या हुई खतरनाक कि मतलब उसकी फसल जरा सा भी नहीं बची थी तो यहाँ तक बच्चों सारी चीजें आपको क्या है क्लियर है हम्म अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ये ध्यान में रखिएगा कि हेलोस्टॉम भी किससे ज्यादा खतरनाक थी इन प्लेग ऑफ लोकस्ट से फिर बात करते हैं कि नाइन नंबर क्वेश्चन क्या होगा बच्चों वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द फील्ड फील्ड आफ्टर द हेल स्ट्रॉम हैड पास्ट अब जब बारिश हुई थी मतलब मूसलाधार बारिश हुई थी हेल स्ट्रॉम मतलब क्या होता है बच्चों मूसलाधार बारिश ठीक है जब हुई थी तो वॉट वॉज द कंडीशन क्या स्थिति हो गई थी फील्ड यानी खेतों की क्या स्थिति हो गई थी मतलब मूसलाधार बारिश होने के बाद खेतों की स्थिति कैसी हो गई थी है ना किस तरीके से हो गई थी क्वेश्चन का मतलब पता चला आपको अभी दिया है बच्चों द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड कॉर्न जो मतलब फसल थी है ना मक्के की जो पूरी फसल थी वो टोटली totally, मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो गई थी या फिर बोले तो द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स और जो पौधे थे मतलब जिनसे अनाज निकलना था उनके फूल भी पूरी तरीके से क्या हो गए थे नष्ट हो गए थे ओके, A and B या नन A and B? सही जवाब क्या होगा बच्चों बोथ एंड बी बिकॉज ये ध्यान में रखिएगा बच्चों कि क्वेश्चन में क्या पूछा कि वॉट वॉज द कंडीशन ऑफ द फील्ड आफ्टर द हेल स्ट्रॉम हैड पास्ट मतलब मूसलाधार बारिश होने के बाद खेतों की स्थिति कैसी हो गई थी तो जो है फसल पूरी तरीके से बच्चों बर्बाद हो गई थी और बात करें कि पौधों से फूल जो है पूरी तरीके से जा चुके थे मतलब वो बर्बाद हो चुके थे ओके सही जवाब क्या होगा बोथ ए एंड बी अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों इसी लेंचो चैप्टर से ही रिलेटेड है ए लेटर टू गॉड लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ अब जो लेंचो है वो कंपेयर्ड उसने तुलना किया किससे भाई तुलना किया द क्वांटम ऑफ डैमेज क्वांटम मतलब होता है बच्चों मात्रा है ना जो उसकी बर्बादी की मात्रा थी भाई वो किससे कंपेयर करता है है ना उसने किससे तुलना की थी तो देखिए अटैक बाय रैट्स या फिर अटैक बाय कंपेयर कि करता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट से उसने क्या किया था बच्चों कंपेयर किया था वही बात जो मैंने आपको बताई कि वो कहता है ना कि अगर टिड्डियों का दल उसकी जो है उसमें बैठता मतलब टिड्डियों का दल जो है अगर उसकी फील्ड में बैठ जाता तो शायद कहीं ना कहीं फसल रह जाती लेकिन इस मूसलाधार बारिश ने तो भाई पूरा क्या कर दिया पूरी तरीके से नष्ट कर दिया तो सही जवाब ये आपके सामने क्या है बच्चों कि प्लेग ऑफ लोकस्ट ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहां तक कोई भी डाउट नहीं है तो हम लोगों ने अ लेटर टू गॉड के टेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कर लिया इतनी चीज़ें करने के बाद अब आपके माइंड में आ गया कि भाई अगर चैप्टर से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बन के आता है तो आपके अंदर इतना कॉमन सेंस आ जाएगा बच्चों ये क्लास करने के बाद कि आप कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं कर पाएंगे समझ रहे हैं ना कि अगर एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़, पढ़ने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई नहीं अब हमसे ये रॉन्ग नहीं होगा हम बिल्कुल सही कर पाएंगे ठीक है अगर आप अपने कॉमन सेंस का भी यूज करते हैं तो अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड चैप्टर पर और सेकंड चैप्टर आप जानते हैं कि मैम कितना इंपॉर्टेंट है है ना क्योंकि कभी कभी क्या है बच्चों को इससे इनमें मतलब मेन पॉइंट बताए गए हैं कि भाई आपको याद रखना है इसमें कि ब्लैक्स के द्वारा क्या गाया गया था कौन सा जो है राष्ट्रगान था है ना और जो है वाइट्स के द्वारा क्या गाया गया था अब भाई जो नेल्सन मंडेला थे वो कौन से देश के राष्ट्रपति बने थे तो इन सारी चीजों को हम लोग ना एमसीक्यूज के ही माध्यम से क्या करेंगे बच्चों कवर कर लेंगे ओके अब क्या है बच्चों कि हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है उसके एमसीक्यूज को करेंगे लेकिन उसके पहले क्या है बच्चों कि एक बार शेयर कर दीजिए और एक काम और कर दीजिए कि आप लाइक कर दीजिए फिर हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं और बिना किसी जो है स्टॉप है ना बिना किसी ब्रेक के हम लोग कंटिन्यू पूरे जो है एमसीक्यूज को क्या करेंगे कवर करेंगे ठीक है तो एक बार लाइक कर दीजिए बच्चों फटाफट बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है बच्चों सेकंड चैप्टर है बच्चों नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आप सभी ने पढ़ा था कि यस मैम ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी किसकी नेल्सन मंडेला जी की फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों व्हेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज इंस्टॉल्ड मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से मिल सकता है कि यह भी मिल सकता है बच्चों की एक्सट्रैक्ट में भी पूछा जा सकता है ये। या फिर MCQ में आ सकता है आपके सामने तो इसे स्टार बनाइएगा अगर आपने कॉपी पेन ले रखा है साथ में कि when was द फर्स्ट डेमोक्रेटिक फर्स्ट मतलब प्रथम डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक है ना बच्चों और नॉन रेसियल मतलब होता है गैर जातिवाद गवर्नमेंट मतलब सरकार की स्थापना कब हुई थी ये पूछा है है ठीक ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका में प्रथम लोकतांत्रिक गैर जातिवाद सरकार की स्थापना कब हुई थी इंस्टॉल्ड मतलब होता है बच्चों की स्थापना होना ठीक है तो ये पूछा गया है तो आपको याद रहेगा मैम ने बताया था कि साउथ अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक गैर जातिवाद सरकार की स्थापना कब हुई थी बच्चों आपके सामने ऑप्शन अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया तो ये ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको उसमें ध्यान में रखना है ऑन ट्वेल्थ में 1994 है ना या फिर टेंथ में 1995 नाइन्टी टेंथ में 1994 या ट्वेल्थ में 1995 तो सही जवाब क्या होगा बच्चों ऑन टें नाइनटीन नाइन्टी ओके ऑन ध्यान रहेगा कैसे याद रहेगा ऐसे भी याद कर लीजिए अगर ये क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि आपकी परीक्षा में आप तुक्का नहीं लगा सकते बच्चों अगर एक बार आपने इनको ऐसे देखा नहीं है तो आप इनमें तुक्का नहीं सही कर सकते हैं ठीक है ठीके? हाँ तो क्या होगा कि 10th में 1994, 10 मई उन्नीस सौ एक आप मान लीजिए कि हिस्ट्री का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और भाई हमको ये डेट याद करके जाना है परीक्षा में ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। ऑफ ए फ्री साउथ अफ्रीका Who took his oath. Oath का अर्थ क्या होता है बच्चों सपथ है ना क्या होता है सपथ होता है इसका मतलब हु टूक किसने लिया था मतलब शपथ ग्रहण करी थी द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री साउथ अफ्रीका स्वतंत्र साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति के रूप में किसने जो है शपथ ग्रहण करी थी बच्चों जेनानी ने करी थी नेल्सन मंडेला ने की थी या मिस्टर डी क्लेर की या थाबो की? सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों एक बार फटाफट फड़ जो है आंसर दे दीजिए कि स्वतंत्र साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी थी बच्चों तो आपको ध्यान में रखना है भाई क्या होगा सही जवाब नेल्सन मंडेला गलत नहीं करिएगा परीक्षा में ठीक है हाँ गलत नहीं करिएगा कि साउथ अफ्रीका में किसने भाई राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करी थी नेल्सन मंडेला अगला क्वेश्चन आपके सामने है मंडेला प्रोमिस्ड दैट द दे न्यू सोसाइटी वुड ब्रिंग फॉर ऑल अब देखिए क्वेश्चन का मतलब आपको हम बताते हैं क्या है कि मंडेला

ठीक है फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास ये ऑप्शन क्या लिखा हुआ है बच्चों कि इक्वेलिटी इक्वलिटी का अर्थ क्या होता है बच्चों समानता है ना समानता ध्यान में रखिएगा ये चीजें उसके बाद फ्रीडम की बात करें तो आप समझते हैं स्वतंत्रता या बोले तो आजादी है ना बच्चों तो ये ध्यान में रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेल्सन मंडेला ने क्या वादा किया था कि वो एक नए समाज के लिए क्या लेकर के आएंगे तो उन्होंने ये वादा किया था कि वो होप भी लेके आएंगे इक्वेलिटी भी लेके आएंगे फ्रीडम भी लेकर के आएंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज मतलब ये सारी चीजें लाने के लिए उन्होंने क्या किया था वादा किया था बच्चों अब इसके बाद फिर आपका ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए ठीक है बच्चों है ना समझ में आ गया ओके फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई देखिए विच नेशनल एंथम वो संग बाय ब्लैक्स ब्लैक्स अब आपने ये चैप्टर पढ़ा था तो ब्लैक एंड वाइट का रूल भी पढ़ा था कि कैसे भाई वाइट्स के द्वारा ब्लैक पर शासन किया जाता था है ना कैसे वो इन्हें अपने मतलब नीचे स्तर पर रखते थे तो विच नेशनल एंथम वो द्वारा ब्लैक्स। ब्लैक्स कौन सा जो है नेशनल एंथम गाया गया था ठीक है तो ये ध्यान में रखिएगा नकोसी डाइस्टेम बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज अगर आपने मान लीजिए इसके पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान से सुनिएगा कि भाई ब्लैक्स के द्वारा कौन सा गाया गया था डाइस्टेम गाया गया था बच्चों क्या डाइस्टेम दो ही तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है अब बोलो कैसे मैम देखिए एक तो पूछ लेगा कि ब्लैक्स के द्वारा कौन सा गाया गया था या तो पूछ लेगा कि व्हाइट्स के द्वारा भाई कौन सा गाया गया था तो ब्लैक्स के द्वारा बच्चों डाइस्टेम ठीक है ब्लैक्स के द्वारा ऐसे ध्यान में रखिएगा है ना ब्लैक्स के द्वारा डाइस्टम एंड नकोसी नकोल बच्चों वाइट्स के द्वारा गाया गया था इसको कवर नहीं करते हैं वरना आपको लगेगा, दो इसमें कर दिया। लेकिन ध्यान में, जो नकोसी आपके में है ये वाइट्स के द्वारा गाया गया था अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको मिलता है बच्चों तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए कि मैम ने बताया था कि ब्लैक्स के द्वारा डाइस्टेम और वाइट्स के द्वारा नकोसी

राष्ट्रपति में आ, मतलब साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी थी है ना फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे तो ये ध्यान में रखना है आपको नेल्सन मंडेला और कब किया था 10 मई उन्नीस ये डेट याद रखनी है ब्लैक्स के द्वारा डाइस्टेम गाया गया था व्हाइट्स के द्वारा जो है नकोसी सिकल गाया गया था ओके हाँ ये हो जाएगा फिर अगला है बच्चों नंबर एज मंडेला ग्रू अप ही स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट द फ्रीडम दैट ही इंजॉयड एज चाइल्ड वॉज जस्ट जस्ट एज अब सोचेंगे मैम बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई क्या है इसका मतलब देखिए एज मंडेला ग्रू अप जैसे जैसे नेल्सन मंडेला बड़े हुए ध्यान से सुनिएगा ठीक है मतलब जैसे बचपन से जब वो युवा अवस्था में आए नेल्सन मंडेला तो यही लिखा हुआ है कि एज मंडेला ग्रू अप जैसे जैसे नेल्सन मंडेला जो है बड़, बड़े होते गए है ना बड़े हुए ही स्टार्टेड उन्होंने शुरुआत की मतलब स्टार्टेड है ना रियलाइजिंग दैट द फ्रीडम दैट ही इन्जॉयड जस्ट एज चाइल्ड मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने ये अनुभव किया बच्चों ये अनुभव किया कि जो बचपन में उन्होंने फ्रीडम को इन्जॉय किया था मतलब जो बचपन में उन्होंने स्वतंत्रता को स्वतंत्रता का आनंद उठाया था वो बल्कि वो क्या था जस्ट लाइक ए जस्ट लाइक ए फ्रीडम एल्यूशन वेदर या सैक्रिफाइस क्या होगा सही जवाब बच्चों इल्यूशन ठीक है इसका मतलब जरूर ध्यान में रखिएगा बिकॉज क्या होगा कि उन्होंने ये अनुभव किया कि जो बचपन में उन्होंने स्वतंत्रता का आनंद उठाया था आजादी का मतलब वो समझे थे और मजा किया था उन्होंने वो बल्कि जब वो बड़े होते गए तो उन्होंने अनुभव किया कि भाई वो एक प्रकार का क्या था भ्रम था है ना भ्रम था कि वास्तव में वो आजादी जो उन्होंने अनुभव किया था वो एक प्रकार का एल्यूजन था मतलब भ्रम था ठीक है तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा परीक्षा में मिलता है तो आप सही करेंगे ओके बच्चों हाँ फिर चलते हैं हम लोग बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि देखिए हाउ मैनी अब चैप्टर में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के रूप में तो भाई आ, किसने नेल्सन मंडेला ने जो है शपथ ग्रहण करी थी अब पूछा है कि डिप्टी प्रेसिडेंट की बात करें बच्चों है ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी थी तो किस मतलब कितने लोगों ने हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट पूछा है? है ना कितने उपराष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण करी थी बच्चों टू थ्री वन नन है ना कितने थे भाई तो राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला जी एंड के रूप में आपको दो नाम याद रखने हैं एक तो हमारे फर्स्ट थे कौन बच्चों थाबो मबेकी क्या नाम बोला मैम ने थाबो मबेकी और दूसरे बात करें तो मिस्टर डी क्लेर्क ओके तो आपको ध्यान में रखना है कि मैम ने बताया था कि राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला और दो उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो मबेकी एंड जो है मिस्टर डी क्लेक ने शपथ ग्रहण करी थी ओके बच्चों सुन के भी आप सारी चीजों को कवर कर सकते हैं ओके और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई कि नेल्सन मंडेला की बेटी का नाम तो जिनानी नाम ध्यान में रखिएगा ठीक है जिनानी। ओके टू हो जाएगा यहाँ सही जवाब ठीक है टू हो जाएगा क्या बच्चों सही जवाब अगला क्वेश्चन आपके सामने है ंडेला वॉन्ट टू थैंक बट गुड नॉट अब इस चैप्टर में था कि नेल्सन मंडेला जी किस को धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन फिर दे नहीं सके थे तो वो किससे धन्यवाद देना चाहते थे बच्चों हिज फैमिली अपने परिवार को वाइट रूलर्स है ना वाइट रूलर्स को या फिर अफ्रीकन पैट्रियोट्स को या मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट तो क्या होगा कि भाई नेल्सन मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे तो किसे देना चाहते थे बच्चों अफ्रीकन पैट्रियोर्ट्स को मतलब उस देश के जो पैट्रियोर्ट्स थे देशभक्त समझते हैं ना है ना देशभक्त जो थे जो वहाँ के नेशनल लीडर्स थे उन्हें वो धन्यवाद देना चाहते थे कि भाई किस तरीके से उन्होंने उनके जीवन के लिए उनके समाज के लिए उनके समाज के लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है ना त्याग किया तो नेल्सन मंडेला जी उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई कि वो किसे धन्यवाद देना चाहते थे तो अफ्रीकन पैट्रियॉर्ट्स को वो क्या देना चाहते थे धन्यवाद देना चाहते थे इतनी चीज़ें क्लियर है मैम इस चैप्टर में तो छोटे छोटे पॉइंट हम लोगों ने कई सारे जान लिए ये भी जान लिया कि नेल्सन मंडेला भाई क्या थे प्रेसिडेंट थे दो उपराष्ट्रपति के रूप में जो है उन्होंने शपथ ग्रहण करी दो लोगों ने है ना उपराष्ट्रपति के रूप में और जो है इंस्टॉलेशन कब हुई थी दस मई उन्नीस को हुई थी ये सारी चीज़ें ओके और वो किसे धन्यवाद देना चाहते थे तो अफ्रीकन पैट्रियोर्ट्स को देना चाहते थे और वो समाज के लिए एक नई आशा उम्मीद समानता ये सभी लाना चाहते थे ओके अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट वो पहले प्रथम क्या बने थे ब्लैक क्या बने थे बच्चों प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या डिफेंस तो क्या बने थे इसमें तो आपको देरी ही नहीं लगनी चाहिए इस क्वेश्चन में है ना ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने में आपको टाइम ही नहीं लगना चाहिए कि वो क्या बने थे बच्चों प्रेसिडेंट बने थे ओके फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों मैन हु टेक्स अवे अनादर मैन फ्रीडम इज एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है टेक्स अवे करता है टेक अवे मतलब क्या करता है बच्चों मतलब छीन लेता है ठीक है हमारी बात सुनिए बच्चों अगर हम लोग ना और भी आराम से करेंगे मान लीजिए तो इसमें क्या होगा कि बच्चों फिर पेपर में ना आपका ये रॉन्ग भी हो जाएगा कहने का मतलब है हाँ कि हमें सारी चीजों को कवर करना है और जो है कवर करके ही चलना है सारी चीजों को ठीक है तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग कि हर चीजों को कवर कर पाए इसलिए बेहतर ढंग से ही तरीका अपनाएंगे कि भाई किस तरीके से हमें इन सारी चीजों को कवर करना है ओके हाँ और पता है और भी बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं चल सकते हैं बच्चों क्योंकि क्या है कि हमें एक दिखावे के रूप में उसे हर चीज़ को ऐसे कवर ही नहीं करना है सिर्फ हमें समझना है समझ करके चलना है कि जहाँ पे हम कोई थोड़ी सी मतलब देर हमें लग रही है तो उससे थोड़ा सा समय भले ही लग जाए लेकिन जितना करें वो एक बार में हम लोग क्लियर कर लें ओके हाँ तो क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वो क्या कहलाता है बच्चों ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है ना ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड हेट्रेड का अर्थ होता है बच्चों नफरत तो इसे क्या बोलते हैं नफरत का ओके? एक व्यक्ति व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वो क्या कहलाता है प्रिजनर ऑफ हेट्रेड कहलाता है ठीक है नफरत का कैदी कहलाता है मतलब वो भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होता है आई बात समझ में है ना कोई भी समस्या नहीं है बच्चों? ओके okay, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग है ना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मतलब नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा अब हमारे सामने तो यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया अब हमारे सामने आते हैं बच्चों थर्ड चैप्टर आता है हमारे सामने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फटाफट इंपॉर्टेंट इसके जो है एमसीक्यूज को करेंगे पहले ठीक है पहला क्वेश्चन क्या है हाँ और एक बार ना बच्चों आप सभी लाइक like कर दीजिए फिर से हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं है ना लाइक like कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है प्लीज जो है फटाफट जो है लाइक like कर दीजिए मैंने लिख दिया है आपको ध्यान में रहेगा ओके okay बच्चों हाँ लाइक like कर दीजिएगा अब क्वेश्चन पे फोकस करिए चलिए हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो है ऑथर कौन है बात करें कि है ना यहाँ पर ये यह आपका प्रोज का चैप्टर है तो ऑथर या राइटर ही पूछेगा तो लियामो फ्लेहर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेडरिक फोर्सेथ या नन ऑफ दिस क्या होगा इसीलिए तो हमने कहा था कि बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना कल भी आपसे बोला था कि भाई स्क्रीन ले लीजिए ऐसे ही एक क्वेश्चन मिल सकता है देखने को तो वहां से अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो हर एक चैप्टर के राइटर बताए गए थे बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा लियाम ओ फ्लेहर ओके बच्चों सही जवाब क्या होगा लियाम ओ फ्लेहर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हु गिव यंग सीगल ए पीस ऑफ फिस अब यहां पर पूछा गया है कि हु गिव यंग सीगल उस यंग सीगल को किसने जो है पीस ऑफ फिस दिया था मतलब बात करें कि चैप्टर में तो हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था कि भाई उसकी जो मदर थी वो यंग सीगल के पास पीस ऑफ लेकर के आई थी मतलब उसे देने के लिए है ना तो देने के लिए ही आई थी वो वो कौन उसकी मदर तो ध्यान में रखिएगा परीक्षा में आपको मदर करना है मदर सीगल यानी उस यंग सीगल को कौन जो है मछली का टुकड़ा देने के लिए आई थी भाई तो क्या होगा मदर सीगल ओके क्योंकि एक माँ माता ही है हम लोगों ने ऐसा चैप्टर में पढ़ा था कि जो अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती है ओके अब 23 नंबर की बात करते हैं बच्चों व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ अब जो यंग सीगल था भाई वो किससे जो है भयभीत हो गया था डर गया था है ना किस चीज से मतलब किस चीज का उसके अंदर डर था तो टू फ्लाई इन द स्काई आसमान में उड़ने का डर था या फिर बात करें बच्चों कि टू कैच फिश मछली पकड़ने का हम्म या फिर टू लैंड इन द सी या फिर नन ऑफ दी सही जवाब क्या होगा बच्चों कि वॉट वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ वो भाई किस चीज से डरा हुआ था किस चीज से उसे डर लगता था टू फ्लाई इन द स्काई वो आसमान में उड़ने से डरता था मतलब वो अपनी उड़ान नहीं भर रहा था उसके भाई बहन सभी उड़ना सीख गए थे लेकिन यंग सीगल जो था वो डरता था ठीक है तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में तो आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि यंग सीगल जो है भाई उड़ने से डरता था आसमान में अगला क्वेश्चन है आपके सामने वेयर डिड द यंग सीगल रन टू हाइड अब जो यंग सीगल था है ना वो कहाँ जा कर के हाइड हो जाता था मतलब छिप जाता था भाई जो यंग सीगल था ठीक है वो दौड़ करके कहाँ छिप जाता था तो देखिए लिटिल होल अंडर द लेज या ऑन द ब्रिंक ऑफ द क्लिफ या ऑन द ट्री या इन द मद कहा जाकर के वो छिप जाता था अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है देखने के लिए तो कहाँ भाई छिप जाता था लिटिल होल यानी एक छोटे से छेद में जो कि अंडर द लेज था मतलब उस पहाड़ी के अंदर एक छोटा सा होल बना हुआ था जहां पर वे वो जाकर के क्या हो जाता था छिप जाता था ठीक है यंग सीगल ओके चलिए यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है ना बच्चों अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान से सुनते हैं जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा ना ये वाला रिलेटेड और सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं करेंगे हम लोग इस क्लास में मैंने आपको पहले बताया कि भाई क्या क्या करने वाले हैं ठीक है कंप्लीट प्रोज मतलब हो गया कि उसके लॉन्ग शॉर्ट आंसर भी करेंगे अब ट्वेंटी फाइव नंबर है बच्चों हु वॉज दे आर ऑन द लेज विद द यंग सीगल फॉर द लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स क्वेश्चन का मतलब क्या है वॉज देअर ऑन द लेज मतलब उस पहाड़ी पर वो कौन था विद द यंग सीगल उस नन्हे यंग सीगल के पास कौन था फॉर द लास्ट ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब वो लास्ट 24 घंटे में उसके पास कौन था भाई यंग सीगल जो था उसके पास कौन था तो हिज टू ब्रदर्स उसके दो भाई थे या बोले तो बच्चों हिज सिस्टर उसकी बहन थी है ना या फिर हिज पेरेंट्स उसके माता पिता थे या फिर ही वॉज एलोन वह अकेले था तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलता है देखने को बच्चों तो क्या होगा कि ही वॉज एलोन भाई वो पूरी तरीके से क्या था अकेला था कोई भी नहीं था उसके साथ में ना उसके माता पिता ना उसके भाई बहन ओके

कोने पर किनारे पर है ना एकदम सामने ऐसे बोले तो तो वहां पर वो खड़ा हुआ था वन लेग मतलब एक पैर पर खड़ा हुआ था क्लोज हिज आईज अपनी आंखों को बंद करके बिकॉज क्योंकि क्योंकि वो इस वो इस मतलब ये क्यों कर रहा था कि उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया एक पैर पर जानबूझ के खड़ा हुआ था पहाड़ी के कोने में वो क्या करना चाहता था कारण क्या था ही वॉज फीलिंग स्लीपी वो नींद महसूस कर रहा था या इट वॉज नेचुरल हैबिट ऑफ सीगल ये उसकी नेचुरल हैबिट थी या फिर ही वॉन्टेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली या फिर वो अपने परिवार के जो सदस्य थे उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता था या ही वॉज अफ्रेड फैमिली या वो अपने परिवार से डरा हुआ था तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपको क्या करना है कि ही वॉन्टेड टू गेट द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली वो इसलिए ये कर रहा था कि ताकि वो अपने परिवार का ध्यान जो है है केंद्रित कर सके, आकर्षित कर सके सके ठीक आकर्षित कि जब उसके परिवार के सदस्य उसे देखेंगे तो दौड़ करके उसके पास आ जाएंगे ठीक है फिर क्या है बच्चों की ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है वोट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट है ना वॉट फूड कौन सा भोजन जो है यंग सीगल की माता ने उसे जो है दिया था ठीक है देने के लिए वो उसके पास आई थी तो देखिए बच्चों या टुकड़ा लेकर के उसे देने के लिए आई थी लेकिन फिर ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि दिया नहीं था भाई क्यों नहीं दिया था उसके पास आकर के आ जाती है लेकिन उसके मुंह में नहीं खिलाती इसलिए ताकि जो है वो कर सके उड़ान भर सके और फाइनली हम लोगों ने देखा था चैप्टर में पढ़ा भी था बच्चों कि वो फिर क्या करता है फाइनली उसने अपनी उड़ान भर दी थी ओके हाँ चलिए फिर अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ मैडेंड हिम है ना किस चीज ने उससे भाई पूरी तरीके से एकदम मैडेंट कर दिया था मतलब जैसे किसी चीज के लिए उतावलापन होना होता है ना या पागल हो जाना उसके लिए पूरी तरीके से कि भाई हमें ये चाहिए चाहिए वो वाला हाल ठीक है तो हिज ब्रदर्स फ्लाइंग किस चीज ने उसे बिल्कुल मैडेंट कर दिया था कि भाई पूरी तरीके से पागल कर दिया था तो हिज ब्रदर्स फ्लाइंग जब वो अपने भाइयों को उड़ता हुआ देखता था या हिज सिबलिंग एंजॉयिंग विद हिम या फिर अपने जो उसके सिब्लिंग्स थे भाई बहन को एंजॉय करता हुआ देखता था या फूड के लिए या ऑल ऑफ द अबव इनमें से सभी तो सही जवाब क्या होगा बच्चों कि फूड के लिए वो पूरी तरीके से मैडन हो गया था मतलब बस उसे खाना ही चाहिए था क्योंकि वो 24 घंटे से क्या था बच्चों भूखा था है ना तो इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं बच्चों कि हम लोग कैसे एक एक क्वेश्चन का मतलब भी समझ रहे हैं साथ साथ में हमारी चीजें भी कवर हो रही हैं और जो है हम लोग सिर्फ अभी यही नहीं करने वाले हैं बल्कि और भी चीजें करेंगे ठीक है अब आपको दिख ही रहा है यहाँ पर साक्षात लिखा हुआ कि ताकि बच्चे क्वेश्चन करने लगते हैं ना मैम ये होगा कि नहीं होगा आप देख सकते हैं ओके चलिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया था ट्वेंटी नाइन नंबर है बच्चों

कोई भी नहीं सही जवाब क्या होगा बच्चों कि उसके माता-पिता उसे किस लिए डांटते थे है ना फॉर फ्लाइंग मतलब उड़ने के लिए कहते थे कि उड़ना सीखो अदरवाइज अदरवाइज ही वुड बी अलोन ही वुड रिमेन विदाउट फूड मतलब वो उसे भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे वो कहते थे कि उड़ना सीखो खुद से अपने भोजन की व्यवस्था करना सीखो सही जवाब क्या होगा कि he would remain without food. वो कहते थे कि कभी कभी हमारे माता पिता भी हमें डांटते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए कि भाई काम करना सीखो तभी जो जो है आप, जो है आप अच्छा कर पाएंगे तो इसी तरीके से यंग सीगल को भी उसके माता पिता फोर्स करते थे कि खुद से उड़ना सीखो खुद से अपने लिए भोजन की व्यवस्था करो है ना वरना हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे तुम्हें भूखा रखेंगे ओके हाँ

टायर्ड uh, है ना so, uh, वो थक गई थी या फिर टू गेट हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर या सी वॉज मैड एट हिम सही जवाब क्या होगा भाई कि जब उसकी माता यंग सीगल की मदर उसके लिए मछली का टुकड़ा ला रही थी तो वो बीच रास्ते में क्यों रुक गई थी बच्चों क्योंकि क्या था कि टू गेट हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर वो इसलिए करना चाहती थी कि भाई वो उसको इस चीज से बाहर निकाल सके ठीक है तो सही जवाब यही होगा बच्चों टू गेट हिम टू फ्लाई हंगर कि अगर वो जब बहुत ज्यादा भूखा होगा तो वो प्रयास करेगा नहीं तो वो प्रयास नहीं करेगा तो ये चीज समझ में आई बच्चों तो यहाँ तक हम लोगों ने ना तीसरे चैप्टर के हिज फर्स्ट फ्लाइट के भी जो है उसको देख लिया है एमसीक्यू उसको अब हमारे सामने तीसरे ही चैप्टर के टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के भैया कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट है ना तो ये टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर का है अच्छा हम चाहते ना बच्चों तो ऐसे करके भी रख सकते थे मतलब बीच बीच में डाल करके कि भाई एक बार हमने फर्स्ट चैप्टर का रख लिया है ना फिर ऐसे करके लेकिन उससे क्या होता कि आपको भी लगता कि ये मैम कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है फिर बच्चे सवाल करते तो इस तरीके से हमें ऐसा सही लगा बच्चों कि हम कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से करें जो बच्चों को डाउट भी ना हो जब हम लगातार करेंगे तो बच्चों को पता होगा कि हाँ मैम इस चैप्टर के आप ये करा रही है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओके तो हमारे पास थर्टी वन नंबर क्वेश्चन क्या आया है बच्चों द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू डैश ऐसे करके लिखा हुआ है ना परीक्षा में आपके आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि जो पायलट था बच्चों है ना वो फ्लाइंग यानी जो एरोप्लेन को फ्लाइ कर रहा था तो वो कहाँ से कहां के लिए कर रहा था ये आपको पता होना चाहिए तो इंग्लैंड टू फ्रांस इंग्लैंड टू इंडिया या फ्रांस टू इंग्लैंड बच्चों है ना या फ्रांस टू इंडिया तो सही जवाब क्या होगा बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रोम तो फ्रांस टू इंग्लैंड क्या बोलेंगे फ्रांस टू इंग्लैंड दो तीन बार बोल लीजिए सामने आपके रखा हुआ मिलेगा ओके okay? कोई समस्या भी नहीं होगी चलिए फ्रांस टू इंग्लैंड फिर अगला है 32 नंबर विच कंट्रोल स्टेशन डिड कांटेक्ट ऑन हिज वे अब उसने रास्ते में कौन से कंट्रोल स्टेशन से उसने जो है संपर्क करना चाहा मतलब चाहता था ठीक है कांटेक्ट संपर्क किया था ओके तो पेरिस इंडिया इंग्लैंड ही डिड नॉट कांटेक्ट एनी जब वो रास्ते में फंस गया था बीच रास्ते में कौन पायलट है ना तो वो कौन से कंट्रोल रूम से भाई वो संपर्क किया था उसने तो किससे किया था बच्चों पेरिस कंट्रोल रूम ये ध्यान में रखिएगा ठीक है क्या होगा पेरिस कंट्रोल रूम ये ध्यान में रखिएगा ठीक है फिर आगे बात करें कि 33 नंबर क्वेश्चन क्या होगा व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक अब भाई उसने कौन सा रिस्क जोखिम उठाया था है ना किस चीज का जो है उसने जोखिम उठाया था कि भाई अब हमको जाना है तो जाना है देखिए वॉट रिस्क द पायलट पायलट ने कौन सा रिस्क लिया था फ्लाइंग बैक पेरिस। फ्लाइंग बैक बैक टू टू पेरिस पेरिस मतलब वापस लौट जाने का या फिर desired, मतलब जो वो उसने कोई भी रिस्क नहीं लिया या फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्ट्रॉम अब उसने भाई कौन सा रिस्क लिया था कि वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन एरु, को क्या करेगा उस स्टोन में मतलब वो आज जो तूफान भरी हुई मतलब वो मौसम खराब हो गया था ना तूफान आंधी तूफान से भरा हुआ मौसम था उसमें उसने डिसाइड किया कि भाई वो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को स्ट्रेट क्या करेगा फ्लाई करेगा मतलब ये रिस्क उसने उठा लिया था कि वो पीछे वापस नहीं जाएगा बल्कि इस तूफान भरे उसमें क्या करेगा वो जाएगा ठीक है वो जाएगा क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ में मिस भी नहीं करना चाहता था भोजन को इतनी बात समझ में आई आपको ठीक है हम्म फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैस एनी थिंग जो पायलट था बच्चों है ना? था, See, hear, speak, तो हम ने पायलट था वो देखने में समर्थ नहीं था मतलब कोई भी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन देखिए दो एरोप्लेन की बात हुई थी और इस चैप्टर का नाम है आपका ब्लैक एरोप्लेन तो डेकोटा एरोप्लेन को सही गाइडेंस किसने दिया था तो ब्लैक एरोप्लेन ने दिया था कि मतलब और उसे फिर लास्ट में पता भी नहीं चलता है कि भाई इसमें पायलट था कौन वो अनजान था है ना लास्ट में धन्यवाद देना भी चाहता था था लेकिन फिर उससे मिला नहीं था, वो ठीक है तो द पायलट वॉज नॉट टू एबल द एनी थिंग सी एनी थिंग है ना कोई भी चीजें वो देख नहीं सकता था ठीक है फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने वॉट वॉज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल अब पेरिस कंट्रोल रूम को है ना कॉल करने का मेन पर्पस क्या था क्या पर्पस था देखिए टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक एयर ट्रैफिक के बारे में जानना या टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट है ना डायरेक्शन ऑफ द रूट जो यात्रा की मतलब रूट की क्या थी डायरेक्शन यानी दिशा को जानना या फिर टू नो द डिटेल अबाउट द लैंडिंग है ना इन डिटेल अबाउट द लैंडिंग लैंडिंग के लिए डिटेल को जानना या फिर नन ऑफ दिस सही जवाब क्या होगा बच्चों इसमें जरा सा भी घबराइएगा नहीं ये थोड़ी सी वो हुई है तुरंत अभी जो है मैनेज हो जाएगा बच्चों ठीक है हाँ तुरंत ये अभी मैनेज होता है वैसे तो आपको एक मिनट क्या है कि थोड़ा सा कोई भी समस्या नहीं हाँ आप आराम कर सकते हैं हाँ देखिए तब तक हम कमेंट देख लेते हैं ठीक है आपको लग भी रहा होगा मैम कॉन्टिन्यूसली बताते चली जा रही हैं तो अभी जो है एक बार हम कमेंट देख लेते हैं बच्चों बस अभी तुरंत ये आपके सामने हो रहा है ये समस्याएं समस्याएं तो जीवन का एक हिस्सा है वो तो आप सभी जानते हैं ठीक है और भी जितने बड़े होते जाएंगे नेल्सन मंडेला की तरह नेल्सन मंडेला की तरह जैसे ही जैसे आप बड़े होते जाएंगे फिर समझना भी शुरू कर देंगे कि भाई क्या होती हैं समस्याएं है ना तो ये सभी चीजें बच्चों देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग इस क्लास में ना क्या करेंगे कि पूरा देखिए एम करने के बाद हम लोग वन बाय वन चैप्टर के लिए इसलिए भी कर रहे हैं बच्चों कि ताकि ये हो सके कि आपको भी कंफ्यूजन ना हो कि मैम ने बीच से कहाँ कहाँ से उठा करके क्वेश्चन रखे हैं हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई कौन से चैप्टर के हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको समस्या भी नहीं होगी ये बस जस्ट आपके सामने आने ही वाला है तब तक के लिए मैं और फ़ोन भी हैंग करने लगा है हाँ तो आपकी हम ना कमेंट्स देख लेते हैं आप सभी अब कोई बच्चे कह कह रहे हैं कह रहे हैं हैं कि कि मैम मैम कोई बच्चे आर्ट का कब होगा तो भाई देखिए पहले आपका अगर इंग्लिश है तो इस पर फोकस करिए ना फिर आपका एसएसटी का भी होगा जब आर्ट का एग्जाम होगा उसके लिए भी जब यहाँ तक की सारी मतलब जो है प्रयास किए गए हैं बेहतर प्रया, प्रयास किए गए हैं तो इसका भी किया जाएगा बच्चों हाँ ये हम लोग का था ब्लैक एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन का ये हो गया था वेड द पायलट टेक रिस्क हाँ ये भी हो गया था द पायलट वॉज नॉट एबल टू फ्लाई ओके यहां से कर लेंगे कॉन्टिन्यू ठीक है बच्चों हो गया है, है ना ओके okay. ये हैंग कर रहा है सर इसको दूसरा रख दीजिएगा देखने के लिए है ना तो कोई भी समस्या नहीं है बच्चों ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि पायलट जो है वो देखने में क्या था असमर्थ था ठीक है फिर हमारे सामने था कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द कॉलेज ये पेरिस कंट्रोल तो टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट क्या होगा ये होगा इसका सही जवाब बच्चों टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट ओके यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है कॉन्टिन्यू करते हैं ठीक है कॉन्टीन्यू करते हैं आगे थर्टी नंबर क्या होगा बच्चों पायलट आज द वुमेन इन द कंट्रोल टावर अबाउट अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा कि जो पायलट था बच्चों है ना वो, वो यहाँ जो पेरिस कंट्रोल रूम में एक औरत बैठी हुई थी एक लेडी बैठी हुई थी उससे किसके बारे में जानकारी लेने के लिए गया था तो हिज फ्रेंड या अदर प्लेन एंड इट्स पायलट है ना या फिर वेदर या ब्रेकफास्ट अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो आपको समझना है कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या रहा है तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो पायलट था ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का जो पायलट था वो पेरिस कंट्रोल रूम गया था वहां पर एक वुमेन बैठी हुई थी एक औरत महिला बैठी हुई थी उससे किस चीज की जानकारी लेने के लिए गया था भाई तो किस लिए गया था कि अदर प्लेन एंड इट्स पायलट वो ये जानना चाहता था कि भाई इस तूफान भरे मतलब रास्ते में जिसने उसको सही दिशा दिखाई सही मतलब गाइडेंस जिसने दिखाया तो वो अदर प्लेन कौन था वो ब्लैक एरो प्लेन कौन था भाई और उसमें पायलट कौन था है ना वो क्या मुझे जानता था वो ये जानकारी लेने के लिए गया था और जब वो महिला उसे बताती है कि नहीं सिर्फ एक ही एरोप्लेन था तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई फिर जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया वो कौन था ठीक है तो इस तरीके से ध्यान हमारे सामने बच्चों अगला क्वेश्चन थर्टी सेवन नंबर आई विल टेक द रिस्क मैं ये जोखिम उठा लूंगा वाई डिड द पायलट वॉन्ट टू टेक द रिस्क अब उसने

लंचलेस ब्रेकफास्ट को मिस भी नहीं करना चाहता था है ना तो यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी बच्चों आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वाई वॉज इट इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन वाई वॉज द इम्पॉसिबल क्यों असंभव था टू सी देखना एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन उस एरोप्लेन के बाहर देखना कुछ भी असंभव था क्यों ऐसा क्यों था क्या कारण था कि जो है इम्पॉसिबल था असंभव था कुछ भी देखना बाहर देखना मतलब एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना क्या था असंभव था तो देखिए एज देयर वर हेल थ्रॉम आउटसाइड क्योंकि बाहर क्या थी हेलीस्टॉम मूसलाधार बारिश हो रही थी या एज देयर वर डार्क क्लाउड ऑल अराउंड की चारों तरफ काले बादल घिर गए थे या हम बात करें कि इट वॉज नाइट टाइम की वो रात का समय था या फिर ऑल ऑफ द एव इनमें से सभी तो देखिए सही जवाब क्या होगा बच्चों कि एज देयर वर्क डार्क क्लाउड्स ऑल अराउंड क्योंकि चारों ओर जो है काले बादल घिर गए थे और वो उसे किस तरीके से नजर आ रहे थे ऐसा लग रहा था कि काले काले जो है माउंटेन उसके सामने आ गए हैं पायलट के सामने ठीक है तो तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपको ध्यान में रखना है कि बारिश नहीं हो रही थी ठीक है बारिश नहीं हो रही थी बल्कि क्या हुआ था कि काले बादल घिर गए थे अंधेरा मतलब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मौसम खराब हो गया था ठीक है इस वजह से ओके 39 number क्या होगा बच्चों बच्चों अब जो था बच्चो, जो था था है ना एरोप्लेन का black aeroplane का नहीं ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का जो पायलट था वो किस लिए मतलब इतना ज्यादा वाइल्ड फ्लाइंग द प्लेन जब वो प्लेन को फ्लाई कर रहा था मतलब उड़ा रहा था तो वो इतना ज्यादा

वो जो है अपने परिवार से मिलने जा रहा था ठीक है और ही वॉज एलोन अप द स्काई और फिर वो देखता है कि भाई हमारा ही अकेले एरोप्लेन भी है ठीक है अकेले ही वो फ्लाई कर रहा है उड़ा रहा है ही वॉज गोइंग टू हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट फॉलोइंग डे और जो है और उसे अपने परिवार के साथ में इंग्लिश ब्रेकफास्ट को भी करना था मतलब मिस नहीं करना था तो ये इन सारी चीजों की उसके अंदर खुशी थी इसलिए वो फ्लाई करने के वक्त मतलब इतना ज्यादा क्या था खुश था तो आपको ये सारी चीजें मतलब बस मेन मेन पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है है ना फिर हमारे सामने आया अगला क्वेश्चन बच्चों आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को जल्द ही जो है सूचित करना चाहिए क्या करना चाहिए वाई डिड द पायलट थॉट ऑफ डूइंग सो अब ऐसा करने के लिए पायलट ने क्यों सोचा

स्टॉर्म ठीक है वो मतलब उस आंधी या जो मौसम खराब हो गया था उसमें पूरी तरीके से स्टक हो गया था अब आपको स्टक का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्या होगा बच्चों कि वो उसमें फंस गया था मतलब उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई आगे रास्ता कैसे जाना है उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था समझ नहीं आ रहा था तो जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन का जो पायलट था वो पेरिस कंट्रोल रूम को जल्द ही संपर्क उसने किया कि जो है उसे रास्ता बताने के लिए ठीक है ओके तो यहाँ पर अब हम लोग आगे देखते हैं कि चैप्टर नंबर फोर पे आ गए हैं अब हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और रिटर्न बाय एनी फ्रैंक बच्चों मोस्ट बच्चोंटेंट चैप्टर है ये आपका है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका क्योंकि हर एक इसके एमसीक्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपको हंड्रेड परसेंट एनी फ्रैंक से देखने को मिलेगा जरूर क्वेश्चन ठीक है बच्चों क्योंकि ये आपके सिलेबस में आई थिंक इसी बार नया एड भी हुआ था चैप्टर है ना एनी फ्रैंक तो हंड्रेड परसेंट आपको यहां से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन बच्चों की संख्या कितनी है सर जितनी मुझे दिख रही है ओके हाँ तो देखिए बच्चों हम लोगों ने ना इतने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया मतलब तीसरे के दो अब आते हैं एनी फ्रैंक चैप्टर पर जितने भी एमसीक्यूज करेंगे उनको नोट कर लीजिएगा मेन मेन पॉइंट को और लास्ट टाइम में एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी ठीक है हम्म फोर्टी नंबर क्या है बच्चों क्वेश्चन हु वॉज एनी फ्रैंक पहला क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा आपको शॉर्ट में ही मिल जाएगा हम लोग पढ़ेंगे जरूर ठीक है हु वॉज एनी फ्रैंक एनी फ्रैंक कौन थी कौन थी भाई ए थर्टीन ईयर ओल्ड जुस गर्ल है ना एक तेरह साल की जुइज गर्ल थी या नाइनटीन ईयर ओल्ड जो गर्ल या फोर्टीन ईयर ओल्ड या फिर ओल्ड आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि हु एनी अगर लिख की आता है तो आपको बताना है कि वो भाई कितने साल की थी है ना जु गर्ल तो सब में दिया हुआ था तो एनी फ्रेंक बच्चों कितने की थी इ थर्टीन ईयर ओल्ड जो गर्ल ओके अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों की एनी रैंक जो है 13 साल की एक यहूदी लड़की थी ओके जिस गर्ल मतलब समझ रहे हैं ना आप एक यहूदी क्या थी लड़की थी तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है कितने साल की 13 साल की ओके हम क्योंकि अगर इस तरीके का नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ गया तो कम से कम आप आंख बंद करके सही जवाब तो कर सकते हैं ठीक है हां फिर उसके बाद है बच्चों, कौन थी भाई? सिस्टर एनीज मदर या फिर मार्गोट फ्रेंक तो ध्यान okay? तो में रखना है आपको कि उसकी सिस्टर का नेम क्या था बच्चों? मार्गोट फ्रेंक ओके हाँ फिर आते हैं कि हु गिफ्टेड अ डायरी टू एनी ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है मैम ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है हमारी परीक्षा में कि भाई एनी को जो है वो डायरी किसने गिफ्ट किया था? एनी तो कि को किसने भाई जो है डायरी गिफ्ट में दी थी उसका जब तेरवा जन्मदिन था जब थर्टींथ बर्थडे था उसका तो उसके पिताजी ने उसे गिफ्ट में डायरी दी थी ठीक है तो क्या हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों हर फादर ओके हा मिस्टेक नहीं करिएगा उसके पिताजी ने उसे डायरी दी थी फिर उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी बाय एनी अब एनी ने भाई उस डायरी का नाम क्या रखा था तो क्या नाम रखा था बच्चों किटी ऑटो मार्गोट किसिंग क्या नाम रखा था किटी रखा था ठीक है अब उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था किटी रखा था और मार्गोट तो फ्रेंक मार्गोट फ्रेंक आपने देखा उसके सिस्टर का नेम था की, की, की बात करें तो क्या था कि उसके मैथ्स के टीचर थे बच्चों ये ऐसे ध्यान में रखिएगा ओके फिर हमारे इतना ध्यान में रखिएगा कि उसने डायरी का नाम क्या रखा था बच्चों कीटी ओके फिर उसके बाद है हु गेव एनी हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल किसने उसे हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया था जब स्कूल से उसका फेयरवेल हुआ था जैसे होता है आप लोग का भी हुआ होगा स्कूल में है ना हु गेव एनी अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल तो मिस्टर क्यूप्रेस या ऑटो फ्रैंक मिस्टर कीसिंग या मार्गोट फ्रैंक सही जवाब क्या होगा बच्चों कि किसने उसे जो है ऐसी हार्ट uh, ब्रेकिंग फेयरवेल दिया था तो क्या होगा बच्चों मिसेस क्यूप्रेस ओके मिसेस क्यूप्रेस होगा सही जवाब बिकॉज जो कीसिंग थे वो उसके मैथ्स के टीचर थे बच्चों है ना ऑटो फ्रैंक उसके पिताजी थे उसके बाद हम बात करें कि हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड लंबे समय से उसका कौन मित्र था बहुत आसान भी है बच्चों ये बहुत आसान भी है हर एक चीज को बस हमें एक ध्यान रखना है बस लंबे समय से उसका भाई मित्र कौन था तो हरपेन हर कैट हर डायरी या हर डॉग क्या था बच्चों हर डायरी क्योंकि वो विश्वास करती थी कि लोगों से ज्यादा जो है वो डायरी पर विश्वास करती थी कि वो उसकी बातों को इधर उधर नहीं करेगी है ना वो विश्वास करके अपनी जो फीलिंग्स को उसके साथ में शेयर करती थी ओके फिर 47 नंबर है बच्चों हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनी फैमिली अब एनी की फैमिली में भाई ओनली सर्वाइवर कौन बचा था तो ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि उसकी मदर और उसकी जो उसके पिताजी होते हैं और उसकी सिस्टर होती हैं तो इनमें क्या होता है कि उसके पिताजी को छोड़ करके सबकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है यहाँ तक कि एनी फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है ठीक है तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम द एनीज़ फैमिली एनी के परिवार में ओनली सर्वाइवर मतलब एकमात्र जीवित कौन बच्चा था बच्चों तो एनी या एनीज़ फादर या एन सिस्टर या एनिज मदर कौन बच्चा था बच्चों ओनली है ना तो क्या होगा कि एन इज फादर ओके ये होगा इसका सही जवाब क्योंकि उसके परिवार में सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे थे उसके पिताजी तभी उसने उसकी डायरी को पब्लिश भी करवाया था किसमें अलग इंग्लिश इंग्लिश में जो है पब्लिश करवाया था कि ताकि उसकी डायरी को हर एक व्यक्ति पढ़ सके है ना फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वॉट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटर्न इन ऐसा क्वेश्चन आए तो मिस्टेक ना करिएगा बच्चों क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वोट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटर्न इन मतलब किस लैंग्वेज में ओरिजिनली मतलब वास्तविक रूप से किस लैंग्वेज में लिखी गई थी डायरी तो स्पेनिश में इंग्लिश में डच में या फ्रेंच में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए बच्चे फ्रेंच और ये तो तुरंत कट कर देंगे लेकिन इंग्लिश और डच में उससे कंफ्यूजन होगी तो ध्यान में रखिएगा अगर ओरिजिनली रिटर्न पूछता है बच्चों तो आपको डच करना होगा ठीक है और अगर ये पूछता है कि उसके पिताजी ने किस में पब्लिश करवाया था तो वो उन्होंने इंग्लिश में करवाया था तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होनी चाहिए और अगर परीक्षा में आता है तो आप से मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए हाँ समझ रहे हैं बच्चों तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना ये इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ है बच्चों कि भले ही थोड़ा सा हमें हम लोगों को टाइम लग रहा है लेकिन हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब हम उन चीज़ों को पढ़ें जो हमारे लिए क्या है ज़रूरी भी हैं लास्ट समय में हमें उन्हें पढ़ना भी चाहिए है ना लास्ट समय में पढ़ना भी चाहिए और हम बात करें कि जो है भले ही हमें अगर थोड़ा सा चीज़ों में टाइम लग रहा है तो हमें वो टाइम देना चाहिए ताकि हमारा और भी अच्छे से क्या हो जाए कवर हो जाए अब अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चो वाई वॉज मिस्टर क्यों नाराज हो गए थे बच्चों किससे एनी एनी से से है ना Frank से क्यों नाराज हो गए थे तो सी वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट क्योंकि वो एक अच्छी विद्यार्थी नहीं थी सी टॉकेटिव है ना वो बहुत ही बातूनी थी टॉकेटिव मतलब समझते हैं ना क्या होता है बच्चों बातूनी काफी ज्यादा बात करने वाली थी या फिर सी वॉज रूड है ना वो असभ्य थी या फिर ऑल ऑफ द above तो क्यों उससे नाराज थे बच्चों क्योंकि वो बहुत ही बात करती थी शी वाज टॉकेटिव ओके बहुत ही वो क्या थी बातूनी थी इसलिए वो उससे क्या हो गए थे नाराज हो गए थे एनी फ्रेंड वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज़ वो एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि क्यों रखना चाहती थी शी वाज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी या क्योंकि वो शौकीन थी या फिर हम बात करें कि शी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर

फीलिंग्स को शेयर कर सके ओके फिर देखते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर पर आते हैं यहाँ पर क्या है फिफ्थ चैप्टर है हमारे सामने फिफ्थ चैप्टर क्या है तो देखिए डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में हम लोगों ने इन सारी चीजों को कवर कर लिया कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं ठीक है अब आते हैं अपने फिफ्थ चैप्टर पर और जब देखिए हमारे द्वारा इतनी मेहनत से आपको जब बताया जा सकता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा मेहनत से मतलब मेहनत कर लीजिए मतलब धैर्य बना के आप क्लास को देखिए और देखने के बाद इन सारी चीजों को बच्चों नोट भी कर सकते हैं आप बस मेन मेन पॉइंट को नोट करिए ना कि उसने जैसे डायरी बनाया था तो क्या नाम रखा था उसका कि सामने आपके क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम आप कर तो सके ठीक है हाँ अब आते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया में उसका फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर पॉइंट है कि भाई जो गोवा में थे उन्हें क्या बोला जाता था वो कैसी ड्रेस पहनते थे तो ये सारी चीजें हमें मिलेंगी इस चैप्टर के अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था ठीक है और नहीं भी पढ़ा है तब भी एक बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा ऐसा क्वेश्चन एक आपको मिलेगा जरूर कि किसी भी चैप्टर के राइटर या ऑथर पूछ लेगा बच्चों हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा तो अभी आपने अगर नोटिस किया होगा ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ पर सही करेंगे कि ए बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर कौन है बच्चों फेडरिक फोर्सेथ लियामो फ्लेहरथी लूसियो रोड्रिगेज या बोले तो नन ऑफ दीज तो सही जवाब इसमें क्या होगा यहाँ पर लूसियो रोड्रिगेज ओके ये होंगे इसके क्या ऑथर या बात करें राइटर Okay. Hmm. फिर 52 नंबर है बच्चों व्हाट आर इन गोवा में भाई बेकर को क्या बोला जाता था किस नाम से जाना जाता था? ये जरूर एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता था बच्चों? तो किस नाम से जाना जाता था पैडर ठीक है किस नाम से जाना जाता था पैडर जाना जाता था तो ऐसे ध्यान में रखिएगा कि गोवा में जो बेकर्स थे वो पैदल पैदल चलते थे है ना? पैदल पैदल चलते थे तो पैदल पैदल से आपको पैडर जरूर ध्यान में रहेगा क्यों सही कहा ना बच्चों हाँ पैडर। तो आप भूलेंगे तो नहीं बच्चों ठीक है वो पैदल पैदल चलते थे इसलिए पैडर ऐसे ध्यान में रहेगा आपको फिर आगे बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों वो कॉल्ड कबाई अब कबाई किसे बोला जाता था बच्चों अब इस तरीके का आ जाएगा अगर आपने एक बार भी देखा नहीं है तो आपको लगेगा भाई ये कबाई क्या है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ गए फिर बाद में आपको ऐसा लगेगा है ना सुनिए हमारी बात को फिर बाद में लगेगा अरे ये कबाई कहां से आ गया था भाई ये तो कहीं था ही नहीं चैप्टर में तब इस तरीके से बाद में बातें बनती हैं बच्चों तो बाद में बातें ना बने तो इसलिए आप ध्यान दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है अगर आपके सामने परीक्षा में आ जाता है कि इज कबाई या फिर बोले डैस करके वॉज कॉल्ड कबाई किससे कबाई बोला जाता था तो बेकरस ड्रेस मतलब जो बेकरस की ड्रेस थी या बेकरस बास्केट या बच्चों बेकर सॉन्ग तो आपको कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है बस इतना ध्यान में रखना है कि जो बेकर्स थे वहां के यानी गोवा के बेकर्स थे उनकी ड्रेस को कबाई बोला जाता था ठीक है कबाई बोला जाता था जैसी भी उनकी ये ड्रेस होती थी उसे कबाई बोला जाता था और गोवा में बेकर्स को पैडर बोला जाता था ठीक है बच्चों हाँ क्योंकि एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको कबाई या पैडर से रिलेटेड फिर चलिए आगे चलते हैं फिफ्टी फोर नंबर तो इतना तो आप ध्यान ही रखेंगे पैदल पैदल यानी पैडर गोवा में बोला जाता था बेकर्स को है ना उनकी ड्रेस को कबाई बोला जाता था तो ओल्ड पोर्टुगीज या फिर द ट्रेडिशनल बेकरस एंड दियर फर्नेसिस फर्नेसिस मतलब होता है बच्चों भट्टिया भट्टिया ना जिसमें बेक करते थे वो है ना ब्रेड को क्या करते थे बेक करते थे या पेडर या फिर बच्चों द क्या है गोवा बेकर्स है ना तो सही जवाब क्या होगा बच्चों कि गोवा में आज भी हमें क्या देखने को मिलते हैं द ट्रेडिशनल मतलब वहां के जो ट्रेडिशनल पारंपरिक मतलब जो बेकर्स होते हैं जो वहां के और जो है उनकी जो बेक करने वाली भट्टियां होती हैं वो हमें आज भी गोवा में देखने को मिलती हैं तो सही जवाब क्या होगा बच्चों द ट्रेडिशनल बेकर्स एंड दियर फर्नेसेस ओके हाँ अब ध्यान में रखिएगा मैम ने फर्नेसस का मतलब क्या बताया था भट्टियां जिसमें बेक करते थे ओके चलिए 55 नंबर क्या है वॉट साउंड कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस इन गोवा गोवा में आज भी कुछ स्थानों पर हमें कैसा साउंड सुनने को मिलता है है ना यह सुन सकते हैं आज भी तो देखिए द साउंड ऑफ बेकर्स बैम्बू या फिर द साउंड ऑफ पोर्टुगीज द साउंड ऑफ बर्ड्स तो क्या होगा सही जवाब बच्चों द साउंड ऑफ बैम्बू ओके द बेकर्स बैम्बू मतलब ऐसे होता था ना हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जो बेकर्स होता था गोवा का ऐसे एक हाथ से एक हाथ मतलब टोकरी होती थी सर पे एक हाथ उस पर लगाता था दूसरे हाथ से वो क्या करता था बैम्बू को पकड़ता था और नीचे उस पर झंग झंग की आवाज आती थी तो इस तरीके से वो झंग झंग की साउंड करते हुए तो उसको सुन करके बच्चे दौड़ आते थे भाई उसके पीछे कि जो है ब्रेड आ गया है मतलब लेकर के आ गया है बेकर आ गया है पैडर आ गया है तो इस तरीके से उसकी आवाज को सुन करके हाँ और मेरी बात एक चीज और ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि मैंने देखा कि लगातार कुछ बच्चे ना चैट में ये आंसर्स को लिख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है बच्चों इसके लिए हम आपको बोलना चाहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्यों बोल बोलिए क्योंकि देखिए हमारी बात सुनिए ध्यान से कि जब भी आप हमारे साथ में ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों और आंसर को डायरेक्ट आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी बच्चों और प्रैक्टिस होगी ना जाने कहाँ से हमें कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कल ठीक है हाँ कुछ बच्चे हैं जैसे रितेश हो गया है ना सौरभ शर्मा हो गए तो ये बच्चे लगातार जो है क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बच्चों हम लोग एक तौर से देखें जो बच्चे जिन बच्चों ने पूरे साल भर मेहनत करी है हाँ जो बच्चे पूरे साल भर मेहनत किए हैं वो रिवीजन कर रहे हैं ये मान के चलिए जिन्होंने मान लीजिए नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ेंगे उन्हें समझ में आएगा ठीक है हाँ तो हम लोग कहा थे बच्चों देखिए बस ऐसे ही आप जो है उसमें आंसर लिखते रहिए साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होगी ठीक है तो ये ध्यान में रखिएगा कि उनके हाथ में बैम्बू होती थी झंग झंग की आवाज करते हुए वो क्या करते हुए आते थे भाई वहां पर आते थे तो द साउंड ऑफ बेकर बैम्बू है ना ये हमें आज भी जो है गोवा में क्या मिलती है सुनने को मिलती है अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाए फिफ्टी सिक्स नंबर वॉट डेट द चिल्ड्रेन ईट विथ अब जो वहां पर जो वहां के बच्चे होते थे गोवा के है ना वो बोला गया है कि वॉट डेड द चिल्ड्रेन ईट ईट विथ टी मतलब चाय के साथ में वो क्या खाते थे भाई तो केक सैंडविचेस बिस्किट या ब्रेड बैंगल मेड ऑफ ब्रेड सही जवाब क्या होगा कि बच्चों वहां के जो बच्चे थे वो चाय के साथ में क्या खाते थे बच्चों ब्रेड 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 मेड ऑफ यानी से बना हुआ ब्रेड बैंगल ये बच्चों के लिए ही आता था और हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों एक बॉल ऐसे ओ एल बॉल, बॉल लिख के आ जाएगा वॉट इज बॉल तो आपको ये भी मतलब पता होना चाहिए बच्चों की जो क्या होता था कि बेटियों की इंगेजमेंट वगैरह या शादियों में ये बिना बॉल के जो मतलब एक परंपरा थी कि नहीं इनके बिना वो शादियाँ या इंगेजमेंट अधूरी मानी जाती थी किसके बिना बॉल के बिना है ना तो ये वहाँ पर क्या होती थी जरूरी होती थी ऐसे भी ध्यान में रखिएगा तो ऐसे क्वेश्चन में पूछा कि भाई चाय के साथ बच्चे क्या खाते थे तो ब्रेड बैंगल मेड फ्रॉम मेड ऑफ ब्रेड ओके फिर 57 नंबर है मैरिजेस मतलब जो शादियां थी और एनी फेस्टिवल कोई भी त्योहार इनकम्प्लीट in माना जाता था किसके बिना भाई वो इनकम्प्लीट माना जाता था तो सैंडविचेस स्वीट ब्रेड बेकर्स पिज्जा फटाफट आंसर कीजिए इसका एक बार आंसर कीजिए भाई कि जो शादियां और जो अन्य त्यौहार होते थे वो किसके बिना अधूरे माने जाते थे बच्चों तो किसके बिना माने जाते थे सैंडविचेस या स्वीट ब्रेड बेकर्स या पिज्जा तो स्वीट ब्रेड के बिना क्या माने जाते थे अधूरे माने जाते थे त्योहार और जो है मैरिजेस शादियां ठीक है बच्चों तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है अब हम लोग बात करते हैं कि फिफ्टी एट नंबर वट इज बॉल अब बॉल क्या है भैया अभी तो मैंने लिख के आपको बताया है ना अभी तो जस्ट इसके पहले बोला था भाई कि बॉल क्या है अब परीक्षा में अगर आपको बॉल पैडर कबाई ये वर्ड मिल जाए तो भाई डरिएगा नहीं ठीक है पैडर कबाई बॉल अब बॉल अब का मतलब है बच्चों द स्वीट ब्रेड बेकर्स या ब्रेड या चाइल्ड क्या होता है अब बच्चे ना जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो सोचेंगे बॉल अच्छा वो वाली बॉल तो नहीं है जो वो खेलते हैं हम लोग बॉल तो उससे तो बच्चे संबंधित हो जाएंगे है ना तो इनको कट करना है बच्चों क्या होती थी स्वीट ब्रेड होती थी ठीक है What is ball? The sweet bread. Okay? ये सारे चैप्टर से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन है तो बॉल क्या होती थी स्वीट ब्रेड होती थी जिनके बिना शादियाँ और जो है त्योहार क्या माने जाते थे अधूरे माने जाते थे चलिए फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों। वॉट वॉज द सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक दैट रीच डाउन द नीज कॉल्ड अब इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है कि वोट वो सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक एक जैसे लॉन्ग फ्रॉक होती है ना, लॉन्ग फ्रॉक होती है तो उसका एक सिंगल पीस जैसा कि रीच डाउन द नीज कॉल्ड जो घुटनों के नीचे तक पहुँचता है ऐसे 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 आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप की जो घुटनों के नीचे तक पहुँचती है उसे क्या बोला जाता है तो आपने देखा कबाई पैंट शर्ट ट्राउजर है ना तो क्या बोला जाता है बच्चों कबाई जो गोवा के बेकर्स पहनते थे है ना कबाई पहनते थे वो क्या होता था एक लॉन्ग फ्रॉक जैसी ड्रेस होती थी जो घुटनों के नीचे तक पहुँचती थी तो इस तरीके का अगर लंबा क्वेश्चन लिख के आ जाए और पूछ ले भाई उसे क्या बोलते थे तो आपको पता होना चाहिए कि कबाई बोलते थे कोई भी डाउट नहीं है बच्चों यहाँ तक है ना हुँ. वेरी गुड फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन है हमारे सामने द बेकर्स यूजअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द जो बेकर्स होते थे बच्चों वो यूजअली कलेक्ट करते थे हिज बिल मतलब जो उनका बिल होता था वो कब उसे कलेक्ट करते थे किसके अंत में तो इस तरीका का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके चैप्टर में गिवेन था बच्चों कि जो गोवा के बेकर्स होते थे वो महीने के अंत में अपने बिल को कलेक्ट करते थे कब करते थे बच्चों तो देखिए दिन नहीं होगा साल नहीं होगा हफ्ता नहीं होगा बल्कि एक महीना होगा जब बच्चों ने अगर पढ़ा होगा तो वो ये सही करके आएंगे अगर आपने नहीं पहले है मान लीजिए तो अब ध्यान दे मतलब दीजिए कि, कि भाई क्या होगा मंथ होगा महीना होगा क्योंकि जो गोवा के बेकर्स होते थे वो महीने के अंत में अपने बिल को क्या करते थे कलेक्ट करते थे ठीक है है ना हाँ अरे वाह क्या बात है ना सारे बच्चे मंथ मंथ सारे बच्चे पढ़ रखे हैं वेरी गुड तो आप मान के चलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बस बिल्कुल अच्छे से ठीक है ताकि कोई भी भाई अंत समय में कुछ ऐसा ना रह जाए जो हम ना पढ़ें हाँ कोई बात नहीं बच्चों इतनी चीज क्लियर है मंथ होगा तो हम लोगों ने कुछ मेन पॉइंट पूरे देखे कि बॉल क्या होती है पैडर क्या होता है कबाई क्या होता है और बात करें कि वो अपने बिल को कब कलेक्ट करते थे तो मंथ में मंथ के अंत में ठीक है जब लास्ट डेट होती थी तो जो है अपने बिल को क्या करते थे कलेक्ट करते थे अब भाई सबसे सुंदर चैप्टर फराते हैं है ना और चलते हैं कूर्ग जो कि कर्नाटक का है सबसे छोटा जिला है ना स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक ठीक है तो वहां चलते हैं चलिए कूर्ग चल के ही हम लोग एमसीक्यूज को क्या करते हैं हाँ कवर हाँ ओके okay. तो ये क्या है बच्चों देखिए जिला और क्या बोलते हैं राज्य अंतर होता है आप सभी जानते हैं ठीक है तो ये कर्नाटक राज्य का है सबसे छोटा जिला क्या कूर्ग तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई कि कर्नाटक का सबसे छोटा जिला यानी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका तो आपको इस चैप्टर का नाम ही ध्यान रखना है कि कूर्ग ओके okay? है ना एक बार अच्छे से रिजल्ट आप लोग कर लीजिए हाई स्कूल में अच्छे से मेहनत करके कर लीजिए भविष्य में कभी जाइएगा जरूर और जो मतलब आसपास ही बिलोंग करते होंगे तो वो ऑलरेडी जानते होंगे कि कितना सुंदर है है ना हम भी नहीं गए हैं कभी अब देखिए लोकेश एब्रॉल है भाई इसके राइटर है ना लोकेश एब्रॉल इसके राइटर है चैप्टर है कूर्ग और अब आते हैं हम लोग इसके किस पर क्वेश्चन पर

तो कूर्ग के बच्चों राइटर कौन है लोकेश लियामो फ्लेहर्टी तो हम लोगों ने हिस, हिस फर्स्ट फ्लाइट के देखे थे है ना लूसी अभी बेकर फ्रॉम गोवा अभी हम लोगों ने देखा ओके है ना तो ये सारी ये भी आपको क्लियर है कि भाई ये किसके हैं तो सही जवाब क्या होगा बच्चों लोकेश एब्रॉल ओके चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जो कि है कूर्ग इज ए डैश कंट्री

क्योंकि यहाँ पर एक टाइम बताया गया था कि जब उस टाइम पे लोग वहां जाते थे तो चारों तरफ से जो है कॉफी की ही स्मेल आती थी मतलब खुशबू आती थी ठीक है हम्म अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग अब कुर्ग में भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज अवेलेबल थी है ना तो रिवर राफ्टिंग या माउंटेन बाइकिंग या ऑल ऑफ द अबव तो सही जवाब क्या होगा बच्चों अगर इस तरीके का क्वेश्चन आगे आ, आ जाए कि वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटीज थी भाई है ना तो कौन कौन सी थी ऑल ऑफ द अबव सारी चीजें थी वहां पर रिवर राफ्टिंग भी थी कैनोइंग भी थी माउंटेन बाइकिंग भी थी अब इस तरीके का गेम आप देख सकते सर्च करके कि देखिए माउंटेन बाइकिंग आप समझ सकते हैं क्या होता है कैनोइंग भी होता है है देखा नहीं है? आपने बोट में ऐसे करके राफ्टिंग टाइप का वो करते हैं जो भी है फिलहाल आपको बस इतना ध्यान में रखना है वहां ये सारी एक्टिविटीज थी ओके हाँ चलिए कोई भी डाउट नहीं है बच्चों है ना फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नंबर मेन मेन क्रॉप क्रॉप ऑफ इज है ना कूर्ग की अगर crop, पूछ ले is, क्या होगा, होगा ध्यान में रखिएगा राइस नहीं करिएगा टी नहीं करिएगा स्पाइसेस भी नहीं करिएगा सही जवाब क्या करेंगे कूर्ग जाना जाता है ओके? तो यहाँ पर क्या होगा मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग क्योंकि वहां की मुख्य फसल ही क्या है कॉफी है कूर्ग से कॉफी याद रखिएगा okay? सकता है आपके एग्जाम में दो हजार तेईस में आया है कि भाई महाशीर क्या है वॉट इज महाशीर तो स्कैर गिलहरी या फिर बोले ए लार्ज फ्रेश वॉटर फिश या फिर मंकी एंड एलिफेंट ए लार्ज फ्रेश फिश ये होगा महाशीर तो महाशीर से याद रखना महा महा मतलब होता है बड़ा बड़ा का मतलब होता है लार्ज ऐसे याद रखिएगा ठीक है तो महाशीर मतलब क्या होगा ए लार्ज फ्रेश वॉटर फिश ओके कोई भी डाउट नहीं है बच्चों आप सभी को हुँ. लगातार बच्चे आंसर लिखते हैं तो कितना अच्छा लगता है सी सी ए ए बी बी नहीं लिखते हैं बल्कि कॉफी कंट्री ऐसे ये वर्ड लिखते हैं तो और भी अच्छा है आपकी प्रैक्टिस होगी है ना आपकी बच्चों प्रैक्टिस होगी अब महाशीर क्या है ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश ओके चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 66 नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका कर्नाटक का सबसे छोटा जिला क्या है बच्चों है ना तो मैंगलोर होगा कुर्ग होगा मैसूर होगा या जम्मू एंड कश्मीर होगा हम्म अच्छा जो राजस्थान वाले बच्चे परेशान हैं देखिए परेशान नहीं है होइए आप भी इसको पढ़ सकते हैं स्पेशल यूपी बोर्ड के लिए इसलिए किया गया है बच्चों क्योंकि चार मार्च को है परीक्षा आपकी यूपी बोर्ड की ठीक है तो उनके लिए स्पेशल है और राजस्थान वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं बिकॉज उनमें भी ये चैप्टर है तो आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ओके तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि भाई कर्नाटक का सबसे छोटा जिला क्या है तो कूर्ग है बच्चों ठीक है मैंगलोर एंड मैसूर नहीं होगा बच्चों और जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा सही जवाब क्या हो जाएगा कुर्ग हो जाएगा फिर आगे चलते हैं भाई आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इन विच मंथ द वेदर इज प्लीजेंट इन कुर्ग एंड स्मेल ऑफ कॉफी इज ऑल अराउंड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इन विच मंथ भाई कौन से महीने में द वेदर इज प्लीजेंट जो मौसम है वो सुखद होता है इन कुर्ग कुर्ग में कौन से महीने में मतलब मौसम बहुत ही सुखद होता है स्मेल ऑफ कॉफी इज ऑल अराउंड और कॉफी की स्मेल जो है ऑल अराउंड चारों ओर फैली हुई होती है तो कौन से महीने होंगे बच्चों एक बार ध्यान में रखिएगा कि भाई कौन से महीने होंगे ठीक है तो सितंबर से मार्च होगा या मार्च टू अक्टूबर होगा जनवरी टू मार्च होगा मार्च टू सितंबर होगा सही जवाब क्या होगा बच्चों कि कुर्ग में कब ऐसा सुखद एहसास करने वाला वो टाइम आता है कि जब वहां पर चारों ओर कॉफी की स्मेल होती है तो हो जाएगा बच्चों सितंबर टू मार्च यानी सितंबर से लेकर के मार्च तक महीनों में क्या होता है कि कुर्ग में कॉफी की स्मेल होती है और वहाँ का जो मौसम होता है बहुत ही प्लीजेंट होता है प्लीजेंट बात करें तो एकदम क्या होता है बच्चों सुखद हम्म अच्छा एक चीज और ना बच्चों हाँ हमारी बात ध्यान से सुनिएगा कि लास्ट में आज शाम को मतलब शाम को सात बजे हम लोग कंप्लीट ग्रामर करेंगे ग्रामर में क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग हर चीज को कवर करेंगे मतलब जितना भी कुछ आपके ग्रामर से आएगा आपकी परीक्षा में ठीक है जितने भी नंबर की ग्रामर आती है हम आपको बताएंगे बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है कौन कौन आप प्रैक्टिस करिए वो हम लोग जब क्लास करेंगे तो बताएंगे क्योंकि कुछ बच्चे परेशान है मैम ग्रामर की क्लास तो समझ गए आप शाम को हम लोग सात बजे करेंगे ग्रामर अभी हम लोग कर रहे हैं प्रो तो क्यों ना पहले इसी पे फोकस किया जाए ओके चले तो सितंबर से मार्च तक भाई वहां पर क्या होती है कि कॉफी की स्मेल आती है ध्यान में रखिएगा सितंबर टू मार्च है कोई ट्रिक बना लीजिए भैया कि सितंबर से मार्च ठीक है हाँ क्योंकि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई महीने में, कौन से महीने थे हु वॉज कोदावोज अब देखिए ये आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ठीक है स्टार बना के नोट कर लीजिएगा बाई चांस आपको देखने को मिल जाए तो कोदावूस को देख करके आप फिर कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कोडावूज वर्ड कहाँ से आ गया मैम ने तो बताया नहीं था देखो क्या है हु वॉज कोडावूस बच्चों तो रेजिडेंस ऑफ मैसूर या रेजिडेंस ऑफ कूर्ग या फिर रेजिडेंस ऑफ कर्नाटका या रेजिडेंस ऑफ जम्मू तो आपको ध्यान में रखना है भाई कि कोडावूस क्या होते हैं बच्चों रेजिडेंस ऑफ कूर्ग. अब आप सोच मैम का मतलब क्या होगा निवासी है ना यानी कूर्ग के निवासियों को क्या बोलते हैं बच्चों बोलते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपकी परीक्षा में कि कूर्ग के निवासियों को क्या बोलते हैं तो कोदावूज बोलते हैं ओके बच्चों ठीक है गलती नहीं करिएगा रेजिडेंट्स ऑफ कूर्ग कूर्ग के निवासियों को क्या बोलते हैं कोदावुज बोलते हैं ओके हाँ अच्छा जैसे हम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं अगर कहीं ना कहीं ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ बच्चों सिक्सटी नाइन नंबर का होगा सी ऐसे अगर करके अब तक तो हम लोग ख़त्म कर चुके होते हैं लेकिन क्या है बच्चों कि हम इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी बच्चों अगर मान लीजिए आपके यहाँ सामने शॉर्ट आंसर भी आ गया तो आपको ये सारी चीज़ें पता है कि भाई इस चैप्टर में ये ये मेन था है ना हुँ. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बच्चों ठीक है इम्पोर्टेंट है क्या है देखिए हमारे सामने चित्र भी बन के आया है क्या है चित्र में द कोडावूज अब आपने जैसे ही कोडावूज वर्ड देखा आप समझ गए को ब्लैक, ब्लैक कोट इन्होंने पहन रखा है ठीक है लॉन्ग ब्लैक कोट पहन रखा है एन एम्ब्रॉयड्रेड वेस्ट बेल्ट और इन्होंने कमर पे देखिए एक कढ़ाई की हुई बेल्ट को बांध रखा है दिख रही है ना आपको है ना तो इससे क्या बोलते हैं भाई इससे क्या बोलते हैं ये आपको बताना है तो कूपिया बोला जाता है या कुर्ता बोला जाता है या कबाई बोला जाता है या फिर नन ऑफ दीज होगा इसमें सही जवाब क्या होगा इसमें सही जवाब ठीक है तो ध्यान में रखिएगा बच्चों हाँ बच्चे लिखने लगे हैं वेरी गुड देखिए बच्चों अगर आपकी परीक्षा में आता है कि जो कुर्ग के निवासी होते हैं ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं फिर अपने कमर में बेल्ट लगाते हैं और वो कढ़ाई की हुई होती है तो उसे किस नाम से जानते हैं बच्चों कुपिया ओके सही जवाब क्या होगा इस नाम से जानते हैं यानी कूपिया के नाम से जानते हैं है ना कुर्ता नहीं होगा कबाई तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि भाई हमें गोवा में मिला था ठीक है गोवा में कबाई मिला था तो ये गलती नहीं करिएगा ये कबाई वहां मिला था हमें नन ऑफ दीज ये तो सही जवाब क्या होगा बच्चों कूपिया ओके बेल्ट को क्या बोलते थे कूपिया चलिए अब पेपर में गलती नहीं करके आएंगे है ना फिर क्या है कि सेवेंटी नंबर है बच्चों महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वॉटर ऑफ दो में पूछा गया है महासीर से क्वेश्चन बनेगा जरूर क्या है महाशीर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ आपको ये नदियों के नाम दिए हुए हैं कौन सी नदी में भाई ये पाई जाती है तो कृष्णा गोदावरी कावेरी गंगा सही जवाब क्या होगा कि जो महासीर यानी एक बड़ी सी मछली होती है साफ ताजे पानी में रहने वाली बड़ी सी मछली होती है वो कौन सी नदी में रहती है बच्चों कावेरी तो कावेरी ध्यान में रखिएगा बच्चों ठीक है गंगा नहीं होगा गोदावरी नहीं होगा कृष्णा नहीं होगा क्या होगा कावेरी होगा, होगा ठीक है? सही जवाब क्या कावेरी कौन सी नदी में पाई जाती है कावेरी नदी में पाई जाती है यस वेरी गुड तो अब हम लोगों ने ना कुर्ग को कंप्लीट कर लिया है कुर्ग में कितनी सारी चीजें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट देखी कि भाई कुर्ग जो है उसका सबसे छोटा जिला है कुपिया जो वो लोग बेल्ट बांधते हैं उससे बोला जाता है है ना इस तरीके से मतलब हर चीज को हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या कर लिया कवर कर लिया कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम हमें ये नहीं लगेगा कि हमने ये पढ़ा नहीं है समझ रहे हैं आप हमारी बात को चलिए अब हमारे सामने है बच्चों फिफ्थ चैप्टर का ही अभी आप सोच रहे याद करिए जरा फिफ्थ चैप्टर में हम लोगों ने तीन पार्ट को पढ़ा था ए बेकर फ्रॉम गोवा सेकंड हमारा था कूर्ग और थर्ड क्या था बच्चों जहां से हम लोग जो की चाय पीते हैं क्या टी फ्रॉम असम ओके ये हमारा थर्ड था और इन सारे चैप्टर की हम लोगों ने समरी भी पढ़ रखी है पहले तो अब तो हमें और अच्छे से रिवीजन करना है ना और मान लीजिए हम ये भी कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी अगर एक बार पूरी क्लास को देख रहे होंगे ना तो उन्हें भी ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों ठीक है चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़े फिफ्थ चैप्टर का थर्ड पार्ट करें वेरी गुड बच्चे भी काफी मेहनत दिखा रहे हैं ऐसा नहीं है ठीक है लगातार सर बच्चे बने हुए हैं ना ऐसे ही वेरी गुड ठीक है बस यही आपका जो धैर्य है यही जो मेहनत है यही आपके काम आएगी बच्चों ठीक है तो आप कम से कम अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं हम अगर ये क्लास देख रहे हैं तो यहाँ से हंड्रेड परसेंट आपको प्रॉफिट होगा बच्चों क्योंकि बहुत ही मेहनत से सारी क्लासेस होती हैं आप सभी को पता है ठीक है हाँ आप देखिए हमारे सामने आया है भैया सेवेंटी नंबर क्वेश्चन आया है किसका है ए, ये टी फ्रॉम असम ओके थर्ड पार्ट है हमारे फिफ्थ चैप्टर का अब चलिए इसका कर लेते हैं हम लोग क्या है इसमें मेन मेन हु हैज़ इन्वाइटेड फ्रेंड राजवीर टू विजिट हिज़ होम इन आसाम अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों की आसाम में विजिट करने के लिए किसने राजवीर को अपने घर बुलाया था किसने बुलाया था प्रांजोल ने मिस्टर बरुआ ने या प्रांजोल्स आंटी ने या फिर नान दीज सही जवाब क्या होगा भाई राजवीर को किसने आसाम में इन्वाइट किया था आने के लिए उसने अपने घर बुलाया था तो किसने बुलाया था बच्चों प्रां मतलब किसने बुलाया था प्रांजोल ने बुलाया था राजवीर को हु हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड किसने अपने मित्र को आमंत्रित किया था मित्र का नाम क्या था बच्चों राजवीर तो ऐसे ध्यान में रखिएगा प्रांजोल एंड राजवीर दोनों क्लासमेट थे दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते थे कॉलेज में पढ़ते थे साथ में ठीक है दोनों क्लासमेट थे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो कौन थे तो क्लासमेट थे ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं ठीक है ठीके? तो क्लासमेट थे बच्चों और राजवीर को किसने बुलाया था प्रांजोल ने बुलाया था मिस्टर बरुआ कौन थे ये इनके पिताजी थे किसके प्रांजोल के पिताजी थे ओके इनकी कोई बात ही नहीं हुई है आंटी आई नहीं है चैप्टर में है ना चलिए सेवेंटी टू नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज एक्साइटेड टू सी द टी प्लांटेशन ऑफ असाम हु वॉज एक्साइटेड कौन इतना ज्यादा एक्साइटेड था टू सी देखने के लिए द टी प्लांटेशन है ना टी प्लांटेशन मतलब जो चाय की बागान थी प्लांटेशन थे असम में उनको देखने के लिए भाई कौन इतना ज्यादा एक्साइटेड था तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन था इतना ज्यादा एक्साइटेड राजवीर था है ना क्यों राजवीर था बिकॉज उसे जानकारी भी बहुत थी जब हम लोगों ने समरी पढ़ा था कैसे बताया था बच्चों की कैसे कैसे उसे दंत कथाएं प्रचलित थी और वो प्रांजोल को उसने सुनाया भी था है ना तो अभी जब हम लोग लॉन्ग शॉर्ट आंसर करेंगे ना तो वहां पे आपको और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है क्योंकि हम लोग इसी क्लास में तो लॉन्ग शॉर्ट आंसर भी तो करेंगे ना ठीक है हुँ. तो ये कौन एक्साइटेड कौन था बच्चों राजवीर था है ना तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये नोट करना है स्टार बना के कर सकते हैं कि भाई एक्साइटेड कौन था चाय के बागानों के बारे में जानने के लिए तो राजवीर था अब आगे बात करते हैं कि हु वॉज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम मतलब अपर असम awesome में असम awesome में जो है टी गार्डन का है ना ऑफ टी गार्डन टी गार्डन का भाई मैनेजर कौन था मैनेजर कौन था ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है तो कौन था मैनेजर भाई राजवीर था क्या नहीं वो तो घूमने के लिए गया था प्रांजोल था क्या नहीं बिल्कुल नहीं था है ना या मिस्टर बरुआ थे यस मिस्टर बरुआ थे क्योंकि ये प्रांजोल के पिताजी थे और यही जो है टी असम मतलब किस पे टी गार्डन के उसमें मैनेजर थे कौन मिस्टर बरुआ ओके okay, ये आपको ध्यान में रखना है किसके पिताजी थे प्रांजोल के पिताजी थे प्रांजोल ने ही राजवीर को इन्वाइट किया था असम में बुलाया था क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हुई थी इसीलिए उसने उससे क्या किया था भाई इन्वाइट किया था ओके okay, मैम इतना समझ में आ गया चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों टी फ्रॉम असम से हु वर प्रांजोल एंड राजवीर प्रांजोल एंड राजवीर कौन थे है ना प्रांजोल एंड राजवीर कौन थे बच्चों ब्रदर थे कजिन थे क्लासमेट थे रूममेट थे ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकता है तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रदर थे नहीं बच्चों भाई नहीं थे ठीक है कजिन भी नहीं थे रूममेट भी नहीं थे बल्कि क्या थे क्लासमेट थे प्रांजोल एंड राजवीर बच्चों क्लास मेड थे डेली के स्कूल में या कॉलेज में एक साथ में पढ़ते थे ये चीज़ें आपको बस ध्यान में रखना है ठीक है और प्रांजोल असम का रहने वाला था और राजवीर बहुत ही एक्साइटेड होता था जानने के लिए उन सारी चीजों को इसलिए उसने इनवाइट किया था बस इतना ही ऐसे ही सारी चीजों को हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था फिर हमारे सामने क्वेश्चन आया है बच्चों कि प्रांजोल एंड राजवीर वर ट्रैवलिंग टू तो असम बाय ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो प्रांजोल एंड राजवीर वर ट्रैवलिंग वो यात्रा कर रहे थे असम है ना असम से मतलब वो असम के लिए यात्रा कर रहे थे किससे किससे जा रहे थे भाई वहां पर तो बस से एरोप्लेन से कार से या ट्रेन से सही जवाब क्या होगा बच्चों कि ट्रेन से जा रहे थे ठीक है तो ऐसे ध्यान में रखिएगा और बस की तो अभी बात होगी अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मैडम राइड्स द बस ठीक है लेकिन यहां पर कोई भी बस या एरोप्लेन या कार की बात नहीं हुई है प्राणजो लैंड्राजवीर दोनों असम जो है ट्रेन से जा रहे थे ओके अच्छा क्या ऐसे क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है बिल्कुल हाँ फिर चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों सेवेंटी सिक्स नंबर है हु टोल्ड प्रांजोल दैट ओवर करोड़ कप ऑफ टी ड्रंक अराउंड द वर्ल्ड अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन स्टार बना के लिखिएगा परीक्षा में आपके आ सकता है हु टोल्ड किसने बताया प्रांजोल है ना प्रांजोल को किसने बताया दैट की ओवर एट्टी करोड़ कप ऑफ टी ड्रंक एवरी डे अराउंड वर्ल्ड एवरी डे एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन हर दिन प्रतिदिन है ना अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप जो है चाय पी जाती है किसने प्रांजोल को ऐसा बताया कि संसार में या वर्ल्ड में जो है प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है तो किसने बताया था भाई राजवीर ने बताया था ध्यान में रखिएगा किसने ऐसा बताया था राजवीर ने बताया था कि भाई ऐसा ऐसा है समझ रहे हो ठीक है ऐसा कि मतलब संसार में पूरे वर्ल्ड में एक दिन में इतने कप चाय पी जाती है क्योंकि राजवीर को बहुत ही जानकारी थी उसके बारे में और वो और भी एक्साइटेड था उसके बारे में जानने के लिए 77 number question है बच्चों। राजवीर राजवीर के अनुसार विच इज वेरी पॉपुलर ड्रिंक सबसे मतलब पॉपुलर ड्रिंक क्या था पॉपुलर का मतलब समझते हैं ना पसंद किया जाने वाला प्रसिद्ध है ना ड्रिंक क्या था तो कॉफी या फिर कॉकटेल या टी या कोकोनट वॉटर है ना तो सही जवाब क्या होगा बच्चों चाय चाय है है ना यही तो तो थी थी फेमस वही ऐसा मानता काफी जानकारी भी तो राजवीर के अकॉर्डिंग जो है सबसे पॉपुलर ड्रिंक क्या था आपको पता होना चाहिए भाई क्या था टी ओके चलिए फिर 78 नंबर है वेयर वॉज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन वर्ल्ड वेयर वॉज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन Where, मतलब कहा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन मतलब सबसे बड़ा कंसंट्रेशन केंद्र ओके ऑफ टी प्लांटेशन चाय बागानों का सबसे लार्जेस्ट कंसंट्रेशन संसार में वर्ल्ड में कहा है ठीक है तो असम या नागालैंड त्रिपुरा वेस्ट बंगाल तो आपको आंख बंद करके आंसर लगाना है कि भाई आसाम होगा ठीक है आसाम बिकॉज ये जो है यहाँ पर यह माना जाता है कि लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन चाय बागानों का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन माना जाता है क्या असम ओके तो ऐसा क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपको परीक्षा में मिल सकता है देखने को तो आपको पता होना चाहिए सेवेंटी नाइन नंबर है बच्चों हु वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स न्यूली स्प्राउटेड लीव्स का मतलब जो नई अंकुरित हुई जो पत्तियां थी है ना जो पेड़ों से निकल रही थी न्यूली न्यूली मतलब नई नई जो ताजी पत्तियां है ना स्प्राउटेड मतलब जो अंकुरित

कर से ऐसे जानते हैं ना ऐसे लकड़ी की बास्केट ऐसे पीठ में लगाए हुए होते हैं और तोड़ तोड़ के अपने ऐसे पीठ में डालते रहते हैं अच्छा लगता है देख करके एटी नंबर क्या है बच्चों की वॉट वॉज ढेकिया बाड़ी

है क्या तो क्या है बच्चों नेम ऑफ स्टेशन एक नेम ऑफ स्टेशन था या गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल फादर या एक गार्डन था जो प्रांजोल के पिताजी के द्वारा मैनेज किया जाता था या टी गार्डन मैनेज बाय राजवीर फादर या नेम ऑफ हिल या कोई पहाड़ी का नाम था तो सही जवाब बच्चों क्या होगा कि ढेकियाबाड़ी क्या था टी गार्डन मैनेज्ड बाय फादर ठीक है एक टी गार्डन था जो कि प्रांजोल के पिताजी के द्वारा मैनेज किया जाता था उसे पूरा जो है मैनेज किया जाता था वही क्या था ढेकियाबाड़ी था ओके हाँ तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे अब आते हैं अपने चैप्टर पर मिसबिल दी ऑटर मिजबिल नाम का एक क्या था ऑटर था उसकी बात करते हैं ठीक है हाँ चैप्टर नंबर सिक्स है बच्चा आपके सामने क्या है किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों गेविन मैक्सवेल किसके द्वारा लिखा गया है गेविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है तो दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है गेविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है ठीक है और अगर ये बात करें कि मिसबिल दी ऑर्टर इसका मतलब क्या है ऑटर मतलब क्या होता है ये आप इमेज देख रहे हैं उद ठीक है और मिसबिल इसका नाम था तो मिज़बिल नाम का एक ऑटर था जिसकी स्टोरी हम लोगों ने पूरी पढ़ी थी ठीक है उसी के रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे पहले एमसीक्यूज करेंगे फिर इसके एक्सटैग भी करेंगे शॉर्ट भी करेंगे लॉन्ग भी करेंगे ओके हमारे सामने क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ मिज़बिल द ऑटर इसीलिए क्वेश्चन आ गया कि भाई मिज़बिल द के जो है ऑथर कौन है मिजबिल ऑटर के ठीक है तो अभी आपने अगर फोकस किया होगा कि भाई मैम ने क्या बताया गेविन मैक्सवेल अरूप कुमार दत्ता लोकेश एब्रॉल या नन ऑफ दिस सही जवाब क्या होगा बच्चों कि कौन है गेविन मैक्सवेल है कौन है गेविन मैक्सवेल होगा इसका सही जवाब ठीक है फिर आगे चलते हैं कि 82 नंबर क्या है क्वेश्चन वेयर डज द ऑथर लिव जो ऑथर था यानी जो लेखक थे है ना वो कहाँ रहते थे वेयर डज द लिव वेयर डज द ऑथर लिव ऑथर यानी लेखक कहाँ रहते थे बच्चों तो इंडिया लंदन सदर इराक या फिर नन ऑफ नाना सही जवाब क्या होगा बच्चों कि ऑथर यानी लेखक कहाँ रहते थे भाई कहां रहते थे लंदन में ठीक है सही जवाब क्या हो जाएगा कि लंदन में रहते थे ये आपको पता होना चाहिए गेविन मैक्सवेल की बात की जा रही है क्योंकि गेविन मैक्सवेल ही क्या थे ऑथर थे और पूछा गया कि वो कहाँ रहते थे तो लंदन में रहते थे स्टार बना के नोट कर लीजिएगा बच्चों ठीक है हाँ हम लोग तक पहुंच 82 तक गए? गए। नंबर अरे वाह। कितने मतलब यहाँ पर कितने मेहनती बच्चे दिख रहे हैं जो लगातार ना पूरा पूरा आंसर लिख रहे हैं गेविन मैक्सवेल वेरी गुड ठीक है तो अगर ये बात करें कि वो कहाँ के रहने वाले थे भाई लंदन के रहने वाले थे हाँ देखिए सारे ही बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे सारे ही बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ठीक है तो आप सभी जो है हम्म ओके यहां इधर जब हम देखते हैं ना तो आपको लगता होगा कि मैम देखिए हम, हम कमेंट पे ऐसे तो बहुत कम फोकस करते हैं आपको पता है है ना हाँ तो देखते हैं अभी क्या है बच्चों कि हम लोगों ने ना इस क्वेश्चन का पूरा मतलब देख लिया क्या है कि लंदन होगा फिर आगे अगले क्वेश्चन पर आए अगला क्वेश्चन क्या होगा हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 83 थ्री नंबर द ऑटर वॉज ब्रॉड टू द ऑथर बाय जो ऑटर था बच्चों नाम का जो ऑटर था है ना वो लाया गया था लाया गया था ऑथर के द्वारा लाया गया था किस मतलब किस में ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि friend, उसके मित्र के द्वारा या टू अरब्स के द्वारा लाया गया था या होटल स्टाफ के द्वारा या नन ऑफ दीज से कोई भी नहीं तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया ना दॉ टू लिए लाया गया था किसके द्वारा लाया गया था बच्चों टू अरब्स के द्वारा लाया गया था सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? टू अरब्स होगा ठीक है तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको बता दें कि लाया गया था टू अरब्स के द्वारा और अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा भेजा गया था तो वो गेविन मैक्सवेल के मित्र के द्वारा भेजा गया था तब हिज फ्रेंड होगा अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि जो है किसने उसे भिजवाया था तो बच्चों अगर ऐसा परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आप ये ना सोचिएगा तो के, के मित्र के द्वारा किसमें पैक करके सैक में है ना? एक बोरे में पैक करके भेजा गया था एट्टी फोर नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है इन द बेगनिंग दर वॉज अब शुरुआत में जो ऑटर था है ना वो क्या था बच्चों फ्रेंडली मित्रवत बिहेव करता था या फिर हैप्पी सैड एलूफ एंड इनडिफरेंट एलूफ मतलब क्या होता है कि एकदम अकेला अनोखा है ना और इनडिफरेंट मतलब अलग अलग सा रहता था हम्म अलग अलग करता था सर हमें याद दिला रहे हैं बच्चों की मैम जितने भी बच्चे हैं देखिए मैम बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार फटाफट बच्चों लाइक कर दीजिए ठीक है मेहनत तो लगती ही आप सभी जानते हैं तो जो भी बच्चे प्रेजेंट टाइम में हैं और उन्होंने लाइक नहीं किया है तो प्लीज फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए फिर उसमें फोकस करते हैं तो इन द बेगनिंग दर्टर वॉज बच्चों वो क्या था एकदम एलूफ था मतलब अलग अलग अनोखा इनडिफरेंट था ठीक है पहले तो 24 घंटे वो एकदम अलग अलग सा रहा और फिर धीरे-धीरे वो मित्रवाद बिहेव करना उसने शुरू किया 85 नंबर है वेयर डिड द अरब कीप द वाटर वेयर डिड द अरब कीप द वाटर वेयर मतलब कहाँ पर अरब्स ने मतलब वाटर को रखा था तो इन अ बॉक्स बैग सैक पॉकेट सही जवाब क्या होगा बच्चों इन ए सैक कहाँ पर रखा था इन ए सैक में रखा था ठीक है एक जो है बोरे में वो पैक करके लाए थे किसके लिए गेविन मैक्सवेल के लिए लाए थे यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है आप सभी को और आप सभी भी काफी रुचि के साथ में आंसर कर रहे हैं ना बहुत ही मतलब एक जैसे एक्साइटमेंट होती है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट तो ऐसे बच्चे कर रहे हैं रिस्पॉन्स तो देख करके भी काफी अच्छा लग रहा है बच्चों ठीक है आप सभी मेहनती हैं आप सभी बेहतर कर सकते हैं अच्छा है स्कोर कर सकते हैं अगर इसी तरीके से आप मेहनत करेंगे मैंने क्लास को स्टार्ट करने से पहले भी आपको बताया था कि क्या क्या करने वाले हैं और आपसे ये भी बोला था बच्चों कि एक कॉपी और पेन भी उठाइएगा साथ साथ में हर चैप्टर जब हमारे सामने आ रहा है

नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं तो आप सिर्फ नंबर डालिए और उनके बस की लिखिए की का मतलब हो गया कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं कि भाई ढेकिया बाड़ी क्या था जैसे देखा ना हम लोगों ने तबाई पैडर खूपिया ये सब क्या था तो बस उनको लिखते जाइए क्वेश्चन कोई भी मिलेगा आप कर लेंगे आंसर यहाँ पर क्वेश्चन में है बच्चों व्हाट वाज़ द नेम का, का क्वेश्चन तो जेनी, जेनी है ना जीनी जो भी लिखा है तो आपको ध्यान में रखना था बच्चों रखना है की मिजबिल ऑटर चैप्टर में जो उसके डॉग का नेम था वो क्या था बच्चों जॉनी क्या था जॉनी ये होगा इसका सही जवाब जॉनी तो ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जब वो ऑटर को पालता है तो उसके पहले उसने एक जॉनी नाम के डॉग को पाला था लेकिन उसकी जब डेथ हो जाती है तो वो बहुत ही उदास हो जाता है फिर उसने डिसाइड किया था कि वो कैसे जानवर को पालेगा कि जो है ऑटर को पालेगा फिर ऑटर का नाम उसने मिजबिल रखा था और उससे प्या मतलब प्रेम से वो मिज कह के भी बुलाता था ओके चलिए फिर हमारे सामने बच्चों एटी सेवन नंबर क्वेश्चन है कि द ऑटर लुक लाइक अब जो वो डेट द ऑटर ऑटर कैसा दिखता था बच्चों है ना तो जैसा, 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 तो स्मॉल डॉग जैसा 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 कैट ड्रैगन या रैबिट कैसा दिखता था भाई जो ऑटर था वो स्मॉल ड्रैगन के जैसा दिखता था ठीक है कैसे दिखता था स्मॉल ड्रैगन के जैसे दिखता था फिर अगला क्वेश्चन है एटी एट नंबर चूज द करेक्ट साइंटिफिक नेम टू ऑटर बाय गिजिस्ट जुलॉजिस्ट के द्वारा ऑर्टर का जो है साइंटिफिक नेम क्या बताया गया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जिन भी बच्चों ने कॉपी पेन लेकर के रखा है साथ में तुरंत नाम नोट करिएगा देख के जाइएगा परीक्षा से पहले क्या नेम होगा बच्चों क्या होगा लुट्रोगेल मैक्सिवेली लुट्रोगेल पर्स या फिर नन ऑफ नीस ऐसा क्वेश्चन हर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा ये आपके चैप्टर में है बच्चों प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है और इम्पोर्टेंट है इसको आप नोट करिए क्या मैम ने बताया पर्सपेसिलट्टा मैक्सिवेली ओके इतना लंबा नाम साइंटिफिक नेम जूलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया किसका भाई ऑटर का ठीक है तो नोट कर लीजिएगा एल पी एम ऐसे रख लीजिएगा ठीक कैसे एल पी एम लुट्रोगेल P से पर्सिपेलटा एम से मैक्सिवेली, ओके हम्म तो लुट्रोगेल पर्सिपेलट्टा मैक्सिवेली, ये इसका साइंटिफिक नेम बताया गया था जूलॉजिस्ट के द्वारा इंपॉर्टेंट है ओके हाँ वही सेम ओके एटी नाइन नंबर क्या है बच्चों एटी नाइन नंबर है द ऑटर इज फोन ऑफ टू प्ले इन अब जो ऑटर था वो किस चीज में खेलने के लिए वो शौकीन था है ना क्या उसे पसंद था भाई खेलना प्ले ग्राउंड वॉटर स्काई नन ऑफ दीज सही जवाब क्या होगा भाई वो किसका शौकीन था है ना फोन्ड ऑफ था तो प्ले ग्राउंड वाटर या स्काई या नन ऑफ दीज आपकी परीक्षा में आएगा आप तुरंत लगाएंगे मैम वॉटर पानी का शौकीन था है ना सही जवाब क्या हो जाएगा वॉटर 90 नंबर क्वेश्चन क्या है हु सेंड द फॉलोइंग नोट टू द ऑथर हियर इज योर वाटर किसने ये नोट लिख करके भेजा था भाई कि जो है हियर इज योर वाटर मतलब एक सैक में वाटर को पैक करके भेजा था उसमें एक लिस्ट लगा दी भाई कि हियर इज योर वाटर किसने भेजा था ऐसा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप तुरंत सही करेंगे बच्चों क्या आ, ट जनरल के द्वारा या टू अरब्स के द्वारा एयर होस्टेस के द्वारा या क्या सही कि भाई, ये आपको ध्यान में रखना है कि लाया गया था दो अरब्स के द्वारा भेजा गया था उसके मित्र के द्वारा और एक चलिए अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है सेवन नंबर चैप्टर है मैडम राइड्स द बस अब मैडम वल्ली नाम की एक मैडम आएंगी वो बस को राइड करना मतलब उनका एक सपना था कि भाई वो बस के एक ना एक दिन सवारी जरूर करेंगी तो ऐसा ही हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था तो उसके इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज को करने से पहले है ना करने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई कितने बच्चे जो है फटाफट हाँ लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं बच्चों देख लेते हैं एक बार हाँ तो जिसने भी अभी नहीं किया है फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए हम लोग आगे हैं अपने सेवंथ चैप्टर पर बच्चों है ना सेवंथ चैप्टर क्या है मैडम राइड्स द बस इसके इंपॉर्टेंट जो है इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिए हैं हम लोगों ने क्या है हु वॉज वल्मा माई ये क्वेश्चन आपको हंड्रेड परसेंट देखने को मिलेगा बच्चों हु वॉज वलिया माई कौन थी भाई सी इज एन एट ईयर ओल्ड गर्ल या फिर सी इज क्यूरियस क्लेवर सेंसिटिव एंड फन लविंग गर्ल तो वलिया माई कौन थी बच्चों तो यहाँ पर आपको देखना है कि बोथ ए एंड बी इनमें से क्या होगा दोनों कि वलिया माई बच्चों देखिए आठ साल की एक छोटी सी लड़की थी है ना क्यूरियस थी मतलब जिज्ञासु थी क्लेवर चालाक थी सेंसिटिव थी है ना सेंसिटिव थी एंड फन लविंग गर्ल थी तो ये दोनों चीजें आपको एकदम ध्यान में रखना है बच्चों बोथ ए एंड बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा हु वॉज वली एम आई बोथ ए एंड बी मतलब आठ साल की लड़की थी चालाक थी सेंसिटिव थी फन लविंग गर्ल भी थी ओके okay? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप रॉन्ग नहीं करेंगे वॉट वॉज द कॉस्ट ऑफ टू वे फेयर अब हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि दोनों ओर से भाई बस का किराया कितना था तो कितना किराया था दोनों ओर से सिक्सटी पैसे ट्वेंटी पैसे फोर्टी पैसे या फिफ्टी पैसे सही जवाब क्या होगा बच्चों सिक्सटी पैसे दोनों तरफ से भाई आने का भी कितना था मतलब आने का थर्टी था और फिर अगर बात करें कि जाने का भी कितना था थर्टी था तो थर्टी थर्टी कितना हो गया सिक्सटी तो दोनों ओर से किराया पूछा है अगर परीक्षा में आपके आ जाता है कि दोनों ओर से कितना किराया था तो कितना हो जाएगा बच्चों सिक्सटी हो जाएगा सही जवाब ठीक है अगला बात करें कि नाइन्टी थ्री नंबर है वॉट वॉज हर फेवरेट पास टाइम उसका फेवरेट पास टाइम क्या था बच्चों टू स्टैंड द फ्रंट डोर वे एंड लुक इन टू द स्ट्रीट वो क्या करती थी कि अपने घर के मेन डोर पर खड़ी हो जाती थी और रास्ते में देखा करती थी कि भाई क्या हो रहा है है ना आते जाते हुए लोगों को क्या करती थी देखा करती थी तो क्या हो जाएगा सही जवाब बच्चों यहाँ पर टू स्टैंड द फ्रंट डोर वे एंड लुकिंग इन टू द स्ट्रीट ठीक है ये हो जाएगा इसका क्या बच्चों सही जवाब टू स्टैंड द फ्रंट ऑफ फ्रंट डोरवे एंड लुक इनटू द स्ट्रीट ओके हाँ फिर हमारे सामने क्वेश्चन है बच्चों, है ना अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि जो इंपॉर्टेंट भी है कि हु वर अग्ली who wear ugly इयरिंग we अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों अगर आपने एक बार देख रखा है ना तो यकीन मानिए कि आप सही करके आएंगे परीक्षा में क्या कि who wear किसने पहन रखे थे अगली इयरिंग मतलब एक भद्दे से इयरिंग किसने पहन रखा था तो वल्ली ने एल्डर वुमेन ने हर मदर ने या फिर क्या होगा कि हर आंटी सही जवाब क्या होगा कि किसने अगली इयरिंग को पहन रखा था तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों एल्डर वुमेन है ना एक वृद्ध औरत थी जिसने ऐसे कान में अगली इयर पहन रखा था कान के जो ये थे मतलब जैसे जैसे इयर पहनते हैं वो भी क्या हो चुके थे बड़े हो चुके थे फट चुके थे तो इस तरीके से वो देखती है और फिर देखती है कि उसने कैसे मुंह में पान खाया हुआ था है ना और उसका जो जूस था वो निकल रहा था तो वल्ली को देख के काफी मतलब अच्छा नहीं लगता है उसको वो देखती है तो तो इस तरीके का था जब हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले बच्चों कि अगली इयरिंग कौन मतलब किसने पहन रखा था तो एल्डर वुमेन ओके फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि वैन कंडक्टर ऑफर सम कोल्ड ड्रिंक देन वॉट वल्ली डिड जब कंडक्टर ने उसे ऑफर किया कुछ कोल्ड ड्रिंक के लिए ऑफर किया तो वल्ली ने क्या किया भाई उसे एक्सेप्ट कर लिया रिफ्यूज कर लिया या पेड फॉर इट या फिर क्या होगा ए एंड बी तो क्या हुआ था बच्चों कि जब कंडक्टर ने उसे ऑफर किया कि मैडम कुछ खाएंगी मैडम कुछ पिएंगी तो उसने क्या कर दिया भाई रिफ्यूज कर दिया था मना कर दिया था कि वो कुछ भी खाएगी पिएगी नहीं क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव टिव भी थी समझदार थी इंटेलिजेंट थी है ना ये सारी चीजें ओके okay. रिफ्यूज तो हो जाएगा सही जवाब अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से देखने को मिलता है क्या पूछ लिया बच्चों वॉट वॉज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वल्लीज मदर मतलब जो वल्ली की मदर थी उनका दोपहर के समय नैप टेकिंग टाइम क्या था मतलब झपकी लेने का टाइम क्या था तो अगर ये आ जाए बच्चों तो आपको ध्यान में रखना है कि एक से चार क्या हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों एक से चार उनका झपकी लेने का टाइम था और उसी टाइम पे उसने डिसाइड किया था कि भाई वो जो है जाएगी सवारी करके वापस आ जाएगी तो ध्यान में रखिएगा बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि नैप टेकिंग टाइम क्या था तो एक से चार था फिर अगला क्वेश्चन है कि वॉट मेड हर लॉफ ऑन हर जर्नी किस चीज ने उसे खुश कर दिया था उसकी जर्नी के दौरान किस चीज ने उसे खुश कर दिया था द ओल्ड वुमेन्स इयरिंग उसको देख करके खुश बिल्कुल नहीं हुई थी बच्चों ठीक है और ओल्ड मैन को भी खुश नहीं हुई थी द साइट ऑफ़ रनिंग को देख के वो क्या हो गई थी खुश हो गई थी ठीक है तो सही जवाब यही हो जाएगा बच्चों द साइट ऑफ रनिंग काउ जब उसने देखा कि कैसे बस के सामने वो गाय आ गई थी और जैसे ही हॉर्न बजता है बस का वो और तेजी से उछलती है तो ये सारी चीजें है ना तो ये उसने रनिंग जब काउ को रनिंग करते हुए देखा तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी खुश हो गई थी बच्चों फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों एज एज अब वल्ली की की क्या थी थी कितने साल की थी? ये आपको पता करना है ध्यान में रखना है बच्चों कि वॉट वॉज वल्लीज एज वल्ली की कितनी एज थी सात आठ नौ या नन ऑफ नौज इनमें से कोई भी नहीं कितने साल की वल्ली थी कितने साल की थी एट है ना सही जवाब क्या होगा कि एट ईयर ओल्ड जो है वल्ली थी आठ साल की है ना आठ साल की जो है वल्ली थी या इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि वल्ली वॉज डैश ईयर ओल्ड तो आपको पता होना चाहिए कि एट ओके द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन वॉज पैसे वन वे एक ओर से जो है उसके विलेज से टाउन के लिए कितना पैसा था तो ये ध्यान में रखना है आपको कितना था बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है कि एक तरफ से कितना किराया था थर्टी पैसे थे कितने थे थर्टी पैसे थे जाने के भी और थर्टी पैसे थे आने के भी और अगर टोटल पूछ लेता है तो टोटल आपको क्या कर देना है बच्चों इन दोनों को प्लस करके मतलब ऐसे कर देना है सिक्सटी तो अगर दोनों तरफ से पूछ ले तो सिक्सटी और अगर एक तरफ से पूछे तो थर्टी गलत नहीं करेंगे ना ओके चलिए फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 100 नंबर है हाउ मेनी पैसेंजर वर इन द बस व्हेन वल्ली राइडिंग इन द बस जब वल्ली जो है सवारी कर रही थी भाई बस की तो उस टाइम पे कितने पैसेंजर थे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है बच्चों कि जब वल्ली राइडिंग कर रही थी मतलब सवारी कर रही थी तो उस टाइम पे कितने पैसेंजर थे छह से सात थे आठ से नौ दस या फिर नौ से दस दस से ग्यारह आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट क्योंकि ये आपके चैप्टर में गिवन है बच्चों कि उस टाइम उसमें कितने थे छह से सात पैसेंजर थे सिर्फ और सिर्फ जब वल्ली सवारी कर रही थी है ना बस की फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों द सर्मेन बनारस एट, एट चैप्टर अच्छा एट्टी मिनट एट्टी टू नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग है ना 82 टू नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों जरासी एट्टी 82 टू एट्टी टू यहां है सर ये देखिए ये अच्छा सेवेंटी फोर है एक मिनट 82 टू नंबर क्वेश्चन Number. हाँ ये क्वेश्चन है बच्चों इसमें क्या है कि वेयर डज द ऑथर लिव ऑथर कहाँ रहता था तो ऐसे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों क्या है कि इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों हाँ लंदन यही होगा सही जवाब ठीक है तो इसमें जिसको भी कंफ्यूजन थी वो जो है अब इस चीज को ध्यान दे ले ओके फिर हम लोग कहाँ पर थे बच्चों हाँ, सरमन एट बनारस ये हमारा चैप्टर ठीक है इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपको पता है कि इसके भी जितने हम लोग क्वेश्चन करेंगे सभी क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट ओके हाँ तो जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना इसमें हम लोग और इसके राइटर का भी नाम ध्यान में रखिएगा बच्चों बेटी क्या है रैनशो ओके okay? हाँ फिर क्या है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वोट वॉज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम गौतम बुद्ध का अर्ली नेम क्या था अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उनका अर्ली नेम क्या था प्रारंभिक नाम क्या था उनका है ना बचपन का नाम क्या था तो आपको पता होना चाहिए क्या था बच्चों सिद्धार्थ ठीक है सिद्धार्थ होगा हो इसमें क्या सही जवाब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फटाफट हम लोग देखेंगे हर एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। जिन बच्चों की अगला है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वॉट मूव हिम टू सीक आउट इनलाइटमेंट मतलब इसका होता है कि दिव्य ज्ञान के लिए उन्होंने मतलब क्या किया था तो देखिए मतलब किस वजह से वो दिव्य ज्ञान के लिए निकल गए थे मतलब उसके लिए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जो है निकल गए थे महात्मा बुद्ध की बात हो रही है ठीक है तो या या फिर ऑल ऑफ क्वेश्चन का मतलब समझेगा कि वॉट मूवड हिम टू सीक आउट इनलाइटमेंट मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि किस चीज ने उन्हें पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया था कि वो दिव्य ज्ञान के लिए उसकी खोज के लिए निकल गए थे यह बोला जा रहा है क्वेश्चन में तो देखिए एक उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा इस चीज ने भी उन्हें प्रभावित किया था ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को ठीक है और फिर उन्होंने मतलब मतलब एक सिक मैन को को देखा देखा मतलब बीमार व्यक्ति देखा, इस चीज ने उन्हें प्रभावित किया मैन को देखा मतलब एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा इस चीज ने भी उन्हें प्रभावित किया फिर उसके बाद ए मॉन्क बैगिंग और एक उन्होंने साधु को भिक्षा मांगते हुए भी देखा इस चीज ने भी उन्हें प्रभावित किया और एक चीज यहाँ गिवन नहीं है कि उन्होंने एक जो है जैसे शव यात्रा होती है ना बच्चों, शव यात्रा को भी जब उन्होंने जाते हुए देखा तो उस चीज ने भी उन्हें प्रभावित किया तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलता है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि महात्मा बुद्ध को इन सारी चीजों ने क्या किया था प्रभावित किया था इन सारी चीजों ने यानी एक एजेड मैन सिक मैन मॉन्क बेगिंग इन सारी चीजों ने उन्हें क्या किया था प्रभावित किया था ओके फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाउ मैनी ओल्ड वॉज गौतम बुद्ध वेन ही वॉज सेंड फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेट स्क्रिप्चर मतलब हाउ मैनी ईयर्स कितने वर्ष के थे मतलब जब गौतम बुद्ध कितने वर्ष के थे जब उन्हें स्कूल के लिए भेज दिया गया था हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर मतलब हिंदू शास्त्र ज्ञान के लिए उन्हें जो है स्कूल के लिए भेज दिया गया था तब वो कितने वर्ष के थे है ना तो कितने वर्ष के थे उस टाइम पर वो टेन ईयर या फिर सेवन ईयर ट्वेल्व ईयर या फिर एट ईयर तो कितने ईयर के थे बच्चों ट्वेल्व ईयर ठीक है बारह साल के वो मात्र थे जब उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था मतलब अध्ययन के लिए उन्हें भेज दिया गया था तो ये चीज ध्यान में रखिएगा ओके फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों हु वॉज ए लेडी हुज ओनली सन है डाइड वो कौन सी मतलब लेडी थी उसका नाम क्या था जिसके एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी मतलब उसका ओनली सन था ओनली मतलब एकमात्र बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी तो पुतली बाई मीरा बाई किसा बाई या किसा गौतमी आपको ध्यान में रखना है कि मैम हम लोगों ने एट चैप्टर में द सरमन एट बनारस में पढ़ा था कि किसा गौतमी नाम की क्या थी एक महिला थी जिनके एकमात्र जो है बेटे की क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी ओके okay. समझ में आई इतनी बात आई समझ में अब आगे मिस्टेक तो नहीं होगी ना आपसे कि किस्सा गौतमी नाम था उनका फिर उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों हाउ मेनी इयर्स गौतम ट्रेवल्ड एमलेसली कितने साल वो बिना मतलब एम वो भ्रमण करते रहे अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए भाई कि हाउ मैनी ईयर गौतम ट्रेवल्ड एमलेसली तो टेन ईयर सेवन ईयर ट्वेल्व ईयर या एट ईयर कितने साल वो एम जो है भ्रमण करते रहे बच्चों तो सेवन ईयर क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सेवन ईयर ये ध्यान में रखना कि बारह वर्ष के जब वो थे तो उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था फिर सात वर्ष जब वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले तो सात वर्ष उन्होंने क्या किया एम लेसली मतलब उन्हें कुछ ये नहीं पता था कि क्या करना है मतलब एम लेसली बिना किसी उद्देश्य के वो भ्रमण करते रहे कितने वर्ष बच्चों सात वर्ष ठीक है फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि why did किसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस गौतमी घर घर क्यों जा रही थी क्या कारण था जाने का तो देखिए इन सर्च ऑफ माइलेट सीड या इन सर्च ऑफ मीज सीड सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड या फिर हो जाएगा ऑफ दिस। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों Why did Kisa go from house to house to in search of mustard seed? Okay, ये हो जाएगा इसका सही जवाब कि एक मुट्ठी सरसों के दाने के लिए वो घर घर जा रही थी किस लिए जा रही थी क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध ने उन्हें ये बोला था कि जो है ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर के आइए जहाँ पर उसके प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो तो वो जो है घर घर जाती है एक एक सरसों के दाने लेने के लिए ठीक है लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहां पर उसके प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो हु। ठीक है तो ऐसा हम लोगों ने तो चैप्टर में पूरा पढ़ा था बच्चों फिर अगला क्वेश्चन है कि वो डेड ही नेम द ट्री अब महात्मा बुद्ध ने ट्री का नाम क्या रखा था बच्चों ट्री, 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 सिद्धार्थ ट्री ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल सही करिएगा क्या कि महात्मा बुद्ध ने उस ट्री का नेम क्या रखा था बच्चों बोधी ट्री क्या हो जाएगा सही जवाब क्या हो जाएगा बोधी ट्री होगा ठीक है हाँ बोधि ट्री मतलब एक उसी का नाम उसने उन्होंने उसका दे दिया था जहां पर उसके नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी ठीक है फिर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ ओल्ड वो सिद्धार्थ वेन ही रिनाउंस द प्रिंसली लाइफ गौतम बुद्ध कितने साल के थे यानी सिद्धार्थ का ही मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ही तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ ठीक है तो वेन ही रेनाउंस द प्रिंसली लाइफ जब उन्होंने अपने प्रिंसली लाइफ मतलब जैसे राजसी जीवन का रिनाउंसड मतलब त्याग कर दिया था तो उस समय वो कितने वर्ष के थे है ना? तो ये पूछा गया है बच्चों तो जब उन्होंने अपने राजसी जीवन यानी राजसी सुखों का त्याग कर दिया था उस टाइम पे वो बच्चों कितने साल के थे पच्चीस वर्ष के थे कितने पच्चीस वर्ष के थे यानी ट्वेंटी फाइव ईयर के थे तो हम लोगों ने देखा कि बारह मतलब जब वो 12 साल के थे तो स्कूलिंग के लिए भेजा गया था फिर सात वर्ष उन्होंने एमलेसली भ्रमण किया ठीक है और 10 साल तक उन्होंने लगभग जो है राजसी जीवन व्यतीत किया जब उनका विवाह हो गया था उसके बाद फिर वो 25 वर्ष के थे जब उन्होंने जो है इसका त्याग कर दिया था और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए थे ओके फिर एक नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों की इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन ऐसा क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट बच्चों मिलेगा आपको कि क्या पूछा है कि इन विस सिटी इन विस सिटी कौन से सिटी में उन्होंने मतलब किसने गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन सरमन का अर्थ क्या होता है बच्चों सरमन का अर्थ ही क्या होता है उपदेश क्या होता है उपदेश तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था तो पटना में बनारस में गया में या नीस सही जवाब क्या होगा कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था बच्चों बनारस में ओके ऐसे करके लिख के आएगा हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग उसको बनारस यहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था इसीलिए नाम क्या है सरमेन एड बनारस ओके चलिए तो मिस्टेक नहीं करेंगे ना बच्चों ठीक है फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर का रिलेटेड दोज आर

कैसे लोग होते हैं तो ध्यान में रखना बच्चों क्या होगा कि वाइस बुद्धिमान ठीक है जो बुद्धिमान लोग होते हैं बच्चों वो क्या नहीं करते हैं ग्रीव यानी शोक नहीं मनाते हैं ठीक है ग्रीव का अर्थ ही क्या होता है कि शोक मनाना ओके तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते हैं ओके वाइस का मतलब क्या होगा बुद्धिमान

चेकोव ये ध्यान में रखना है भाई इसके ये कौन है राइटर है ठीक है और तीन ही हमें लोमोव को ध्यान में रखना है चुभकोव लोमोव बहुत अच्छा चैप्टर था हम लोगों ने पढ़ा था इसको अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने के आ सकते हैं वन हंड्रेड इलेवन नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ ओल्ड वॉज लोमोव लोमोव कितने वर्ष का था भाई है ना लोमोव कितने साल का था थर्टी ईयर थर्टी फाइव 40 ईयर या 45 ईयर तो लोमोव कितने साल का था बच्चों है ना लोमोव था 35 ईयर्स का कितने साल का था 35 ईयर्स का था लोमोव ध्यान में रखिएगा ठीक है लोमोव था 35 ईयर का ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाई डिड लोमोव कम टू चुबकोव्स हाउस अब लोमोव जो है चुबकोव के घर क्यों आया था भाई एक ही कारण था वो उसकी बेटी से विवाह करना चाहता था हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर में है ना तो क्या है बच्चों कि टू मेक द सुपीरियरिटी ऑफ हिज डॉग या फिर टू सेटल द ओनरशिप क्वेश्चन क्वेश्चन uh, मेडोज या फिर टू क्वेरल ओवर द पीस ऑफ लैंड या प्रपोज टू नतालिया सही जवाब क्या होगा भाई कि वो नतालिया को क्या करने आया था प्रपोज करने के लिए आया था कि मतलब चुबकोव से उसका हाथ मांगने के लिए आया था कि वो उसकी बेटी से विवाह करेगा ओके तो ध्यान में रखिएगा भाई कि क्या कारण था चुबकोव के घर लोमोव के आने का समझ रहे हैं ना फिर आगे क्वेश्चन है बच्चों अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज नतालिया अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है है ना ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई नतालिया कितने वर्ष की थी अभी पूछा था कि लोमोव कितने वर्ष का था तो आपको ध्यान में हो था कि न्वेंटी ईयर या ट्वेंटी फाइव ईयर थर्टी ईयर या थर्टी फाइव तो क्या हो जाएगा कि ट्वेंटी फाइव ईयर यानी पच्चीस वर्ष की थी कौन नतालिया ठीक है ट्वेंटी फाइव ईयर हो जाएगा सही जवाब इसका फिर हमारे सामने बात करें कि अगला क्वेश्चन है बच्चों चुबकोव वाज नताल्या जो चुबकोव था वो नतालिया का क्या था क्या रिलेशन था तो बस आपको ध्यान में रखना है कि भाई उसका क्या था उसके पिताजी थे कौन चुबकोव तो चुबकोव नतालिया के क्या थे बच्चों फादर पिताजी थे तीन ही मेन कैरेक्टर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे एक तो चुबकोव दूसरा लोमोव तीसरा नताल्या तो चुबकोव कौन थे नतालिया के पिताजी थे लोमोव नतालिया से विवाह करना चाहते थे नतालिया चुबकोव की एकमात्र क्या थी पुत्री थी ओके हाँ. फिर अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट ट्रबल कौन जो है हार्ट ट्रबल यानी हृदय से संबंधित किससे परेशानियां थी उससे पीड़ित कौन था बच्चों अगर ऐसा आ जाए तो भाई लोमोव रहा करता था तभी उसने डिसाइड किया था कि उसे हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है समस्याएं होती हैं और वो उसने डिसाइड किया था कि अब उसे पीसफुली लाइफ स्पेंड करनी चाहिए मतलब शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए इसलिए उसने डिसाइड किया था कि अब वो न्याया से विवाह कर लेगा है ना तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें सही जवाब बच्चों क्या लोमोव लोमोव जो है वही हार्ट ट्रबल से क्या होता था सफरिंग मतलब सफर करता था हृदय संबंधी जो परेशानियाँ होती थी उसे क्या करता था सफर करता था फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डिड नतालिया एंड लोमोव गेट मैरिड इन द एंड क्या अंत में नतालिया एंड लोमोव ने मतलब विवाह कर लिया था है ना तो आपको इसमें ऐसे जवाब में देना है कि अंत में क्या हुआ था कि यस नो मे बी या नन ऑफ दीज ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अंत में फिर उनकी शादी हुई थी विवाह किया था उन्होंने तो यस कर लिया था लेकिन पहले तो वो बहुत ही क्या किए थे लड़ाई झगड़ा किए थे ऑक्सीजन मिडोस को लेकर के फिर वो शांति वाला मामला होता है तो वो डॉग को लेकर के फिर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं मतलब यहाँ तक कि कि जिस मेन कारण के लिए आए थे वो नहीं करते हैं फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट किस लैंड के लिए वो फाइटिंग कर रहे थे है ना झगड़ रहे थे झगड़ा कर रहे थे तो बर्च वुड्स बर्न

लोमोव और नतालिया के डॉग का नेम क्या था ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों ठीक है तो क्या है हार्नेस एंड स्क्वीजर हार्नेस एंड गैस या फिर बोले तो गैस एंड स्क्वीजर या नन ऑफ नीज सही जवाब क्या होगा बच्चों कि लोमोव और नतालिया के डॉग का नेम क्या था हार्नेस नहीं गैस एंड स्क्वीजर क्या था बच्चों गैस था लोमोव के डॉग का नाम और स्क्वीजर था नतालिया के डॉग का नाम तो गैस एंड स्क्वीजर नाम ध्यान में रखिएगा ओके okay? हाँ फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों बिना किसी देरी के बिना किसी फालतू की बात के कि क्या है हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन सी गेट्स टू नो द पर्पस ऑफ लोमोफ्स विजिट अब यहाँ क्वेश्चन में ये बोला गया कि हाउ डज नतालिया रिएक्ट नतालिया किस तरीके का रिएक्ट करती है व्हेन जब सी गेट्स टू नो है ना जब उसे पता चलता है पर्पज ऑफ विजिट मतलब लोमोव के आने का कारण उसे पता चलता है तो वो किस तरीके का बिहेव करती है तो फेंट या फिर स्टार्ट क्राइंग या गेट एंग्री या फिर नन ऑफ दी सही जवाब क्या होगा बच्चों कि किस तरीके का वो रिएक्शन करती है बच्चों जब उसे पता चलता है कि भाई लोमोव किस लिए आया था लोमोव तो उसका हाथ मांगने के लिए आया था ना विवाह के लिए आया था ना तो वो क्या करने लगती है स्टार्ट क्राइंग वो रोना शुरू कर देती है और अपने पिताजी यानी चुबकोव से कहती है कि वापस बुला के लेके आई है उसको अब वो लड़ाई झगड़ा करके चला गया था लोग मूव यही तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों काफ़ी अच्छा चैप्टर था तो हमें फिर उस बच्चे की किसी ने मतलब बच्चे ने कहा था मैम सरमन एट बनारस जितना अच्छा चैप्टर है द प्रपोजल उतना ही ज़्यादा क्या है कि मतलब उसमें बहुत रेयर चीज़ें इसमें बस ऐसे ही बताई गई थी लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है भाई कैरेक्टर क्या था क्या उनका मेन रोल था बस सिंपल चैप्टर है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें है ना लोमोव का कारण पता होना चाहिए कितने साल का था नालिया कितने साल की थी चुबकोव कौन था बस यही सारी चीजें हाँ अब जो अगला क्वेश्चन है बच्चों की विच क्वालिटी कैन बी एसोसिएटेड टू कैरेक्टर इन द प्ले विच क्वालिटी कैन बी एसोसिएटेड टू कैरेक्टर इन द प्ले कौन सी हमें मतलब ये जो चैप्टर है बच्चों आपका इसमें ये जो कैरेक्टर है, है ना तो इनकी हमें कौन सी क्वालिटी देखने को मिलती है यहाँ पर तो विच क्वालिटी कैन बी एसोसिएटेड कैरेक्टर इन प्ले इस प्ले में हमें कैरेक्टर में कौन सी क्वालिटी देखने को मिलती है शॉर्ट टेम्पर्ड वाली मैनुपुलेटिव या रिच या पावरफुल सही जवाब क्या होगा बच्चों शॉर्ट टेम्पर्ड और शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है कि जैसे जरा सी बात में भड़क जाना कि नहीं अपनी बात को मनवाना जैसे वो बोले कि हमारा डॉग अच्छा है तो वो बोले नहीं वो इससे बेहतर है ऑक्सन विडोज वो मेरे हैं वो कहते हैं नहीं मेरे हैं मतलब एक दूसरे की बात को मानना नहीं समझना नहीं ये बोला गया है शॉर्ट टेम्पर्ड तो वहाँ के मतलब उसमें क्या था कि लोमो आया था उसका हाथ मांगने के लिए लेकिन झगड़ा ही शुरू हो जाता है तो मतलब ये कि जो कैरेक्टर है उनका बिहेवियर कैसा था बच्चों शॉर्ट टेम्पर टाइप का था ओके तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है फाइनली हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर सारे चैप्टर के ना क्या कर लिए हैं एम को कवर कर लिए हैं आप लोगों ने नोटिस किया कि मैम हम लोगों ने वन हेंड्रेड ट्वेंटी एम किए हैं है ना वन हेंड्रेड ट्वेंटी एम को किए हैं यहाँ से हमारा एक एक चैप्टर कवर हो गया है एक एक चैप्टर हमारा कवर हो गया है क्यों क्योंकि हम लोगों ने बच्चों इतने सारे क्वेश्चन के आंसर करने के बाद हमें इतना आइडिया हो गया है इतना कॉमन सेंस आपके अंदर आ जाएगा कि जब आपके सामने किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमें पूरा यकीन है कि आप सभी कर ले जाएंगे बच्चों ठीक है अगर आपने ध्यान से मेहनत से फोकस करके इन सारे प्रश्नों को देखा है बच्चों तो आप यकीन मानिए कि आप कर ले जाएंगे तो अब हम लोगों ने एमसीक्यूज को कर लिया अब कर लेते हैं extract based question के answers को देख लेते हैं कि कैसा तरीका पूछा जाएगा क्योंकि मैंने पहले बताया बच्चों कि चार चीजें आपके एग्जाम में आएंगी प्रोस से एक तो जो है आपको एमसीक्यूज करने होंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड करने होंगे और आपको जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर करना होगा समझ रहे हैं हमारी बात को ओके इसको ऑन कर दीजिएगा अब चलते हैं बच्चों हम लोग ना फटाफट एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम्म hmm. इस तरीके का एक्सट्रैक्ट बेस आपकी परीक्षा में आएगा देखने को मिलेगा आपको ठीक है इस तरीके का मिलेगा ये सर जो है एक्स्ट्रा है क्या यहाँ से हाँ ठीक

As the oppressed या फिर others है ना या as the author क्या सही जवाब होगा मतलब ये पूछा गया है कि जो oppressor होगा बच्चों ना oppressor मतलब समझते हैं क्या होता है कि जो अत्याचारी अत्याचारी मतलब जिसके द्वारा अत्याचार किया जाता है उसे क्या बताया गया है किसके समान की मतलब जो है यहाँ पर सही जवाब होगा बच्चों as the oppressed कि उसी के समान उसे भी क्या करना चाहिए मुक्त करना चाहिए लिब्रेट करना चाहिए समझ रहे हैं किसके समान ऑपरेसर को मतलब ऑपरेस्ट के समान क्या करना चाहिए मुक्त करना चाहिए मतलब दोनों ही कहीं ना कहीं क्या होते हैं नफरत के कैदी होते हैं ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों इसी से रिलेटेड होगा ए मैन हु टेक्स अवे अदर मैन फ्रीडम एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा ये किया है कि जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वो क्या कहलाता है ए प्रिजनर ऑफ सुपीरियरिटी नहीं ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड होगा बच्चों ठीक है ये ध्यान में रखिएगा ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड नफरत का कैदी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है वो क्या कहलाता है नफरत का कैदी कहलाता है। फिर बात करते हैं बच्चों मदर वॉज स्टैंडिंग ऑफ मतलब जो यंग सीगल की मदर थी वो कहाँ पर खड़ी हुई थी लिटिल प्लांट या होम ट्री लिटिल प्लेट्यू सही जवाब क्या होगा बच्चों कि यंग सीगल की जो मदर थी वो कहाँ पर खड़ी हुई थी ए लिटिल प्लेट्यू मतलब एक पठार था पहाड़ी थी छोटी सी वहां पर वो क्या थी खड़ी हुई थी तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके एक्सट्रैक्ट में तो आप कर लेंगे नेक्स्ट है बच्चों द द साइट ऑफ फूड मेड एंड हिम बिकॉज किस चीज ने यंग सिगल को एकदम पूरा क्या कर दिया था मेड एंड कर दिया था बिकॉज क्योंकि ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्या था भूखा था है ना इस चीज ने उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया था बच्चों पागल कर दिया था पागल मतलब उसे खाना खाना था तो खाना था मतलब 24 घंटे हो गए तो उसने कुछ भी खाया नहीं था इसलिए वो बहुत ही ज्यादा क्या था भूखा था ही एक्सपेक्टेड टू रीच इंग्लैंड इन द मॉर्निंग मतलब उसने क्या मतलब ये सोचा था कि वो इंग्लैंड जाकर के कौन से चैप्टर का है बच्चों ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का तो इसमें देखिए ऑप्शन में ऐसे पूछा है एट द टी टाइम ब्रंच लंच या ब्रेकफास्ट टाइम मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है बच्चों ही एक्स एक्सपेक्टेड टू रीच इंग्लैंड इन द मॉर्निंग उसने मतलब किस चीज का एक्स, एक्सपेक्ट किया था कि वो किस टाइम पर वो पहुंच जाएगा तो ब्रेकफास्ट टाइम पे उसने सोचा था कि वो फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट करेगा और उसी टाइम पर वहां पर क्या हो जाएगा पहुंच जाएगा बच्चों समझ में आई बात फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है ही द क्लाउड्स व्हेन उसने क्या देखा बच्चों क्लाउड्स आंधी तूफान से भरे हुए बादलों को देखा जब वो कितनी दूरी पर था तो पेरिस वॉज वन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर ये मतलब एक्सट्रैक्ट से ही रिलेटेड होंगे और आपको कहीं ना कहीं यहां आंसर भी मिल जाएगा आपने जैसे ही देखा अबाउट 150 किलोमीटर है ना इसमें प्रयास करिएगा एक बार खोजने का जब भी एक्सट्रैक्ट से मिलेगा आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों कि जब मतलब वो ही सर जब उसने देखा कि स्टॉर्म क्लाउड आंधी तूफान से भरे हुए बादल है ना देखा तो वो कितनी दूरी पर था पेरिस वाज 150 किलोमीटर कितनी दूर पर था 150 किलोमीटर पर था ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन टू एनी द टास्क ऑफ अब मिस्टर कीसिंग ने एनी फ्रैंक को कौन सा टास्क दिया था कौन सा टास्क दिया था बच्चों तो ड्राइंग करने का या कलेक्टिंग स्टैम्प्स? या फिर बोले तो पेंटिंग ग्लास या राइटिंग एन इससे तो बस आपको पता है कि जो मिस्टर की थे उसने उसे क्या दिया था बच्चों एनी फ्रैंक को क्या दिया था इससे लिखने के लिए दिया था हाँ इससे और सुनिएगा हमारी बात ध्यान से बच्चों देखिए एमसीक्यूज तो हम लोगों ने किया लेकिन ये भी तो अब आपके लिए जरूरी है बच्चों इसको अब अंत में जो बच्चे बचा हुआ समय है उनमें आप लोग इस पे भी ध्यान देंगे मतलब क्वेश्चन भी आएंगे आपकी परीक्षा में शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर भी आएंगे तो हम लोग करेंगे और जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो धैर्य बनाकर अंत तक रुकेंगे समझ रहे हैं हमारी बात को ओके तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई मिस्टर कीसिंग ने उसे क्या टास्क दिया था तो राइटिंग एंड इससे इससे लिखने का टास्क दिया था ओके okay? फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनीज ऑगमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट अब एनी का जो ऑगमेंट था बात करने का वो क्या था कि वो क्या बोलना चाहती थी कि हर एक बच्चा जो है वो क्या होता है कि मतलब उसके अंदर एक खासियत होती है क्या तो, ये टॉकिंग इन अ फंडामेंटल राइट मतलब जो बात करना है क्या है फंडामेंटल मेंडल राइट है ना मेंटल राइट right. या फिर टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट या बोले तो टॉकिंग इज अ बर्थ राइट या टॉकिंग इज अ ड्यूटी यहाँ पर एनी फ्रैंक ने ये बताया था बच्चों काफी अच्छा प्रश्न था कि एनी ऑर्ग्यूमेंट और, अबाउट टॉकिंग वॉज दैट टॉकिंग इज इस ए स्टूडेंट स्ट्रेट मतलब बात करना हर एक विद्यार्थी की खासियत होती है ट्रेट का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पर खासियत क्या बोलेंगे खासियत समझ गया ना कि बात करना जो है हर एक विद्यार्थी की क्या होती है खासियत होती है आप सभी भी विद्यार्थी हैं और आप में भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही बातूनी होंगे तो इस पर एनी फ्रैंक ने बोला था कि जो है बात करना हर एक विद्यार्थी की क्या होती है ट्रेट होती है यानी उसकी खासियत होती है ओके तो आगे आप मिस्टेक नहीं करेंगे अगला क्वेश्चन है Here piece of heaven refers to किसी भाई स्वर्ग का छोटा टुकड़ा बताया गया है तो आप एक्सटैग देख के तुरंत समझ जा रहे होंगे कि हमारे कौन से चैप्टर का है ये है ना बायल कोपी निसर्ग धाम मैंगलोर या फिर कुर्ग सही जवाब क्या होगा भाई स्वर्ग का छोटा सा टुकड़ा किसे बताया गया तो कुर्ग ठीक है बस ध्यान में रखना है बहुत ही आसान है कुछ भी टफ नहीं है इसमें फिर उसके बाद है कूर्ग इज सिचुएटेड मिड वे बिटवीन और जो भी एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लाए गए हैं ठीक है बच्चों कूर्ग इज सिचुएटेड मिड वे बिटवीन ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको देखने को कि कूर्ग जो है किसके मध्य स्थित है बैंगलोर एंड मैंगलोर माइसूर एंड बैंगलोर या माइसूर एंड मैंगलोर तो माइसूर एंड मैंगलोर क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है समझ गए फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं who is the author of his passage अब आपने जैसे ही ये पैसेज देखा अब आप कैसे पहचानेंगे मैम ये कौन सा पैसेज है तुरंत सामने देखा मिसबिल एज आई कॉल्ड जैसे ही मिसबिल देखा मिसबिल दी ऑटर भाई है ना गिवेन मैक्स मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है तो who is the author of his passage जैसे ही पैसेज देखा आप तुरंत समझ गए कि गिवेन मैक्सवेल हो जाएंगे भाई इसके है ना कौन राइटर है कौन ऑथर है गिवेन मैक्सवेल है मिसबिल दी ऑटर ओके okay, इस चैप्टर के राइटर कौन है गेविन मैक्सवेल फिर नेक्स्ट हमारे सामने आता है बच्चों कि द ऑटर बिगेन टू तो टेक कीन इंटरेस्ट इन सराउंडिंग आफ्टर जो ऑटर था बच्चों उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया अपने सराउंडिंग है ना तो वन डे टू डेज थ्री डेज फोर डेज कितने दिनों में उसने फिर इंटरेस्ट लेना शुरू किया था बच्चों एक दिन बीतने के बाद फिर वो धीरे धीरे जो है अपने बिहेवियर में परिवर्तन करता है और जो है मित्रवत बिहेव करने लगता है ऐसा हम लोगों ने पूरा चैप्टर में पढ़ा था फिर नेक्स्ट है फॉर वल्ली वो फॉर वल्ली द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ वाज वल्ली के लिए मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग क्या थी मतलब आकर्षित करने वाली वो क्या थी चीजें क्या थी द पैसेंजर्स द काउ द मदर या बस फैसिनेट करती थी जो उसे लाभान्वित मतलब ऐसे बोल सकते हैं फैसिनेट का मतलब समझते हैं जिसको देख करके वो आकर्षित होती थी उसे देख करके बहुत अच्छा लगता था तो क्या चीज थी बच्चों द बस ठीक है बस थी कि जिसे देख करके वो क्या होती थी फैसिनेट होती थी फैसिनेट का मतलब आप समझ गए ना कि अपने आकर्षित होना ऐसे ओके okay. फिर है द वर्ड फैसिनेटिंग मीन फैसिनेटिंग का मतलब क्या होगा इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में तो क्या होगा बच्चों अट्रैक्टिव या फिर नन ऑफ सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव मतलब समझते हैं ना हाँ आकर्षित करना है ना कोई भी चीज को मतलब सुंदर लगना तो उसकी ओर अब उसे बस पसंद थी वो देखती थी कि कैसे बस जाती है वापस आती है है ना इस तरीके से चलिए तो अट्रैक्टिव होगा फैसिनेटिंग का मीनिंग फैसिनेटिंग का मतलब क्या होगा अट्रैक्टिव फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने द वर्ड इनलाइटन इनलाइटमेंट मतलब इसका मतलब क्या होगा अभी हम लोगों ने द शरमन एट बनारस में पढ़ा कि दिव्य ज्ञान इसका मतलब क्या होता है बच्चों दिव्य है ना दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है महात्मा बुद्ध न, निकले थे है ना उसकी खोज के लिए तो स्टेट ऑफ बीइंग इनोसेंट सही जवाब क्या हो जाएगा ए स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज ठीक है मैंने देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई बच्चों क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है और बिल्कुल टफ नहीं है ये तो इन सारी चीजों को हमें देखना है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही आपके सामने मतलब ये यहाँ पर कराए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग करेंगे चाहे देर जितनी लगे बच्चों लेकिन अधूरा छोड़ के तो नहीं जाएंगे है ना अधूरा छोड़ के नहीं जाएंगे करना है तो करना है हम्म ओके okay. और ऐसा नहीं है बच्चों कि जैसे स्टार्टिंग में हमने लिखा तो वो पूरा हम लोग ना करें कंप्लीट ऐसा तो आप लोग पूरे साल से पढ़ते आए और आप भी समझ गए हैं कि बच्चों क्या है ठीक है मतलब इसका मतलब ये होगा ध्यान में रखिएगा फिर आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वाई डज लोमोव एक्सप्रेस हिस्सा टू चुपकोव एंड हर डॉटर जो लोमोव था है ना उसने एक्सप्रेस किया मतलब ये दर्शाया कि हिज डिससेटिस्फेक्शन वो उसने अपनी असंतुष्टि को दर्शाया चुबकोव से कि हर डॉटर किस चीज़ के लिए मतलब वो असंतुष्ट था संतुष्ट नहीं था तो किस लिए बच्चों रिगार्डिंग द लैंड लैंड के लिए होम के लिए कार के लिए या नन ऑफ दिस तो रिगार्डिंग द लैंड इससे वो सेटिस्फाइड नहीं था है ना सेटिस्फाइड नहीं था और वो उसने क्या किया था कि वो पूरी तरीके से मतलब इसी वजह से वो लड़ाई झगड़े होने लगे थे ओके रिगार्डिंग द लैंड जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सन मिडोज नाम के क्या होते हैं लैंड होते हैं ठीक है ऑक्सन मिडोज नाम ध्यान में रखिएगा ऑथर ऑफ एंड नतालिया की बात हो रही है है ना और चुभकोव की बात हो रही है जैसे आपने पैसेज में आपने तुरंत देखा ठीक है लोमोव आपको नाम तुरंत दिखा आप समझ गए कौन सा चैप्टर है तो इसके पूछा है कि भाई बताइए कि ऑथर कौन है है ना राइटर कौन है तो गेविन मैक्सवेल तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था बच्चों ठीक है एंटोन चिकोव या बेटी रैनशो बोले तो या नन ऑफ दिस तो ये तो सरमेनेट बनारस के हो गए तो होगा नहीं तो क्या होगा बच्चों एंटोन चिकोव ओके हाँ नन ऑफ दिस नहीं होगा सही जवाब क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट हाँ, अब देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया है कि कि सारे को को कर Extract -based question के answer को कर लिए लिए के अब वो बच्चे लास्ट तक रुकेंगे जो जो चाहते हैं मैम में हम कौन से तैयार करें कौन से शॉर्ट आंसर मैम तैयार करें तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर के प्रयास करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर है अब उनको हम लोग कवर करेंगे ठीक है तो यहाँ से अब आपका धैर्य दिखेगा बच्चों हाँ एक ना, हाँ इसको ना जो है थोड़ा सा सेल को ना चेंज कर दिया जा रहा है बच्चों ठीक है सेल को चेंज कर दिया जा रहा है आप सभी जो है अच्छा माइक के चेंज करने हैं सेल ओके बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया क्या बच्चों आपको तो बैठ के पढ़ना ही तो है हाँ तो देखिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर को करेंगे जहाँ से आपका स्कोरिंग होता है ठीक है स्कोरिंग का मतलब कि जैसे आप अगर एक बेहतर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर लिखते हैं बच्चों तो वहां से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं है ना तो अब वो टाइम आ गया है भाई अब वो टाइम आ गया है कि अब कोई एमसीक्यूज नहीं क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोगों ने कवर कर लिया है है ना कवर कर लिया है एक्स्टैग बेस्ड क्वेश्चन के आंसर को भी कर लिया है अब वो बच्चे रुकेंगे जो बच्चे वास्तव में जानना चाहते हैं कि मैम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कौन से शॉर्ट आंसर है लॉन्ग आंसर है तो चलिए भाई फिर स्टार्ट किया जाए है ना स्टार्ट किया जाए फिर हम बच्चे तेजी से जानना चाहते हैं कि मैम जो है स्टार्ट किया जाए बिकॉज़ समय बहुत कीमती है हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं वालतू की बातों में समय है ना चलिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है बच्चों हु वॉज लेंचो वॉट वर हिज मेन प्रॉब्लम अब जैसे क्वेश्चन आएगा एक आपकी परीक्षा में कि भाई लेंचो कौन था उसकी मुख्य समस्या क्या थी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फटाफट देखेंगे हम एक काम करेंगे देखिए हम हर एक लाइन का मतलब आपको बताएंगे भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों लेकिन ये मान के चलिए कि जब उसको आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी बच्चों ठीक है अब लैंचो कौन था तो लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर वो एक क्या था परिश्रमी क्या था फार्मर था मतलब किसान था सिंपल लोह हिल जो कि एक निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था विथ हिस्स फैमिली है ना जो परिवा, अपने परिवार के साथ में निचली पहाड़ी के शिखर पर रहता था फिर है his वॉज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली और पूरी संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र क्या था घर था ठीक है ही इगरली वेटेड फॉर ए गुड रेन टू हैव ए गुड हार्वेस्ट बट हिल स्टोम डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप मतलब क्या है देखिए आराम से समझेंगे ठीक है आराम से मतलब हम एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे देखिए ही ईगरली वो बहुत ही उत्सुकता से वेटेड मतलब इंतजार कर रहा था है ना इंतज़ार किया था फॉर ए गुड रेन एक अच्छी बारिश का वो इंतज़ार कर रहा था हैव ए गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल के लिए वो एक अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहा था इगर्ली वेटेड मतलब बहुत ही जिज्ञासा से उत्सुकता से वेट कर रहा था बट लेकिन क्या होता है बच्चों कि हेल स्ट्रॉम डिस्ट्रॉयड हेल स्ट्रॉम मतलब मूसलाधार बारिश ने डिस्ट्रॉयड मतलब क्या कर दिया पूरी तरीके से नष्ट कर दिया हिज क्रॉप उसकी फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया फिर उसके बाद है सो ही नीडेड मनी और फिर इसके लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी टू सो हिज फील्ड अपने खेतों की बुआ, बुआ मतलब उसको दोबारा से फिर से उसकी बुआई कराने के लिए उसे पैसों की क्या थी आवश्यक थी एंड सपोर्ट हिज़ फैमिली और अपने परिवार का भी क्या करना था पालन पोषण करना था मतलब सपोर्ट करना था तो इसीलिए दीज वर हिज मेन प्रॉब्लम इसीलिए ये उसकी क्या थी मेन मुख्य समस्या थी तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि लैंचो कौन था तो आप लिख लेंगे कि हार्ड वर्किंग फार्मर था फार्मर था और उसकी मुख्य समस्या क्या थी भाई तो उसकी मुख्य समस्या यही थी कि वो एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था लेकिन मूसलाधार बारिश हो गई जिसकी वजह से सारा सब कुछ क्या हो गया था बच्चों नष्ट हो गया था ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा अगला जो चैप्टर, चैप्टर लॉन्ग आंसर, आंसर हमने बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से तैयार किया है तो वहां से हमारे शॉर्ट भी बन सकते हैं बिल्कुल बन सकते हैं आप उसको समझने का प्रयास करिए कि अगर इस तरीके का घुमा करके कैसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं बच्चों ठीक है हाँ यहां क्या है कि या जो का अटूट विश्वास था ईश्वर के प्रति उसको बताना है यह पहले क्वेश्चन में बताया कि हाउ डिड हेल स्टोन एफेक्ट लैंोज फील्ड उसके लैंचो के खेतों में किस तरीके से प्रभाव डाला था ठीक है या बोले तो वर्ट वॉज लैंस ओनली होप उसकी एकमात्र उम्मीद या आशा क्या थी बच्चों ये बताना है या लैंचो राइट लेटर या लैंचो ने ईश्वर को के लिए पत्र क्यों लिखा था प्राइड अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों ठीक है कि उसका गर्व और बोले तो अधिकार क्या था ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक आंसर लिखना होगा इसका या हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प कि किस तरीके से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉज ने लेंचो की मदद की थी और हाउ डिड लेंचो रिएक्ट देयर हेल्प और उनके मदद करने पर किस तरीके से लेंचो ने रिएक्ट किया था ये बताना है तो अब देख रहे हैं आप कि अगर ऐसे क्वेश्चन कही कहीं ना कहीं घुमा के बनते हैं तो हमें एक ही आंसर लिखना है जो कि सभी के लिए सफिशियंट होगा है ना सभी के लिए सफिशियंट होगा तो वो हम लोग बच्चों देखेंगे यहाँ पर ठीक है अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम मॉडल पेपर कराइए मॉडल पेपर आपको जब कल पूरा शेड्यूल बताया गया तो उसको आपको ध्यान से देखना है कि हम लोग कब कैसे क्लासेस करेंगे जितना बोला गया है वो पूरी क्लासेस होंगी बच्चों ठीक है और मॉडल पेपर का मतलब मॉडल पेपर होता है ऐसा नहीं है फिर उसमें हम पूरा हम अगर कराएंगे तो आपको बताएंगे कि बच्चों एक से लेकर दस तक प्रश्न इससे इससे आते हैं फिर ये यहाँ से यहाँ तक आते हैं फिर हम लोग बात करें कि इतने प्रोज में आते हैं तो लॉन्ग आंसर एक आता है फिर दो शॉर्ट करने होते हैं एक्सटैक्ट करना हो तो मतलब सब कुछ हाँ मॉडल पेपर के नाम पे हम लोग फिर उसमें केवल एमसीक्यूज को ही नहीं कर सकते हैं समझ रहे हैं आप है ना हाँ चलिए तो ये चीज़ है जो आपको कल शेड्यूल बताया गया है तो बच्चों एक बार देख लीजिए कि हाँ जब हम हम लोग मॉडल पेपर करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले मॉडल पेपर किए हैं तीन पूरे कंप्लीट मॉडल पेपर किए हैं वैसे ही मॉडल पेपर करेंगे ठीक है चलिए अब हमारा जो आंसर होगा बच्चों आराम से सुनिएगा नोट कर लीजिएगा इसको तैयार कर लीजिएगा अपनी परीक्षा के लिए क्या है कि लेंचो वॉज एक्स पेक्टिंग ए डाउनपोर टू गेट ए गुड हार्वेस्ट अब जो लेंचो था वो अच्छी फसल के लिए बारिश की क्या कर रहा था उम्मीद कर रहा था डाउनपोर मतलब यहाँ पर क्या होगा बारिश ओके तो उसने मतलब ये एक आशा लगा रखी थी कि भाई एक अच्छी बारिश होगी जिससे उसकी फसल भी क्या होगी मतलब गुड हार्वेस्ट के लिए उसने उम्मीद लगा रखी थी अनफॉर्चुनेटली लेकिन क्या होता है कि दुर्भाग्यवश द रेन चेंज्ड इन टू द हेल स्टॉम लेकिन जो बारिश थी वो हेल स्ट्रॉम में बदल गई मूसलाधार बारिश में बदल जाती है एलोंग विद द रेन अब बारिश होने के दौरान बच्चों वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल अब बारिश होने के दौरान वेरी लार्ज हेल हेलस्टोन मतलब बहुत बड़े-बड़े क्या हेलस्ट्रोम जो है गिरने लगते हैं उसके कारण क्या होता है द हेल हैड लेफ्ट नथिंग उसके कारण जो है कुछ भी नहीं बचा था मतलब वो हेल हैड लेफ्ट नथिंग उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था मतलब सब कुछ क्या हो गया था नष्ट हो गया था द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड और जो फसल थी मक्के की फसल थी वो टोटली totally, मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गई थी एक मतलब देखिए जितना आप इजी लैंग्वेज में एक आंसर लिखेंगे ना एग्जामिनर उतना ही समझने का प्रयास करेगा कि बच्चों ने बच्चे ने वास्तव में मेहनत से ऐसे याद करके या उसे तैयार करके उसने एक लॉन्ग आंसर लिखा है है ना? तो यही है इसमें कि ही डिड नॉट हैज इनफ मनी उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था टू शो हिज फील्ड अगेन मतलब दोबारा से अपने खेतों को शो यानी उसको उसकी बुआई कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं था इनफ मनी नहीं था एंड फीड His family और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी पैसा नहीं था इनफ मनी नहीं था कि ताकि वो अपने खेतों की फिर से बुआई करा सके और परिवार का पालन पोषण कर सके फिर क्या है बच्चों? कि देर वॉज ओनली गॉड हु कुड हेल्प हिम अब यहाँ पर यह था कि से सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही था जो उसकी मदद कर सकता था एकमात्र ईश्वर ही था जो उसकी मदद कर सकता था तो यहाँ पर बच्चों ये देखने को मिला हमें हम्म आगे आप लिखेंगे देखिए हो सकता है इतने सारे क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने देखे तो उससे रिलेटेड एक हम लोग आंसर कर रहे हैं तो ये बड़ा हो सकता है लेकिन जब परीक्षा में आपको कोई भी एक क्वेश्चन मिलेगा लेंचो से रिलेटेड मान लीजिए लॉन्ग आंसर तो आपको समझ के करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है आप बहुत आसानी से कर देंगे क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा क्या है जिनको भी कठिनाई लगती है, खासकर उन बच्चों के लिए भी है कि लैंचो वॉज हाईली रिलीजियस पर्सन वो बहुत ही क्या था धार्मिक व्यक्ति था है ना? हाईली रिलीजियस पर्सन था एंड हैड अनशेकन फेथ इन गॉड और ईश्वर में भी उसका अटूट विश्वास था अनशेकन अनशेकन मतलब जो हिला ना सके कोई उसको और फेथ मतलब होता है विश्वास तो ईश्वर में भी उसका अटूट विश्वास था ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर और फिर उसने डिसाइड किया एक पत्र लिखने का किसके लिए ईश्वर के लिए उसने डिसाइड किया कि वो एक पत्र लिखेगा तो उसने ये डिसाइड किया हिस्स वो सो और जो उसका फेथ था वो बहुत ही क्या था स्ट्रांग था मजबूत था कोई नहीं तोड़ सकता था उसको दैट ही श्योर और वो पूरी तरीके से श्योर sure था दैट गॉड विल नेवर डिनाइड हिज रिक्वेस्ट एंड वुड हेल्प हिम और वो पूरी तरीके से श्योर sure था बच्चों कि ईश्वर कभी उसे मना नहीं करेंगे और उसकी मदद जरूर करेंगे है ना तो हाँ अब जैसे आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर भी देखेगा कि बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है तो उसका फल भी आपको मिलेगा लेकिन मेहनत करना आपका काम है बच्चों ठीक है हाँ मेहनत करना आपका काम है हमारा भी काम है कहीं ना कहीं कि आपको जो है ये चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं बच्चों है ना चलिए फिर हमारे सामने इसी में है तो हमने आपको बताया कि हो सकता है लॉन्ग आंसर बड़ा हो सकता है सिक्सटी वर्ड का करना है लेकिन आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि हमें ये ये करना है बस है ना कहीं भी जितने क्वेश्चन दिखाए थे कहीं से भी घुमा के बन जाता है आप आंसर लिखेंगे आपको कर के आना है बच्चों द पोस्टमास्टर रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉइज अ पोस्टमास्टर ने एम्प्लॉइज से क्या किया रिक्वेस्ट किया बच्चों है ना एंड फ्रेंड्स टू गिव सम मनी और उसने क्या किया एम्प्लॉइज से रिक्वेस्ट किया और अपने मित्रों से रिक्वेस्ट किया कि कुछ पैसों को कलेक्ट करने के लिए ठीक है अब क्या है कि ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ सैलरी और जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने salary से भी कुछ part उसको दे दिए लेकिन he failed to collect 100 pesos. लेकिन वो 100 pesos को collect करने में क्या थे Unable हुए है ना मतलब फेल हो गया फेल हो गया मतलब वो हंड्रेड पैसोज को कलेक्ट नहीं कर पाए बल्कि सेवेंटी पैसोज को ही कलेक्ट कर पाए ओनली सेवेंटी पैसोज है ना ही वो कर पाए थे he मनी इन एनवेल फिर उन्होंने क्या किया कि पैसों को एक एक लिफाफे में उन पैसों को सेवनटी पैसों को उन्होंने क्या किया कि पुट कर दिया मतलब रख दिया और उसमें ईश्वर के हस्ताक्षर कर दिए बढ़िया करके जैसे भी उन्होंने किता की लगे, हाँ ये गॉड के क्या है हस्ताक्षर है बच्चों इस तरीके से तो ये हमारा और है फटाफट देखते हैं कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सार आपको बता दिया जा रहा है कि बच्चों अगर कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के आए तो आपके अंदर इतना कॉमन सेंस आ, आ जाना चाहिए कि आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे आप उसे करके आएंगे ठीक है द the... मनी अब वो बताए उसमें पैसों को देख करके बहुत खुश हो गया बट आफ्टर काउंटिंग द मनी लेकिन फिर पैसों को गिनने के बाद ही बिकेम एंग्री अब वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को गिना ही वो सेवनटी पैसो

ही अगेन राइट द लेटर एंड रिक्वेस्टेड टू गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट अब वो क्या करता है कि फिर से वो उसने सेकेंड लेटर लिखा गॉड के लिए और फिर उनसे रिक्वेस्ट किया गॉड से उसने रिक्वेस्ट किया टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट वो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया की कि भाई पोस्ट आ, के द्वारा जो है इस बार मनी को ना भेजिएगा क्योंकि क्योंकि जो post office के हैं वर ए बंच ऑफ क्रूक्स वो क्या है डिसऑनेस्ट पर्सन है मतलब बंच ऑफ क्रूक्स है ना बंच ऑफ क्रूक्स हैं क्योंकि जैसे होता है ना ठगों का दल वो बोलते हैं कि उन्होंने ही मेरे मेरे पैसों को जो है कम कर दिया होगा Who might have stolen his money, और उन्होंने ही उसके पैसों को क्या कर लिया है चुरा लिया है तो समझ रहे कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा बच्चों की पूरे चैप्टर का एक सार हम लोगों ने तैयार कर लिया मतलब एक लॉन्ग आंसर के रूप में अगर बात करें तो ठीक है तो यहाँ से आप एक सटीक सॉलिड सा जो है क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं बच्चो अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चो हम्म अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा मैंने देखा कि कुछ बच्चा मतलब कोई बच्चा कह रहा तो है कि मैम ये तो लॉन्ग है हाँ बिल्कुल जब आप इतना पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इतना याद रहेगा और मैंने पहले भी बताया इतना याद रहेगा आप हंड्रेड परसेंट परीक्षा में करके आएंगे और ये चीज़ भी आप मान के चलिए बच्चों कि जैसे मैंने आपको कम से कम चार पांच क्वेश्चन भी दिखाए है ना कि कहीं ना कहीं अगर हम एक लॉन्ग आंसर अच्छा तैयार करते हैं तो जब परीक्षा में कैसा भी पूछा जाए हमको उसमें कर देना है उसको लिखना है ठीक है तो जब आप इतना तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए इतना बचेगा कि आप उसको अच्छा करके आएंगे लिख करके आएंगे आपको छोड़ के नहीं आना है हम्म है ना अब जैसे बाल्टी भर जो है क्या करते हैं तैयार करते हैं तो उसमें जो है थोड़ा ही लोटा भर बचता है बोले है ना हाँ। फिर भर करके आते हैं ऐसे हम लोगों ने बचपन में भी ऐसे ही पढ़ा था है ना थोड़ा सा हंसी में मजाक में एकदम सीरियस होके मतलब इतनी पढ़ाई ना करिए क्योंकि कभी भी सीरियस में बच्चों क्या होता है कि एक क्वेश्चन हमें अगर सही करना होता है तो हम गलत कर देते हैं सीरियस तो नहीं होना है बढ़िया मजे से जो है हमें तैयारी करनी है हमारे पास टाइम है तीन दिनों का मैम ने आपको क्लासेस बताई हैं कि कैसे कैसे आप फॉलो करेंगे ठीक है और चलिए फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों अगला शॉर्ट आंसर है इनको आप नोट no, कर सकते हैं बच्चों और फिर इनको पूरा रिविजन कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई नेल्सन मंडेला कौन थे वाई डिड ही फाइट विथ राइट रूल ऑफ हिस कंट्री और उन्होंने ना अपने देश के लिए वाइट रूल के खिलाफ क्यों मतलब फाइट किया था है ना तो लड़ाई लड़ी थी मतलब तो कारण क्या था बच्चों तो नेल्सन मंडेला अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका के क्या बने थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने मतलब वो अपने देश को क्या करना चाहते थे शासन से मुक्त कराना चाहते थे इस तरीके का हम लोगों ने उसमें क्या देखा था आंसर हम लोग क्या लिखेंगे है ना तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों देखिए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बहुत आसान शब्दों में बहुत आसान है बच्चे उनको नोट तो करिएगा ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वो साउथ अफ्रीका के प्रथम क्या बने थे अश्वैत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला वॉन्टेड टू फ्री हिज कंट्री और नेल्सन मंडेला वॉन्टेड मतलब चाहते थे टू फ्री आजाद कराना हिस कंट्री अपने देश को नेल्सन मंडेला अपने देश को आजाद कराना चाहते थे फ्रॉम द अपार सिस्टम अपार सिस्टम मतलब क्या होता है बच्चों रंग भेद की नीति से वो क्या करना चाहते थे अपने देश को आजाद कराना चाहते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है ये आपका बच्चों ठीक है दो हजार तेईस में पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार बना करके इसमें क्या करेंगे आप स्टार बना करके से आप नोट करेंगे तो क्या थे वो यहाँ पर बात करें कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला अपने देश को आजाद कराना चाहते थे एपार्थाइड सिस्टम से तो ही फोर्ट अगेंस्ट द रेसियल रिजाइम इसीलिए उन्होंने रेसियल रिजाइम मतलब जातीय शासन के खिलाफ उन्होंने क्या किया लड़ाई लड़ी ठीक है साउथ अफ्रीका में जातीय शासन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी He devoted his life, और devoted का अर्थ होता है बच्चों समर्पित कर देना ठीक है तो उन्होंने समर्पित कर दिया हिज लाइफ अपने जीवन को फॉर हिज कंट्री एंड पीपल मतलब अपने देश देश के के लिए और देश के लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन को क्या कर दिया बच्चों समर्पित कर दिया तो अगर ऐसा शॉर्ट आंसर आएगा आप करके आएंगे ना कि नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने वाइट रूल के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ी है ना वेरी गुड अब पानी पीना भी जरूरी है बच्चों आप समझ रहे हैं कि मैम कितनी देर से लगातार पढ़ा रही हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वॉट वॉज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंडेला के अनुसार आजादी का मतलब क्या था ठीक है या वॉट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम दो हजार तेईस में ऐसा क्वेश्चन आया है कि मंडेला के अनुसार इसका मतलब क्या था आजादी का मतलब पूछा गया है बच्चों ठीक है तो देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रेक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम यानी जो वास्तविक स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है बच्चों द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रेक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ मतलब एक लॉफुल लाइफ में वो आज़ादी मतलब ऑब्सट्रेक्टेड ना बने मतलब बाधा ना बने क्या बोलेंगे ऑब्सट्रेक्टेड मतलब क्या होता है बच्चों कि बाधा ना बने ठीक है आज़ादी का मतलब ये होता है उन्होंने यहाँ पर ऐसे बताया एज ही ग्रू अप और जैसे जैसे वे बड़े होते गए ही स्टार्टेड उन्होंने स्टार्टेड uh, मतलब ये शुरुआत की रियलाइजिंग मतलब ये उन्होंने अनुभव करना शुरू किया दैट द फ्रीडम दैट ही इंजॉयड एज अ चाइल्ड जस्ट वॉज एन एलोजन और जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्होंने ये अनुभव करना शुरू किया कि जो उन्होंने बचपन में फ्रीडम को जो है उन्होंने आनंद लिया था आजादी का आनंद उठाया था वो एकमात्र क्या थी बच्चों इल्यूजन थी और अभी हम लोगों ने एम जब किए थे मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है बच्चों भ्रम है ना तो वो क्या है कि एज ही ग्रू अप जैसे जैसे बड़े होते गए ही स्टार्टेड स्टार्टेड रियलाइजिंग उन्होंने ये अनुभव करना शुरू किया कि फ्रीडम दैट ही इन्जॉयड एज चाइल्ड मतलब वो आज़ादी जिसे उन्होंने बचपन में जिसका आनंद उठाया था वो जस्ट लाइक ए क्या थी एल्यूजन थी मतलब भ्रम था तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आप करके आएंगे अब हमारे सामने है बच्चों वॉट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन मंडेला के अनुसार ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है ग्रेटेस्ट वेल्थ बोले तो जो सबसे बड़ी संपदा होती है वो क्या होती है मंडेला के अनुसार मतलब उनके देश के लिए वॉट वॉज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन उनके देश के लिए उनके राष्ट्र के लिए मंडेला का ओपिनियन क्या था है ना तो उन्होंने क्या बताया था कि हमारी मतलब हमारे देश में जमीन के नीचे कई सारे मिनरल्स और क्या है कि मतलब हीरे मोतियों से क्या है वो जमीन के नीचे वो दबे हुए हैं हमारे देश की मिट्टी में लेकिन जो यहाँ के देश के लोग हैं वो शुद्धतम हीरे से भी क्या है फाइन, फाइनर है मतलब अच्छे और सच्चे हैं ठीक है इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था तो वही बताया गया है बच्चों कि मंडेला सेज दैट मंडेला कहते हैं कि माई कंट्री इज रिच इन मिनरल एंड जेम्स मतलब जो मेरा देश है वो मिनरल्स यानी खनिजों और हीरे मोतियों से मतलब यहाँ पर जेम्स का मतलब होगा रत्नों से या मोतियों से ठीक है क्या हुए हैं मतलब दैट लाई बीनीथ इट्स का मतलब क्या होता है बच्चों मिट्टी जो इसकी मिट्टी के नीचे क्या है बच्चों दबे हुए हैं ठीक है बीनीथ का मतलब क्या होता है नीचे जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट लेकिन हमेशा से मैंने ये जाना है दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है मतलब महानतम जो संपदा है वो क्या है इज इट पीपल इसके मतलब देश के लोग हैं और जो कि फाइनर एंड ट्रूअर देन द्योरेस्ट डायमंड जो कि एक शुद्धतम हीरे से भी क्या है फाइनर है मतलब अच्छे हैं और ट्रूअर मतलब हो गया सच्चे हैं वो यही कहते हैं कि हमारी मतलब हमारा जो देश है उसकी जमीन के नीचे काफी खन मतलब मिनरल्स और जेम्स की बात करें कि मोतियों और रत्नों से भरी हुई है जो कि इसके जमीन के नीचे पड़े हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो महानतम संपदा है वो हमारे देश के लोग हैं जो कि एक शुद्धतम हीरे से भी क्या है सच्चे और अच्छे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है बच्चों फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसका हम लोग क्या करेंगे लॉन्ग आंसर देखेंगे ठीक है ये लॉन्ग आंसर है देखिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये शॉर्ट है कि लॉन्ग आंसर है ठीक है हम लोगों ने ऐसे रखे हैं क्लास में मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोगों ने अ लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग को देखा अब इसी तरीके से हम लोग सेकेंड चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग को देख रहे हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्या है कि वॉट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल अब नेल्सन मंडेला ने जब मतलब लोगों के लिए वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे तो कौन कौन सी परेशानियों का उन्होंने क्या किया सामना किया है ना डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयों को क्या किया फेस्ड मतलब उसका सामना किया किसने नेल्सन मंडेला ने तो ये पूछा गया है बच्चों और तेईस या बाईस में पूछा गया है फटाफट देख लेते हैं देखिए मंडेला एफर्ट टू गेट फ्रीडम for his countrymen from the rule of apartheid system क्या बताया गया है कि मंडेला एफर्ट टू गेट फ्रीडम जब उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के लिए उन्होंने एफर्ट किया प्रयास किया फॉर हिज कंट्रीमेन कंट्रीमेन मतलब अपने देश के लोगों के लिए फॉर द रूल ऑफ अपार्थाइड अपार्थाइड मतलब समझते हैं आपको मैंने बताया था कि जो रंग भेद की नीति होती है अपार्थाइड सिस्टम मतलब समझते हैं ना बच्चों रंग भेद की नीति से उन्हें क्या किया कि जो है जब उन्होंने प्रयास किया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मतलब देश के लोगों के लिए तो ही फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज उन्होंने कई सारी समस्याओं का सामना किया बहुत आसान लैंग्वेज में है बच्चों बहुत ही आसान है ठीक है तो फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज उन्होंने कई सारी समस्याओं का सामना किया हम आराम से बताते चलेंगे आपको समझना आपको है लिखना आपको है ओके हाँ नेल्सन मंडेला हैड टू सेक्रीफाइस द कम्फर्ट ऑफ हिज होम एंड लविंग फैमिली अब जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपने अ, मतलब पारिवारिक जो उनके क्या थे कंफर्ट थे मतलब जो उनकी आराम थी है ना आराम कह सकते हैं जो सुख सुविधाएं थी उसका उन्होंने क्या किया सेक्रीफाइस कर दिया सेक्रीफाइस कर दिया मतलब त्याग कर दिया ठीक है तो होम एंड लविंग फैमिली जो उनकी मतलब लविंग फैमिली थी उसकी सुख सुविधाओं का उन्होंने क्या कर दिया त्याग कर दिया लोगों की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लोगों के लिए ही वॉज डिक्लेयर्ड एन आउट लॉ ऑफ डिमांडिंग इक्वेलिटी फॉर ऑल और जब उन्होंने डिमांडिंग मतलब ये मांग की इक्वेलिटी फॉर ऑल मतलब सभी के लिए समानता की मांग जब उन्होंने की तो उन्हें आउट लॉ जो है क्या कर दिया गया डिक्लेयर्ड कर दिया गया उन्हें कानून के विरुद्ध बता दिया गया जब उन्होंने लोगों के लिए समानता मतलब स्वतंत्रता की मांग की समानता की मांग की कि मतलब सभी को समान होना चाहिए तो उन्हें क्या जो है डिक्लेयर कर दिया गया बच्चों आउटला ठीक है आउटलॉ डिक्लेयर कर दिया गया ये भी ध्यान में रखना ये हम लोगों ने सारा चैप्टर में पढ़ा था ही वॉज पनिस्ड और उन्हें सजा दी गई आइसोलेटेड अलग कर दिया गया एंड पुट इनटू प्रिजन लॉन्ग ईयर और फिर उन्हें जेल में भी कई वर्ष के लिए क्या कर दिया गया था कैद कर दिया गया था ठीक है सजा दी गई आइसोलेट कर दिया गया मतलब उन्हें उन्हें जो है अलग कर कर दिया दिया गया गया और फिर जेल में क्या कर दिया गया? प्रिजन यानी जेल में में क्या प्रिजन यानी लॉन्ग ईयर मतलब लंबे समय के लिए जेल में कैद कर दिया अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्ष वो जेल में रहे थे तो ध्यान में रखना थर्टी ईयर है ना ऐसा हम लोगों ने किसमें लेसन उसमें पढ़ा था बच्चों ठीक है हम्म तो यहां तक यह हो गया है फिर आगे देखिए इन साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका में एक चीज और बता दे बच्चों आपको अगर हम लोग ऐसे कोई भी एक पार्टिकुलर लॉन्ग आंसर को तैयार कर रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि हमें लॉन्ग आंसर को समझना है समझ करके कभी कभी क्या होता है कि बच्चों कोई शॉर्ट आंसर निकल के आ जाता है और शॉर्ट आंसर हमें इससे ही मिल जाता है कि अगर हमने एक बेहतर लॉन्ग आंसर तैयार किया है तो अगर उससे ही रिलेटेड शॉर्ट आंसर आ जाता है तो हम उसको कर सके इतने आप जो

लोगों की मतलब फुलफिल करना चाहता है फुलफिल मतलब अपने परिवार के कर्तव्यों का को पूरा करना चाहता है तो उसे क्या कर दिया जाता था कि फैमिली से मतलब परिवार से पूरी तरीके से जो है उसे राइब्ड कर दिया जाता था मतलब अलग कर दिया जाता था हिज होम हिज होम मतलब उसे घर से पूरा क्या कर दिया जाता था अलग कर दिया जाता था एंड वो फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट और उसे जो है फोर्स किया जाता था मतलब बाध्य किया जाता था कि वो जो है अलग जाकर के अपना जीवन व्यतीत करें नेल्सन मंडेला सेज दैट नेल्सन मंडेला कहते हैं दैट की द पॉलिसी ऑफ अपार थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड ऑन हिस कंट्री फिर नेल्सन मंडेला ने लास्ट में क्या बोला बच्चों कि नेल्सन मंडेला सेज दैट वो कहते हैं कि पॉलिसी ऑफ अपार थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड ऑफ हिज कंट्री इस अपार थाइड सिस्टम ने ना अपार्थाइड पॉलिसी ने उसके लोगों के लिए क्या किया डीप मतलब गहरे और लास्टिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाले यानी स्थायी घावों को क्या किया है मतलब दे दिया है कि जिससे वो कभी भूला नहीं सकते हैं है ना ये बताया गया है एंड इट्स पीपल वहाँ के लोगों के लिए इस लाइन को एक बार ध्यान से समझिएगा क्या है नेल्सन मंडेला सेज दैट नेल्सन मंडेला कहते हैं द पॉलिसी ऑफ यानी इस रंग भेद की नीति ने के जो घाव होते हैं वो चीज यहाँ पर बात हो रही है ऑन हिस कंट्री यानी उसके देश के लिए एंड इट्स पीपल यानी उनके देश के लोगों के लिए उन्होंने क्या कर दिया है इस अपार सिस्टम की पॉलिसी ने उनके दिलों में बहुत ही ज्यादा मतलब उन्हें दुखी किया है इस वजह से वो कभी उन्हें भुला भी नहीं सकते हैं एंड साउथ अफ्रीका गॉड फ्रीडम फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड ऑन टेंथ में 1994 एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको यहां से देखने को मिलेगा कि साउथ अफ्रीका ने फ्रीडम को जो है क्या किया फ्रॉम द रूल ऑफ अपार्थाइड सिस्टम से फ्रीडम कब उन्होंने गेन किया टेंथ में नाइनटीन तो इस तरीके से हमारा जो है एक लॉन्ग आंसर भी क्या होता है कंप्लीट समझ रहे हैं हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों की वॉट वॉज द यंग सीगल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉट वॉज द यंग सीगल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट अपनी फर्स्ट फ्लाइट के दौरान यंग सीगल ने क्या जो है आ, किया मतलब क्या उसने एक्सपीरियंस अनुभव किया ठीक है तो देखिए एज द यंग सीगल फेल फ्रॉम द लेज पहले तो क्या हुआ कि यंग सीगल वो पहाड़ी से नीचे गिर गया ही वो फिल्ड विथ फ़ियर अब वो डर से क्या हो गया था भर गया था भैया ठीक है बट सून लेकिन जल्दी हिज विंग्स स्प्रेड आउट लेकिन फिर जल्दी क्या हुआ कि उसके पंख जो है पूरी तरीके से फैल गए थे एंड ही फाउंड फ्लाइंग और उसने जो है अपने आप को खुद उड़ते हुए पाया है ना अपोन रियलाइजिंग दैट ही वॉज फाइनली फ्लाइंग अब अपोन

आगे मतलब प्रयास किया करने का तो उसे ऐसा लगा कि नहीं अब वो क्या हो सकता है उड़ सकता है उसने उड़ान भर ली थी और फिर वो खुशी से भर गया था फाइनली अंत में और फिर वो खुशी से चिल्लाया और उसे अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता था लंबी उड़ान भरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था बहुत आसान है क्वेश्चन का आंसर ठीक है बच्चों फिर अगला है वाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल अब जो है एनी फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती थी कि पेपर में जो है पीपल से भी ज्यादा मोर पेशेंस होता है मतलब बहुत धैर्य होता है ठीक है लोगों की तुलना में जो पेपर होता है उसमें धैर्य होता है पेशेंस होता है तो ये बोला गया है बच्चों देखिए क्यों वो ऐसा सोचती थी देखिए एनी बिलीव दैट एनी फ्रैंक विश्वास करती थी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल कि मतलब पेपर के पास मोर पेशेंस होता है देन पीपल यानी लोगों की तुलना में पेपर के पास बहुत ही पेशेंस होता है बिकॉज क्योंकि

दूसरे लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करेगी समझ रहे हैं ना आप क्या बोला जा रहा है यहां पर एनी बिलीव दैट एनी विश्वास करती थी कि पेपर डज नॉट गेट टायर्ड और कि वो ऐसा मानती थी कि पेपर कभी नहीं थकता है ऑफ हर वर्ड्स मतलब उसके शब्दों से पेपर कभी नहीं थकेगा और इमोशंस मतलब जो उसकी भावनाएं होंगी उसे भी वो समझेगा मत समझ समझने का मतलब यह है कि वो मनुष्य की तरह रिएक्ट नहीं करेगा लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करेगा इट डज नॉट जज हर फॉर वर्ट सी राइट्स और वो उसे जज भी नहीं करेगा कि भाई वो उसमें क्या लिखती है है ना कुछ भी सही गलत ये नहीं बोलेगा कि भाई वो उसमें क्या लिखती है वो अपनी फीलिंग्स को उसमें शेयर कर सकती है बच्चों हम्म अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ब्रेक चाहिए तो देखिए आप सुन करके भी इन सारी चीजों को तैयार कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा जा सकते हैं बच्चों क्योंकि देखिए शाम को भी क्लास होगी है ना जाने का मतलब अगर आपको पानी पानी पी पी पीना है पी लीजिए बैठ के खाना खाते वक्त भी आप देख सकते हैं लेकिन हम तो खाना खा नहीं सकते बच्चों है ना तो आप समझ रहे हैं कि भाई मेहनत हो रही है तो देखिए बच्चों ये यहाँ पर इसलिए किया गया है कि अगर हम लोग अभी ब्रेक में अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना बच्चों तो अभी शाम को भी हम लोग को क्लास करनी है ठीक है तो बिना किसी ब्रेक के ही कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है अब अगला क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग बस अभी कुछ और लॉन्ग शॉर्ट आंसर को देखेंगे आप नोट कर लीजिएगा उनको और जो है एनी 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 फ्रैंक 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 डायरी डायरी अब Annie Frank, Annie Frank ने को क्यों मेंटेन किया था वो तेरह साल की है ना थर्टीन ईयर यानी तेरह साल की एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल थी बुद्धिमान थी ठीक है बुद्धिमान लड़की थी डायरी विच वॉज डायरी को विच वॉज गिफ्टेड टू हर ऑन हर थर्टींथ बर्थडे जो कि उसके पिताजी के द्वारा उसके तेरहवें जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट के रूप में दी गई थी तो उसी को क्या करती है वो लिखना स्टार्ट करती है फिर सी नेम द डायरी किटी अब उस डायरी का नाम वो क्या देती है किटी विच सी कंसीडर्ड एज ओनली ट्रू फ्रेंड जिसे उसने अपना एक सच्चा मित्र बना लिया था मतलब उस डायरी को लिखती है उसका नाम किटी रखती है फिर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है एनी फ्रैंक ओके अब बीच में बच्चों कहीं ना कहीं का प्रश्न ना किया करिए अब कुछ बच्चे जो लगातार लिख रहे हैं कि मैम सेंट्रल आइडिया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जब मैंने आपको बताया कि हम लोग कंप्लीट पोएट्री की भी क्लास करेंगे ठीक है हाँ कंप्लीट सप्लीमेंट्री भी करेंगे तो जब पोएट्री की क्लास करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताएंगे लेकिन अभी हम लोग प्रोज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रोज में ही फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर तो आप जो तो है पाँच मिनट लिए आ जाइएगा थोड़ा सा ठीक है उसमें सही रहेगा अभी जस्ट इसी के बाद ना वाले में ओके okay. तब तक क्लियर कंटिन्यू करते हैं हाँ तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि वो डायरी का नाम क्या रखती है किटी रखती है और उसने उसने जो है अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था उन बच्चों को जवाब मिल गया जो सेंट्रल आइडिया के लिए पूछ रहे हैं सेंट्रल आइडिया हम लोग कंप्लीट पोएट्री की क्लास में करेंगे आपको बताएंगे सी मेनटेन अबाउट हर चाइल्ड ओके देखिए सी मेंटेन अबाउट हर चाइल्डहुड अब क्या हुआ था कि जो है जब उस वो डायरी लिखती है ना तो उसमें उसने क्या क्या लिखा था कि अपने बचपन के बारे में हर फैमिली अपने परिवार के बारे में एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स और कई सारी चीजों के बारे में उस डायरी में क्या करती है लिखती है दैट की सी टोल्ड नो वन एल्स है ना जो मतलब वो लोगों से और किसी से कह नहीं सकती थी वो सारी चीज़ें वो अपनी डायरी में लिखती है एनी फेल्ट लोनली बिकॉज है ना वो अपने आप को अकेलापन महसूस करती है uh, कौन एनी फ्रेंक बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव एनी क्लोज क्योंकि उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं थे एंड ट्रू फ्रेंड्स मतलब सच्चे मित्र भी नहीं थे तो उसके पास कोई भी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड भी नहीं थे इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि भाई वो क्या करेगी एक डायरी लिखेगी जो कि उसके पिताजी के द्वारा उसे गिफ्ट करी गई थी होम सी कैन कन्फाइड इन मतलब जिस पर उसने विश्वास वो विश्वास कर सकती थी तो उसने क्या किया कि भाई वो डायरी मतलब ये यहाँ पर इस तरीके से बताया गया बच्चों कि वो अकेलापन महसूस करती थी और क्या करती थी कि उसके पास कोई क्लोज या फिर ट्रू फ्रेंड नहीं थे कि जिस पर वो कर सके यानी सी कैन कन्फाइड इन मतलब जिस पर वो विश्वास कर सके ये ऐसे बोला गया है अब आराम से समझिएगा क्या है कि दो सी हैड फ्रेंड्स हाँ हालांकि सी हैड फ्रेंड्स उसके पास मित्र थे बट लेकिन शी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विद लेकिन वो पूरी तरीके से खुल के अपनी बात को उनके सामने नहीं कह पाती थी सो शी डिसाइडेड टू कन्फाइड तो इसीलिए शी डिसाइडेड उसने ये निर्णय लिया या निश्चय किया टू कन्फाइड ऑल हर थॉट्स एंड इनर मोस्ट फीलिंग टू हर डायरी तो उसने ये निश्चय किया भाई कि जो है वो अपने सभी थॉट्स को यानी विचारों को एंड इनर मोस्ट फीलिंग्स को मतलब जो उसकी अंदर की आंतरिक भावनाएं हैं उसको एक क्या करेगी एक डायरी में कन्फाइड करेगी मतलब उसमें क्या करेगी लिखेगी ओके तो हम लोगों ने डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का लॉन्ग आंसर देख लिया बच्चों अब हमारे सामने आता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट होगा तो इस तरीके से अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम हम लोग कितने लॉन्ग शॉर्ट आंसर करेंगे तो जब लॉन्ग शॉर्ट आंसर की बात करें बच्चों तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे करते हैं कि कुछ हम लोग टोटल यहां पर 20 या 21 प्रश्नों को करेंगे मतलब लॉन्ग शॉर्ट आंसर दोनों को मिलाकर के हम आपको बता रहे हैं ठीक है तो हमने आपको आईडिया दे दिया है बच्चों <laughs> और ये सभी इम्पोर्टेंट है बच्चों वॉट आर प्रिपरेशन ऑफ बेकर्स ऑफ गोवा होती थी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फिर उसके बाद है बच्चों। पर जो है स्वीट एंड स्नैक्स प्रिपेयर किए जाते थे वो बताना है कि किस तरीके से ठीक है तो आपको बताना है देखिए बेकर्स ऑफ गोवा वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड अब जो बेकर्स ऑफ गोवा यानी गोवा के बेकर्स होते थे बच्चों वो किस लिए प्रसिद्ध थे फेमस थे प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या थे फेमस थे बेकरी प्रोडक्ट हैव इम्पोर्टेंस इन द कल्चर और जो वहाँ की कल्चर होती थी उनमें बेकरी प्रोडक्ट भी क्या होते थे इम्पॉर्टेंट उन वो मतलब महत्वपूर्ण होते थे ट्रेडिशंस ऑफ गोवा है गोवा की जो उसमें जो उसकी परंपराएं होती थी उनमें उनका महत्वपूर्ण तो योगदान होता था किसका ये ब्रेड्स का बॉल और स्वीट ब्रेड इज अ पार्ट ऑफ मैरिज गिफ्ट मतलब जो बॉल और स्वीट ब्रेड होते थे ये शादियों का एक महत्वपूर्ण तो हिस्सा माने जाते थे मतलब इनके बिना शादियां अधूरी मानी जाती थी केक एंड बोरिहाज ऑफ कोकोनट कुकीज आर ईटन ऑफ एवरी फेस्टिवल मतलब केक्स एंड बोरिहाज ऐसे करके आ सकता है बच्चों आपकी परीक्षा में पूछ है कि केक एंड बोलिनास ऑफ कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल हर त्यौहार में मतलब ये जो है खाए जाते थे क्या केक एंड बोलिनास द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स एंड सैंडविचस एट द डॉटर्स एंगेजमेंट अब द लेडी ऑफ द हाउस जो घर की महिलाएं होती थी वो सैंडविचेस को क्या करती थी प्रिपेयर करती थी अपनी बेटियों की इंगेजमेंट के लिए वो किसे प्रिपेयर करती थी सैंडविचेस को प्रिपेयर करती थी समझ में आई बात फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है बच्चों ये हम आपको इसलिए करा रहे हैं बच्चों कि आप इनको इम्पोर्टेंट आपके मन में हज़ारों सवाल होते हैं कि मैम कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर तैयार करें ठीक है जिन बच्चों ने हमारे द्वारा इनको पहले भी पढ़ा है तो उनका रिविजन हो जाएगा पूरा ये मान के चलिए आप क्या है कि वर्ड डू द वर्ड्स पैडर एंड कबाई अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से भाई डिसाइड के, वो पूरा डिस्कस किया था कि पैडर एंड कबाई क्या है भैया अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए आप आसानी से कर लेंगे स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा ठीक या फिर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ बेकरस अब बेकर्स की जो ड्रेस है भाई उनको जो है डिस्क्राइब कीजिए मतलब उनके बारे में बताइए है ना तो आपको पता होना चाहिए भाई कि कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे देखिए ध्यान से सुनिएगा नोट जरूर करिएगा बच्चों है ना नोट जरूर करिएगा द बेकर्स वर नोन एज पैडर जो वहाँ के बेकर्स होते थे उन्हें पैडर के नाम से जाना जाता था दीज wore स्पेशल ड्रेस और ये जो बेकर्स होते थे वो एक स्पेशल ड्रेस को पहनते थे नोन एज द कबाई जो कि कबाई के नाम से जानी जाती थी इट वॉज पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज और ये क्या होता था कि एक पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक होता था जो कि घुटनों के नीचे तक क्या होता था पहुंचता था दे ऑल्सो वे वो रे शर्ट और वो एक शर्ट भी पहनते थे एंड ट्राउजर भी पहनते थे ठीक है बच्चों विच वर शॉर्टर जो कि शॉर्टर uh, होता था फुल लेंथ मतलब पूरी जो कंप्लीट लेंथ होती है उससे छोटा होता था एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट और जैसे हाफ पैंट होती है ना उससे थोड़ा लंबा होता था तो आप आइडिया लगा सकते हैं भाई कैसा होता था ठीक है तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूरा पूरा चांस बनता है बच्चों कि आपको परीक्षा में मिल जाए देखने को तब आप ये ना सोचेगा कि मैम पैडर और कबाई का हमें मतलब ही नहीं पता था तो हम लिखते कैसे जब आपको इतनी मेहनत से बताया जा सकता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप सारी चीजों को तैयार बच्चों है ना तो अब अगर ये आएगा तो आप समझ जाएंगे ना कि कि क्या है कि पैडर वहां के बेकर्स को बोला जाता था कबाई उनकी ड्रेस होती थी जो कि आ, क्या होती थी कि फुल लेंथ की एक फ्रॉक से शॉर्टर होती थी और हाफ पैंट से थोड़ी सी क्या होती थी लॉन्गर होती थी ओके चलिए मैम अच्छे से समझ में आ गया चलिए फिर बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर कि वॉट इज कूर्ग फेमस फॉर अब भाई कूर्ग जो है किसके लिए प्रसिद्ध था 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया है किसके लिए प्रसिद्ध था तो कूर्ग इज अ फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन यस मैम नोट कर लिया कूर्ग जो है कॉफी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध था इवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षा वनों के लिए जो है प्रसिद्ध था स्पाइसिस

टू विजिट दिस प्लेस इज़ फ्रॉम सितंबर टू मार्च अभी हम लोगों ने एमसीक्यू में भाई बात किया था कि यहाँ का बेस्ट सीज़न क्या होता था कि जो है सितंबर से मार्च तक क्या होता था बेस्ट सीज़न होता था द एयर इज़ फुल ऑफ कॉफ़ी फ्लेवर और वहाँ की जो एयर होती थी वो कॉफ़ी फ्लेवर से क्या होती थी पूरी तरीके से फुल होती थी इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ग्रीनरी एंड नेचुरल ब्यूटी और ये पूरी तरीके से हरियाली और नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सुंदरता के लिए क्या था बच्चों जाना जाता था कूर्ग तो अगर आ जाए कि कूर्ग जो है किसके लिए प्रसिद्ध था तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसका आंसर क्या करेंगे लिख देंगे ओके। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं कोई बच्चा लिख रहा है ना काफी अच्छा था वह कहाँ शॉर्ट बन गया और कहाँ आपकी परीक्षा में मिल गया देखने को चलिए ओके बच्चों ठीक है हाँ फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या है थर्टीन नंबर है हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम अब जो कूर्ग के लोग थे वो हिंदू मुख्य धारा से कैसे अलग था बस बच्चों हम मात्र दो मिनट में ही आए ओके हाँ दो मिनट में ही आए बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे रुके रहिएगा जाइएगा नहीं टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 21 है मैम आपकी बस दो मिनट में आ रही है ठीक है तो तब तक आप लोगों को इसका आंसर जो है फटाफट करना है और वन वर्ड में जरा आंसर करने की कोशिश कर कीजिए सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चे और बताइए कि साइंस का पेपर कैसा हुआ था बोलो भैया साइंस का पेपर कैसा हुआ था <laughs> देखो जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन बिल्कुल तगड़े से चल रही है सामाजिक विज्ञान के लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो देंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो देंगे आप सभी को और सभी को पता है कि सामाजिक विज्ञान में हमारे पास गैप कम है है ना तो सामाजिक विज्ञान में अगर हमारे पास कम गैप है तो फिर हम कैसे पढ़ाई करेंगे उसके लिए गुरु जी की बात को ध्यान से सुनना मैं आपको ऐसा एक वीडियो दूंगा जिसकी वजह से आपका पूरा सामाजिक विज्ञान तैयार हो जाएगा ये मेरी गारंटी है मेरी गारंटी है आप बिल्कुल निश्चिंत रहो और रही बात की इंग्लिश में प्रोज क्या होगा तो मैम ने आज पूरा प्रोज ख़त्म कर दिया है बच्चों ये वीडियो अभी मान लीजिए बीस मिनट पच्चीस मिनट और चलेगा तो चार घंटे हो जाएंगे और चार घंटे जो होते हैं बहुत होते हैं है ना आप समझ सकते हो कि चार घंटे हम लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और चार घंटे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रहे हैं ना और इन चार घंटों में हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे ठीक है बोलो क्लियर है इतनी बात सारे बच्चों को चलिए फटाफट फड़ से सारे बच्चे जल्दी से, से शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को भी और अपने दोस्तों के साथ भी इसको अपना शेयर कर दीजिएगा मैम बस दो मिनट में आ रही हैं आप सभी की साइंस के पेपर में आप सभी ने फोड़ दिया है शाम को आज सात बजे जो है वो क्लास कौन सा होगा आज शाम को क्या होगा मैं आपको आज का और कल का प्लान बता देता हूँ शाम को सात बजे जो होगा वो इंग्लिश का जो आपका ग्रामर होता है ग्रामर की क्लास होगी मेरे बच्चे ठीक है आपको शाम को मिलेगी ग्रामर की क्लास तो शाम को हम लोग ग्रामर कर रहे होंगे और ये जो क्लास होगी वो लाइव होगी ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी अब इंग्लिश में ग्रामर की अगर बात करें तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में क्या क्या ग्रामर में आता है है ना फाइव एम होंगे एक हमारे पास पैराग्राफ होगा जिसमें चार सेंटेंस होंगे उसको आपको ट्रांसलेट करके करना होगा है ना यह बात आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है लेटर एप्लीकेशन इनके लिए बिल्कुल टेंशन मतलब सब कुछ कवर होगा मात्र एक वीडियो में ठीक है तो ग्रामर हम लोग करेंगे ग्रामर शाम को सात बजे होगी फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कल सुबह क्या चलेगा देखो बच्चों ध्यान से सुनना कल सुबह जो है ना कल सुबह दस बजे कल अभी जाइएगा नहीं क्योंकि अभी मैम आने वाली है मात्र दो मिनट में तो कल सुबह जो है दस बजे हम लोग कर रहे होंगे इंग्लिश में जो हमारी पोएट्री है ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे होंगे कल सुबह पोएट्री कर रहे होंगे अब पोएट्री में क्या होता है बच्चे सोचते क्या है कि गुरु जी हमें पोयम का अगर पूरा का पूरा सार बता दिया जाएगा तो मैम आ जाइएगा कोई इशू नहीं है मैं बच्चों को तब तक बता देता हूँ देखो पोयम का पूरा सार बता देंगी मैम साथ ही साथ इंग्लिश में आपका पोएट्री में आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बता देंगे हम लोग वो टीचर नहीं है कि जो मॉडल पेपर के नाम पे केवल बहुविकल्पी करा के चले जाएं बच्चे पागल थोड़ी ना है बच्चे समझदार हैं और बच्चे अगर समझदार हैं तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती मुन्ना बच्चों को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती ना कि हम मॉडल पेपर पे क्या मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है मॉडल पेपर का मतलब होता है कि बोर्ड का पेपर और हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और है ना तो आप समझ सकते हो कि इंग्लिश में जो पोएट्री है पोयम है एक्सट्रैक्ट है ठीक है पोएट्री पोयम और इसके बाद जो आता है ना वो आता है सेंट्रल आइडिया अब एक सेंट्रल आइडिया आपको पेपर में करना ही होगा ठीक है अब सिर्फ सेंट्रल आइडिया ही नहीं अब मान लीजिए इन केस आपने सेंट्रल आइडिया तैयार किया आपका सेंट्रल आइडिया नहीं आया ऐसा फिलहाल नहीं होगा लेकिन फिर भी मैम आपको शॉर्ट एंड जो हमारे शॉर्ट आंसर भी होते हैं ना वो भी करवा देंगी आपको तो ये कल सुबह करा देंगे अब ग्रामर में मतलब ये कंप्लीट ग्रामर होगा और इसमें मैम आपको पूरा कंप्लीट ही करा देंगे चले, अब आगे शुरू करते हैं अभी सप्लीमेंट्री भी होगा इंग्लिश में मॉडल पेपर्स भी होंगे सारी चीजें होंगी हम प्यारे बच्चों सभी के लिए लगे हुए हैं चलो और बिल्कुल निश्चिंत रहो सब कुछ मिलेगा आर्ट की भी क्लास मिलेगी ठीक है चलो हाँ तो बच्चों देखिए हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था थर्टीन नंबर था बच्चे हिले नहीं है बिल्कुल भी है ना थर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें हम लोग ये देख रहे थे बच्चों ना कि हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है बच्चों कि जो कुर्ग के लोग थे है ना पीपल ऑफ कुर्ग जो कुर्ग के लोग थे वो हिंदू मेन स्ट्रीम से यानी हिंदू मुख्य धारा से किस प्रकार से डिफर थे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने देखा कि मैम ये 2022 और 23 में पूछा गया है तो पूरे चांस बनते हैं कि 2024 में आपको देखने को मिल सकता है ठीक है बच्चों तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना है भाई कैसे पता चलता था कि जो कुर्ग के निवासी थे वो हिंदू मुख्य धारा से कैसे अलग दिखाई देते थे तो देखिए द कल्चर द कल्चर ऑफ कूर्ग इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर अब जो कर्ग के मतलब द कल्चर ऑफ कर्ग था कुरग की जो मतलब कल्चर थी वो डिफरेंट थी डिफरेंट मतलब अलग थी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदू हिंदू कल्चर से वो देखने में क्या थी अलग थी कैसे पता चलता था क्या देख के हम लोग डिफरेंट मतलब उसे मैं पता चलता था कि ये अलग है दिस इज़ विजिबल फ्रॉम दियर मार्शियल ट्रेडिशन जो उनके मार्शियल ट्रेडिशन्स होते थे है ना उसे देख करके पता चलता था मैरिज़ होती थी जो शादियाँ वगैरह विवाह होते थे तो विवाह में हिंदू मुख्य धारा में एक अलग रीति रिवाज होते हैं कुर्ग लोग कुछ अलग रीति रिवाज करते थे तो इससे पता चलता था कि ये भाई हिंदू से डिफरेंट है अलग है है ना समझ रहे ना एंड रिलीजियस राइट्स और जो उनके धार्मिक राइट्स होते थे मतलब है ना जो उनके बोले तो जो मतलब समारोह में वो रीति रिवाज होते थे वो उनके डिफरेंट होते थे है ना जो धार्मिक वाले पूजा पाठ के लिए ऐसे करके तो इनसे पता चलता था भाई कि इन तरीकों से पता चलता था कि भाई हिंदू से मैच नहीं करते मतलब हिंदू की मुख्य धारा से डिफरेंट है कुर्ग के निवासी है ना तो इस तरीके से द लॉन्ग ब्लैक कोट अब जो लॉन्ग लंबा कोट ब्लैक कोट मतलब काले कलर का कोट एंड एन वेस्ट बेल्ट और फिर वो काले कलर का ऐसे कोट पहनते थे कमर में एक बेल्ट लगाते थे जिसे के नाम से जाना जाता था यह भी हम लोगों ने एमसीक्यू में कवर किया था है ना तो वो लगाते थे वॉर्न बाय द कोडावूज कोडावूज क्या होते हैं वही कुर्ग के निवासी तो कुर्ग के निवासियों के द्वारा बच्चों एक ब्लैक कोट पहना जाता था कमर में बेल्ट बांधी जाती थी जिसे कोपिया बोला जाता था तो इस तरीके ये भी देख

प्रांजोल एंड राजवीर कहाँ जा रहे थे वोट वॉज प्रांजोल फादर दियर है ना और वहाँ पर प्रांजोल यानी प्रांजोल के पिताजी वहाँ पर क्या थे अब ये आपको बताना है या इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों वेयर वर राजवीर एंड प्रांजोल गोइंग एंड वाई अब प्रांजोल एंड राजवीर कहाँ जा रहे थे और क्यों इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है तो आपको बताना है शॉर्ट आंसर लिखना है ठीक है राजवीर एंड वर गोइंग टू असम वो कहाँ जा रहे थे बच्चों असम जा रहे थे प्रांजोल द समर वेकेशन अब प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया था समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियां हुई थी जिस पर उसने उसे क्या किया था इनवाइट किया था

इनवाइट किया था उसे विजिट के लिए कि जो है वो यहाँ पर आए और जो है देखेगा कि क्या है कि एंड नो अबाउट द हाउ टू टी इज ग्रोन कि जब प्रांजोल ने राजवीर को बुलाया था तो वो चाहता था कि राजवीर देखे कि किस तरीके से चाय को उगाया जाता है है ना तो ये कारण था बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हम लोग ये करते जा रहे हैं ना तो आप इनको नोट कर सकते हैं आप थोड़ा सा टाइम अपने आप से दीजिएगा इन क्वेश्चन को यानी कि जैसे अभी अभी हमने आपको बताया हमने आपको प्रोवाइड किया हम लोगों ने हर एक वर्ड का मतलब भी समझ लिया है ना तो थोड़ा सा आप अपना टाइम दीजिएगा जब भी आपको बेहतर लगे तो जो है इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा परीक्षा के लिए फिर अगला है बच्चों वॉट वॉट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी चाय की उत्पत्ति के लिए भाई वेरियस लेजेंड्स क्या थी है ना जो दंत कथाएं होती है ना वो क्या प्रचलित थी दोस्तों 2022 में प्रश्न पूछा गया है या राइट विद डिस्कवरी ऑफ टी अब जो चाय की खोज के लिए जो लिजेंट थी मतलब दंत कथाएं जो प्रचलित थी भाई वो कौन सी थी कौन सी राजवीर ने प्रांजोल को बताया था वो आपको करना होगा ठीक है तो देखिए बहुत आराम से शब्दों में समझेंगे काफ़ी अच्छा आंसर है इंपॉर्टेंट आंसर है आपको पूरा पूरा ये मिल सकता है अगर आपने ये लॉन्ग आंसर तैयार किया बच्चों तो जो है ये मान के चलिए कि अगर इनसे रिलेटेड आपसे शॉर्ट आंसर पूछता है तो आप भी तब भी कर लेंगे ठीक देर आर मैनी डिस्कवरी ऑफ टी चाय की खोज के लिए कई सारी दंत कथाएं भाई क्या है प्रचलित है अकॉर्डिंग टू वन लीजेंट एक लीजेंट के अनुसार आप ध्यान से सुनीगा ठीक एक दंत कथा के अनुसार क्या था ए चाइनीज एम्पर एक चाइनीज एम्पर ऑलवेज यूज टू बॉइल वॉटर बिफोर ड्रिंकिंग एक चाइनीज एम्पर क्या करता था कि हमेशा पानी पीने से पहले उसको करता था, मतलब उबालता था तो अब आगे देखिए क्या हुआ कि one day एक दिन water गिविंग इट delicious फ्लेवर अब मतलब ये है बच्चों कि देखिए आप जल्दबाजी ना समझिएगा मैम जल्दबाजी करी लेकिन जल्दबाजी में देखिए हम आपको कोई लाइन का अर्थ नहीं छोड़ रहे हैं जिसका अर्थ नहीं बता रहे हैं बच्चों ठीक है हाँ क्योंकि देखिए बच्चे भी थक चुके होंगे और हम लोग को अभी शाम को सात बजे कंप्लीट ग्रामर भी करना है तो उसके लिए भी एनर्जी बचा के रखना है और इसको आप सभी नोट कर लेंगे तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि एक चाइनीज एम्पर था जो पीने से पहले पानी को क्या करता था उबालता था वन डे एक दिन leaves, कुछ पत्तियां है ना ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग जलती हुई हनियों से कुछ पत्तियां क्या हो गई अंडर द पॉट Fell into the water मतलब उस बर्तन में क्या हो गई गिर गई Fell into the water बर्तन के पानी में गिर गई इट डिलीशियस फ्लेवर इससे एक स्वादिष्ट क्या आ गया फ्लेवर स्वाद आ गया इट इज सेड दे वर टी लीव्स है ना इट इज सेड ये बोला गया कि भाई ये क्या है चाय की पत्तियां हैं there is an indian legend as well as आप देखिए एक तो चाइनीज एम्परर के द्वारा था दूसरा क्या है कि there is an indian legend अब एक भारतीय दंत कथा के अनुसार as well that say that बोधि धर्मा एक बोधि धर्मा नाम के क्या थे जो है साधु थे ठीक है एन एशिएंट बोधिस्ट एसेटिक हाँ कट ऑफ हिज आईलेट बिकॉज एक मतलब बोधि धर्म नाम के एक क्या थे प्राचीन बोधिस्ट थे है ना बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने क्या किया कि कट ऑफ हिज आईलेट्स उन्होंने अपनी आंख की पलकों को काट दिया मैंने आपको पहले भी पढ़ाया बच्चों रिविजन भी हो जाएगा आपका अगर नहीं पढ़ाए तो आपका ये भी तब भी तैयार हो जाएगा तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों अपनी आँखों की पलकों को काट दिया बिकॉज़ क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन क्योंकि वो साधना के दौरान जो है नींद को महसूस कर रहे थे मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा आप साधना समझ सकते हैं या फिर बोले तो तपस्या है ना तपस्या भी समझ सकते हैं कि मैम ने इसका अर्थ क्या बताया तपस्या तो वो मेडिटेशन के दौरान क्या कर रहे थे नींद महसूस कर रहे थे 10 टी प्लांट ग्रो आउट ऑफ द आइलेट अब उससे 10 जो है चा, न, चाय के नए पेड़ निकल आए द लीव्स ऑफ दिस प्लांट वर पुट इनटू हॉट वाटर और जब उन प्लांट्स की आ, पत्तियों को गर्म पानी में हॉट वाटर मतलब गर्म पानी में डाला जाता था एंड ड्रंक और जब उनको पिया जाता था ड्रंक मतलब जब उनको पिया जाता था तो क्या होता था कि बैनस्ड स्लीप तो उससे क्या होती थी कि नींद भाग जाती थी तो एक तो हम लोगों ने देखा कि चाइनीज एम्पर था जो पानी पीने से पहले उसको उबालता था तो जलती हुई टहनियों से कुछ पत्तियां उछल करके उसके पानी में गिर गई अब उससे क्या हुआ उसमें एक डिलीशियस टेस्ट आ गया तो इससे ये पता चला कि भाई ये चाय की पत्तियां हैं फिर दूसरे में देखा कि एक जो है बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने मतलब क्या किया वो तपस्या के दौरान नींद को महसूस करते थे तो उन्होंने अपनी आंखों की पलकों को काट के फेंक दिया उससे क्या हुआ कि दस चाय के नए पेड़ निकल आए तब से ये माना जाता था कि अगर उनको गर्म पानी में डाल करके उबाल के पिया जाता था तो उससे क्या हो जाती थी कि नींद भाग जाती थी तो अगर अभी आपको नींद आ रही हो भाई तो चाय पी लीजिए ठीक है समझ में आई बात तो ये लॉन्ग आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है इंपॉर्टेंट है बच्चों बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट हैपेंड द मिसबिल इन द बॉक्स बॉक्स में मिसबिल को क्या हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ईयर इसमें इसलिए नहीं लिखा हुआ है बच्चों क्योंकि ये सिलेबस में नया जुड़ा हुआ चैप्टर था आपके मिस बिल हैड हिमसेल्फ इन द बॉक्स मिसबिल ने बॉक्स में अपने आप को कर लिया था ही कंफर्टेबल इन द बॉक्स है ना वो बॉक्स में अपने आप को क्या महसूस कर रहा था अनकंफर्टेबल मतलब उसे आराम नहीं लग रहा था वो बॉक्स के अंदर एंड हैड ट्राइड टू स्केप फ्रॉम इट और वो उससे बाहर निकलने का प्रयास भी कर रहा था ठीक है बच्चों टू स्केप उससे बचने के लिए ही हैड टर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स इन टू द स्ट्रेड तो उसने क्या किया था कि जैसे एक बॉक्स में उसको पैक करने के लिए पैक मतलब उसको रखने के लिए गेविन मैक्सवेल ने क्या किया था कि एक बॉक्स में उसे क्या कर लिया था बंद कर लिया था और फिर ऑटर उसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था तो उसने क्या किया कि उसकी लाइनिंग को क्या कर दिया मतलब टॉर्न है ना काट दिया उसने तो इससे क्या हुआ था कि एज अ रिजल्ट उसका परिणाम यह हुआ था कि ही हर्ट हिमसेल्फ उसने अपने आप को क्या कर लिया था नुकसान पहुंचा लिया था ड्यू टू व्हिच ही वाज कवर्ड इन ब्लड इसके कारण जो है उसकी बॉडी से जो है ब्लड भी निकलने लगा था वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था जिस वजह से उसे जो है नुकसान भी पहुंच गया था फिर अगला बच्चों देखिए ट्रिपल स्टार्ट बना, आ, स्टार बनाइएगा बच्चों कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों हम अधूरा छोड़ के नहीं जाएंगे अगर हमने रखा है कंप्लीट प्रोस तो उसमें हम लोग जो जो भी हमारे आ, मतलब एग्जाम में टॉपिक आएंगे हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे तो लॉन्ग शॉर्ट आंसर में आप कुछ ही बच्चे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने देखा कि किस तरीके से अब सुनिएगा द सर्मन एट बनारस का है ये ठीक है क्या बोला गया है कि वॉट हैपन टू किसा गौतमी सन किसा गौतमी के पुत्र को क्या हो गया था वॉट डेड सी डू इन हर आ, आर ऑफ ग्रीफ है ना उसने मतलब आखिरी दुख भरे हुए समय में उसने क्या किया हाउ डेड बुद्धा हेल्प हर और फिर किस तरीके से गौतम बुद्ध ने उसकी सहायता की या एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों व्हाई वॉज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ किसा गौतमी क्यों इतनी ज्यादा दुखी थी वो डेड सी लर्न इन द एंड और फिर अंत में उन्होंने क्या सीखा है ना या हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किसा गौतमी दैट दैथ इज अनएवॉइडेबल किस तरीके से हाउ डेट गौतम बुद्धा कन्विंस किसा गौतमी? किस तरीके से गौतम बुद्ध ने कन्विंस किया उन्हें ये यकीन दिलाया कि जो है, को टाला नहीं जा सकता है ना को टाला नहीं जा सकता या फिर वो डेट किसा गौत लर्न अबाउट डेथ है ना क्या मतलब मृत्यु से उन्होंने क्या सीखा था कि भाई मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है हमारे जीवन में दुख आते रहेंगे या खुशियां भी आएंगी और दुख भी आएगा लेकिन हमें अगर दुख आएगा तो उसको एक्सेप्ट करना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा ठीक सुनिएगा आराम से सुनिएगा किसा गौतमी ओनली सन डाइड किसा गौतमी का एकमात्र पुत्र था उसकी क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी ठीक है वो क्या हो गया था मतलब डाइड वो मर चुका था इन हर ग्रीफ और उसने अपने दुख में क्या किया कि सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स अब वो सी कैरीड वो ले गई कि किसको डेड चाइल्ड मतलब अपने डेड मृत बच्चे को उसने अपने हाथ में लेकर के ऑल हर नेबर्स अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई आस्किंग देम फॉर मेडिसिंस उनसे दवाइयों के लिए कह रही थी कि, कि कोई किसी भी प्रकार से उसके बेटे को जीवित कर दे फिर फिर क्या है? सी गौतम वो क्या हुआ कि कि किसी ने उसे सलाह दिया भाई कि वो गौतम बुद्ध के पास जाए एंड रिक्वेस्ट हिम टू ब्रिंग हर सन टू लाइफ और फिर वो गौतम बुद्ध के पास गई और फिर रिक्वेस्ट किया मतलब प्रार्थना की हिम उनसे टू ब्रिंग हर सन टू लाइफ कि मतलब वो उसके बेटे को क्या कर दे जीवित कर दे ठीक है सी लॉस्ट हर सेंसेस अब इस तरीके से उसने अपने सेंस को खो दिया था एंड नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट नोबडी कैन मेक हर सन अलाइव अब एंड नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड और ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी कि नोबडी कैन मेक हर सन अलाइव कि मतलब कोई भी उसके बेटे को जीवित नहीं कर सकता है बुद्धा अंडरस्टूड हर सोरो एंड ग्रीफ लेकिन जो गौतम बुद्ध थे बच्चों वो उसके दुख को पूरी तरीके से समझ चुके थे भाई कि क्या वो समझ रही है क्या कारण है किस तरीके से हमें इसका निवारण करना है गौतम बुद्ध पूरी तरीके से समझ चुके थे बच्चों ठीक है अभी आगे क्या है कि बुद्धा आस्ट हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड अब गौतम बुद्ध ना उसे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने के लिए कहते हैं बट लेकिन ही लेड वन कंडीशन लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी दैट कि इट मस्ट बी फ्रॉम अ हाउस ये मतलब उस घर से होने चाहिए वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड जहां पर किसी ने अपने बच्चे को ना खोया हो या हस्बैंड मतलब मित्र किसी पति को ना खोया हो या फिर पेरेंट्स माता पिता को ना खोया हो या फिर मित्र को ना खोया हो तो गौतम बुद्ध से लेकर के आओ ले जिस घर में किसी ने अपने बच्चे को 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 पति माता पिता को या मित्र को ना खोया हो तो ऐसा कोई भी घर नहीं है बच्चों है ना कि जिसने कभी अपने प्रियजन को ना खोया हो तो कैसे वो उसे यकीन दिलाते हैं कैसे कन्विंस करते हैं कि भाई जो है मृत्यु हमारे जीवन का एक क्या है हिस्सा है है ना किसा गौतमी ट्राइड टू फाइंड आउट सच हाउस अब क्या किया कि किसा गौतमी ट्राइड उसने प्रयास किया टू फाइंड उट सच हाउस ऐसा घर वो ढूंढने का क्या करती है प्रयास करती है वो ये जान गई कि भाई जो डेथ है मतलब जो मृत्यु है वो अन एवॉडेबल है मतलब इसे टाला नहीं जा सकता है ठीक है एवरी वन हैजू डाई वनडे हर एक इंसान को एक ना एक दिन उसकी मृत्यु जरूर होगी मतलब हर ए वन डे एक ना एक दिन जो है एवरी वन प्रत्येक व्यक्ति को क्या है मरना ही है मतलब निश्चित है मृत्यु ओके सी अंडरस्टूड अब वो समझ गई थी द मैसेज ऑफ गौतम बुद्ध वो गौतम बुद्ध के मैसेज को समझ गई थी दैट ऑल दोज हु आर बोर्न आर टू डाई वन डे मतलब जिसका भी जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन उसकी मृत्यु भी होगी डेथ इज इनविटेबल एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड और जो डेथ है बच्चों जो मृत्यु है उसे टाला नहीं जा सकता ठीक है वो क्या है अनिवार्य है और कैन नॉट अवॉइडेड और उसे टाला नहीं जा सकता At the end और अंत अंत में किसा हर पीस काम। अब में हर अब क्या होता है कि किस्सा गौतमी अपनी जो है आ, मन की शांति को वो प्राप्त कर लेती मतलब उन्हें एहसास हो जाता है भाई कि नहीं हमें इस दुख को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा कि जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी है ना बच्चों अब देखिए क्या करते हैं हम लोग ओके तो देखिए ये बताने का मतलब है कि अगर आप ध्यान से इस लॉन्ग आंसर को तैयार करते हैं बच्चों तो हंड्रेड परसेंट आप अगर लॉन्ग वैसे तो इम्पोर्टेंट है कौन सा चैप्टर सरमन एट बनेरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अभी हम लोग मैडम राइड्स द बस का भी वल्ली का कैरेक्टर स्केच भी करेंगे क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है ठीक है आगे आगे चैप्टर में हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किबल कैसे गौतम बुद्ध ने उन्हें कन्विंस किया कि भाई मृत्यु जो है वो अन है मतलब इसे टाला नहीं जा सकता तो वही सेम मतलब ये बताने का ये तरीका था कि अगर शॉर्ट आता है तो आप कैसे लिखेंगे तो देखिए बच्चों बुद्धा चेंज किसा किसा थिंकिंग मतलब गौतम बुद्ध ने उसकी थिंकिंग को सोच को क्या कर दिया था चेंज कर दिया था बदल दिया था विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्ट एक साधारण कार्य के द्वारा ही उसकी थिंकिंग को बदल दिया था ही आस्ड हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड अब उसने उससे क्या कहा कि एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर के आओ फिर उसके बाद है डेट हाउस वर नो वन हैड डाइड मतलब जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो बट लेकिन टू फाइंड एनी सच हाउस लेकिन उससे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है वेर नो वन डेड नो वन हैड हैडर डाइड मतलब जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो सी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कम्पल्सरी अब वो समझ गई थी कि भाई जो डेथ है वो कंपल्सरी है तो यही तो अभी हम लोगों ने लॉन्ग आंसर में हाँ लॉन्ग आंसर में देखा था है ना वही हमने दिखा दिया ताकि बच्चों को तसली

तो देखिए लोमो वांटेड टू गेट 35 थर्टी फाइव क्योंकि उसने क्या किया कि लोमो वो चाहता था to get married, विवाह करना बिकॉज yeah, क्योंकि ही वाज ऑलरेडी थर्टी फाइव ईयर क्योंकि वो लगभग कितने पैंतीस वर्ष का हो चुका था ही फेल्ट दैट उसने महसूस किया दैट कि नाउ ही शुड लेट नाउ ही शुड लीड ए क्वाइट एंड पीसफुल लाइफ विथ ए वेल एजुकेटेड ब्यूटीफुल गर्ल नताल्या उसने मतलब ये डिसाइड कर लिया था कि भाई उसे अब शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना है एक वेल well एजुकेटेड मतलब शिक्षित ब्यूटीफुल सुंदर लड़की यानी नताल्या के साथ में उसे क्या करना है विवाह करना है और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना है मोर एवर हालांकि ही वो सफरिंग फ्रॉम वीक हार्ट हालांकि वो वीक uh, हार्ट मतलब जो है हार्ट हृदय संबंधी उसे समस्याएं थी वो उससे पीड़ित था एंड स्लीप सिकनेस और जिसे रात के दौरे होते हैं ना उससे भी पीड़ित था एंड ही वांटेड कंपनी ऑफ समवन टू लुक आफ्टर हिम और वो मतलब कंपनी लेना चाहता था किसी की ताकि कोई उसकी देखभाल कर सके तो अगर आपकी परीक्षा में ये आ जाता है कि भाई लोमोव क्यों विवाह करना चाहता था तो आपको पता होना चाहिए भाई क्यों करना चाहता था क्योंकि वो शांति से जीवन व्यतीत करना चाहता था शारीरिक उसे समस्याएं भी होने लगी थी तो यही एक मेन कारण था राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया नतालिया का कैरेक्टर स्केच बच्चों इंपॉर्टेंट है और अगर हम बात करें कि वल्ली का कैरेक्टर स्केच है ना वलिया माई पढ़ाता

नतालिया वॉज इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले नतालिया जो है इस प्ले में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी द प्रपोजल चैप्टर ये था ना उसी में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सी इज द ओनली डॉटर ऑफ लैंड ओनर नेम्ड चुबकोव वो चुबकोव की एकमात्र इकलौती पुत्री थी सी इज ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड वो पच्चीस वर्ष की थी एंड अनमैरिड उसका मतलब अविवाहित थी विवाह नहीं हुआ था उसका ठीक है वेन लोमोव कम टू प्रपोज हर फ्रॉम मैरिज जब लोमो उसे विवाह के लिए प्रपोज करने के लिए आया सी क्वेरल विथ हिम ओवर द मिडोज अब वो मिडोज के लिए मतलब क्या करने लगी उसके साथ झगड़ा करने लगी फिर हम लोग बात करते हैं कि भाई आगे क्या होगा हेडिंग क्या डालेंगे हम गुड लुकिंग एंड एजुकेटेड मैंने पहले भी आपको बताया कि नतालिया वल्ली इनका कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है बच्चों ठीक है गुड लुकिंग एंड एजुकेटेड सी इज नॉट वेरी सुंदर नहीं थी बट सी इज अ गुड लुकिंग गर्ल लेकिन वो दिखने में well मतलब well so सुशिक्षित थी और क्या थी होम मेकर भी थी है ना शॉर्ट टेम्पर्ड भी और ये हेडिंग होगी बच्चों ठीक है ये हेडिंग होगी शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब छोटी छोटी बात में जरा से में झगड़ा करने लगती थी सी इज अटर्ड गर्ल अगर शॉर्ट आ जाए नतालिया तब भी आप कर लेंगे ओनरशिप ले like, होगा ठीक है मतलब जो जमीन थे ऑक्सीजन मिडोस थे उनके लिए उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया सुपीरियरिटी ऑफ डॉग्स और डॉग्स की सुपीरियरिटी के लिए झगड़ा करना शुरू कर दिया तो हम लोगों ने चैप्टर में ऐसे पढ़ा था कि वो कहता है कि नहीं मेरा गैस अच्छा है वो कहती नहीं माई जो मतलब मेरा स्क्वीजर है वो अच्छा है है ना तो मतलब एक दूसरे को साबित करने के चक्कर में भाई लड़ाई करने लगते हैं अब कंसर्न अबाउट फैमिली फैमिली के बारे में उसका क्या विचार था नतालिया का ऑल दो सी इज लव विथ लोमो हालांकि वो लोमो को पसंद करती थी बट स्टिल सी ऑर्ग्यूज विद द विथ हिम फॉर हर फैमिलीज लैंड एंड हर डॉग लेकिन वो उसमें क्या था कि बच्चों स्टिल सी ऑर्ग्यूज लेकिन वो उसने फिर तर्क किया फिर भी उसने अपने ही परिवार की तरफ से तर्क किया मतलब अपने पिताजी की तरफ से कि oxen मेडोज भाई किसके हैं न्याया के हैं है। तो वही बताया गया कि फैमिलीज लैंड एंड हर डॉग वो अपने ही परिवार के डॉग के बारे में भी उससे झगड़ा कर रही थी और oxen मेडोज के बारे में भी झगड़ा कर रही थी ठीक है तो इस तरीके से कंक्लूजन क्या है बच्चों निकला इसका कि न्या इज अ टोल टोकेटिव टोकेटिव मतलब बातूनी थी बहुत ही नतालिया गुड लुकिंग दिखने में सुंदर थी वेल well एजुकेटेड थी ठीक है कॉमा लगाएंगे वेल well एजुकेटेड थी गर्ल ओके एंड ए गुड होम मेकर भी थी कितनी आपको तैयार करने में कठिनाई नहीं होगी बच्चों लव्स हर फैमिली और वो अपने परिवार से क्या करती थी प्रेम करती थी एंड सोस कंसर्न फॉर हिज फैमिली बिलोंग बिलोंगिंग्स और उसने अपनी फैमिली से मतलब बिलोंग करते हुए कि मतलब हाँ भाई वो उसके पक्ष पक्ष में भी उसने झगड़ा भी किया था किससे लोमोव से ठीक है सी आल्सो एपोलॉजीज आफ्टर रियलाइजिंग हर मिस्टेक अब जो है भाई जब वो मिस्टेक कर देती है कि पता चलता है पहले तो कि लोमोव उससे आया था विवाह के लिए बोलने के लिए अब वो मिस्टेक कर देती है कि वो उससे झगड़ा करने लगती है तो फिर उसने क्या किया कि भाई वो अपने आप को जैसे खेद होता है ना खेद व्यक्त करना कि भाई उसे पछतावा भी था कि उसने गलत कर दिया है ऐसा शी इज ऑल्सो कीन टू गेट मैरिड विद द लोमोव लेकिन वो वास्तव में उसकी इच्छा भी थी वो कीन भी थी मतलब शौकीन थी इच्छुक थी कह सकते हैं कीन मतलब इच्छुक वो इच्छुक थी लोमोव से विवाह करने के लिए तो अब बताइए क्या कोई समस्या होगी अगर नतालिया का कैरेक्टर स्केच आ गया बच्चों है ना तो नतालिया का कैरेक्टर स्केच अगर तैयार कर लेते हैं तो अगर कोई शॉर्ट आंसर आता है कि मान लीजिए हु वॉज नतालिया आप शॉर्ट में लिख देंगे उसको ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने कैरेक्टर स्केच तैयार कर लिया नतालिया का जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों फिर आगे है बच्चों कि कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी आपको लगेगा मैम कैरेक्टर स्केच बता दीजिए उसका है ना तो अभी वल्ली वल्ली मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया है स्टार कि वल्ली का कैरेक्टर स्केच देखेंगे मैडम राइट द बस का बस इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी क्या है बच्चों कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली एज गिवेन इन द लेसन मैडम राइट द बस दो में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों ठीक है तो क्या है इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि वल्ली वॉज एट ईयर ओल्ड uh, गर्ल है ना वो आठ साल की लड़की थी सी वॉज वेरी क्यूरियस वो बहुत ही जिज्ञासु थी अबाउट द थिंग्स मतलब चीज़ों को जानने के बारे में काफ़ी इच्छा रखती थी हर फेवरेट पास टाइम और जो उसका फेवरेट पास टाइम था स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ द हाउस एंड वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड मतलब जो उसका फेवरेट पास टाइम था वो अपने घर के मेन दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी बाहर रास्ते में क्या हो रहा है वो उसे देखा करती थी अब आपके मन में ये भ्रम नहीं रहेगा मैम कौन सा लॉन्ग आंसर तैयार करें आपको मैंने इतने 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 बताए हैं में से आप मोस्टली जो है बच्चों तैयार कर सकते हैं और आपको ये मान के चलिए कि हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आंसर प्रोज में देखने को मिल जाएंगे समझ रहे हैं हाँ फिर है बच्चों मोर मेच्योर देन हर एज वो अपनी उम्र से भी ज्यादा अत्यधिक क्या थी मेच्योर थी परिपक्व थी ठीक है इज ओनली ईयर ओल्ड वो मात्र आठ साल की थी बट लेकिन सी वॉज मच मोर मेच्योर देन हर इज लेकिन वो अपनी उम्र से भी ज़्यादा क्या थी मेच्योर थी परिपक्व थी सी कैलकुलेटेड द टोटल कॉस्ट ऑफ द राइड ऑन बोथ द वे उसने मतलब ये भी कैलकुलेट कर लिया था भाई कि दोनों ओर से रास्ते मतलब बस से जाने में दोनों ओर से कितना किराया लगेगा उसके बाद क्या है कि टाइमिंग ऑफ द ट्रिप और जो यात्रा की जो टाइमिंग होगी समय होगा एंड प्लान द और यहाँ तक कि उसने रिटर्न सुरक्षित वापस लौटने का भी उसने योजना बना ली थी कि कैसे वो सुरक्षित वापस आएगी विदाउट हर मदर्स नॉलेज मतलब अपने माता जी को बिना बताए वो कैसे सुरक्षित जो है वापस भी आ जाएगी है ना फिर उसके बाद है बच्चों करेजियस बिल्कुल करेजियस तो थी ही वरना ऐसे कैसे आठ साल की बच्ची होते हुए वो सफ़र कर लेगी बस का है ना तो क्या है कि वली वॉज ब्रेव ट्रेवल एलोन वो क्या थी वली वॉज ब्रेव बहादुर थी टू तो ट्रेवल एलोन अकेले यात्रा करने के लिए बहादुर थी सी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन वो किसी से नहीं डरती थी एंड डिड नॉट एक्सेप्टेल्प फ्राम एनी वन और वो किसी ने मतलब किसी की वो जो है हेल्प को भी नहीं एक्सेप्ट करती है जैसे कंडक्टर ने उसे कुछ ड्रिंक के लिए बोला तो उसने तुरंत मना कर दिया था ठीक है फिर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फास्ट फॉरवर्ड अब जो है सेल्फ रिस्पेक्ट भी था उसमें एंड फास्ट फॉरवर्ड मतलब तेज तर्रार थी सी हैड सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी एंड पेड द फुल फेयर ऑफ द बस उसने बस का पूरा किराया भी दिया था सी रिफ्यूज द कंडक्टर्स ऑफर और वो उसने कंडक्टर के ऑफर को भी क्या कर दिया था मना कर दिया था सी वॉज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल वो क्या थी बच्चों स्वतंत्र थी है ना और जो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग क्या थी गर्ल थी सी वॉज ऑल्सो फास्ट फास्ट फॉरवर्ड वो बहुत ही तेज तर्रार थी एंड क्लेवर भी थी

हॉन्टेड हर वो बार बार उसे याद आ रही थी दैट्स वाई शी डिड नॉट लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो आफ्टर दिस है ना जिसके कारण फिर उसने उस बस से भाई खिड़की बस की खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर दिया था कि अब वो कुछ भी नहीं देखेगी शांति से वो क्या हो गई थी बैठ गई थी अब क्यूरियस की बात करें जिज्ञासु है ना इनमें मान लीजिए आपको बड़ा लग रहा है बच्चों आप जब मैंने बताया ना कि बाल्टी भर तैयार करेंगे तो लोटा भर बच्चेगा तो कम से कम कुछ तो लिख के आएंगे परीक्षा में है ना इजी लैंग्वेज भी है टफ भी नहीं लग रही है आपको क्यूरियस मतलब जिज्ञासु था द स्टोरी शोज दैट ये जो स्टोरी है वो ये दिखाती है कि वल्ली वॉज एंड क्यूरियस अः चाइल्ड वो मतलब एक बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था कौन वली लड़की थी छोटी सी शी वॉन्टेड टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स वो हर चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती थी वैन सी स द बस और जब उसने बस को देखा सी ऑल्सो बिकेम क्यूरियस टू नो अबाउट दोस प्लेस वेयर द बस मूवड फिर वो इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गई कि भाई ये बस कहाँ से कहाँ तक जाती है सी वॉन्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट हर सराउंडिंग्स और फिर उसने मतलब ये वॉन्टेड वांट, मतलब उसने यह भी जाना कि भाई कि मोर एंड मोर अबाउट द सराउंडिंग्स मतलब यहाँ पर यह बताया गया है बच्चों कि सी वॉन्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट द सराउंडिंग्स वो मतलब अपने जो सराउंडिंग्स में देखती थी चारों ओर देखती थी उनमें ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करती थी कि भाई क्या है ठीक है अब लास्ट में देख लेते हैं कि कंक्लूजन आप क्या लिख देंगे कि वल्ली वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट वो बहुत ही बुद्धिमान थी सेंसिटिव थी क्लेवर थी सेल्फ रिस्पेक्टिंग थी फास्ट फॉरवर्ड थी मतलब क्या है कि बुद्धिमान थी सेंसिटिव मतलब समझते हैं संवेदनशील थी अब शुद्ध हिंदी बता रहे बताने तो बता ही दें आपको सेंसिटिव क्लेवर चालाक थी सेल्फ रिस्पेक्टिंग थी आत्मविश्वासी थी है ना फास्ट फॉरवर्ड मतलब तेज तर्रार थी किसी से नहीं डरती थी ओके एंड करेजियस गर्ल साहसी लड़की थी बिल्कुल साहसी थी बच्चों ठीक है करेजियस थी शी हैड करेज टू ट्रेवल अलोन और उसके अंदर यह भी साहस था कि वो अकेले यात्रा कर सकती थी ओके शी हैड करेज टू ट्रेवल अलोन अब यहाँ से हम लोगों ने देखे बच्चों पूरे कितने वन एंड को कंप्लीट किया है मतलब मतलब कहने का मतलब है कि इसी में आपने शॉर्ट भी देखा है बच्चों ठीक है शॉर्ट भी देखा है और इसी में आपने लॉन्ग भी देखा है जितना हम लोगों ने बोला उतना हम लोगों ने किया कि मतलब यह है कि हम लोगों ने वन हंड्रेड एमसीक्यूज को किया है ना फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को किए फिर हम लोगों ने इम्पोर्टेंट शॉर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर को किया जो कि संख्या कितनी थी जिसमें हमने आपको सरमन बनारस यानी किस्सा गौतमी का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर बताया उसे जरूर तैयार करिएगा वल्ली नतालिया का कैरेक्टर स्केच और एलेक्टर टू गॉड का एक लॉन्ग आंसर ओके और ढाई बजे बच्चों है ना टू थर्टी पर मतलब ढाई बजे सर आपको एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ देंगे मतलब कुछ बताएंगे आपको तो ढाई बजे एक बार आकर के एक बार सुनने का प्रयास करिएगा कि क्या सर बताना चाह रहे हैं और बाकी शाम को तो हम लोग सात बजे अपनी क्लास करेंगे जिस जोश के साथ में बच्चों हमने स्टार्ट किया था है ना उसी जोश के साथ में हम लोग अंत कर रहे हैं बिल्कुल भी थकावट नहीं थकावट क्या वो तो हमें कुछ दिन करना है उसके बाद तो थोड़े दिन हम लोग रेस्ट कर सकते हैं ना बच्चों तो अभी ये मेहनत का समय है तो कम से कम क्यों ना मेहनत ही की जाए बिना किसी लापरवाही के मेहनत की जाए बच्चों तो जो भी बच्चे लास्ट तक रुके हैं उन्होंने अपना धैर्य दिखाया है विश्वास दिखाया है कि नहीं हमने पूरी क्लास देखी है तो हमें इससे प्रॉफिट हुआ है मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्पफुल थी ओके okay, तो ठीक है बच्चों फिर आई कि आप सभी ने नोट भी किया होगा मिलेंगे फिर शाम को सात बजे आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त है ना और किस तरीके से आपने सपोर्ट भी दिखाया वो भी देख करके काफी अच्छा लगा तो चलिए फिर ठीक है बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू ओके okay?